हेलो. वेल, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. क्या हो गया भाई? सो चलिए, तो एक चैप्टर जो जीएसटी का रिफंड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. नाउ इसमें अगर हम देखें तो सेक्शन 54 से लेके 58 तक, एज वेल एज रूल 89 से लेके तो 97 तक, सो इतने सभी रूल्स हैं. बट यस, आपको रूल्स सभी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं. और जो मैं यहाँ इम्पोर्टेंट सेक्शन, इम्पोर्टेंट मतलब ये रहेगा सेक्शन 54, अगर ये आपको याद रह जाए तो दैट्स इनफ. अगर आपको याद होगा तो हमने TDS TCS देखा था, सेक्शन 51 52 53 नॉट सो इम्पॉर्टेंट, 54 से लेके तो 58 तक की सीरीज यहाँ पे है. 59 से फिर हमने असेसमेंट चैप्टर पढ़ा था. तो चलिए ये चैप्टर देखते हैं, रिफंड चैप्टर. आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा कि ये जो रिफंड है कहाँ कहाँ मिलता है? कोई केसेस याद है रिफंड किया आपको? यस, अच्छा, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर और ज़ीरो रेट, एक ज़ीरो रेट में, और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, ज़ीरो रेट और एक्सेस पेमेंट. देखो, रिफंड मिलने की सिचुएशंस जो है, एक रिफंड एक तरह का एक्सपोर्ट इंसेंटिव होता है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव फॉर्म में मिलता है, इंसेंटिव, एक्सपोर्ट इंसेंटिव. अब यहाँ बेटा रिफंड, पैसा गवर्नमेंट से मिल रहा है, किसको अच्छा नहीं लगता है? और पैसा आने वाला तो सबको ही अच्छा लगता है. ओके, हाँ, जाने वाला ठीक है, थोड़ा दुख होता है, पर पैसा क्या हो गया, मैं बहुत हंस रहा है. तो जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ एक्सपोर्ट इंसेंटिव, इंसेंटिव्स में ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या है? एक्सपोर्ट इंसेंटिव में गवर्नमेंट आपको अपने तरफ से पैसा वापस कर रही है, मतलब आपने कोई एक्सेस नहीं दिया है, आपने कोई एक्सेस नहीं दिया है, पर हाँ गवर्नमेंट कह रही है कि चलो ठीक है भाई, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो हम आपको पैसा वापस करने के लिए, वापस देने के लिए रेडी है. ठीक है, तो रिफंड कभी हमारे राइट्स होते हैं, कभी रिफंड हमें इंसेंटिव फॉर्म में मिलता है. तो कब राइट्स होते हैं और कब इंसेंटिव फॉर्म में मिलते हैं? जैसे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कोई हमने एक्सेस नहीं दिया, हाँ अगर हम एक्सेस देते तो हम अपना राइट क्लेम करते हैं कि भाई मैंने पैसा ज़्यादा दे दिया आपको, मैंने आपको पैसा ज़्यादा दे दिया तो हमें वापस कीजिए. ठीक है, एक वो होता है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे क्लास फीस 15,000 है और आपने गलती से 20,000 दे दिया, ऐसी गलती कभी नहीं होती है, पर ऐसा समझ लो कि आपने गलती से 20,000 का चेक दे दिया, तो ऐसे सिचुएशन में आप तो दूसरे दिन खड़े हो जाओगे और कहोगे कि हमने ज़्यादा दे दिया, राइट बन जाता है. और दूसरा, आपने 15,000 दिया और मैंने कहा जो भी रैंक में आएगा मैं रिफंड दूंगा, अब ये रिफंड जो है ये मेरे पर है, आपके राइट्स ठीक है, आपने वो अचीव किया, ओके, पर जहाँ तक देखा जाए तो ये रिफंड मेरे पे है, मैं इंसेंटिव दे रहा हूँ. तो एक है एक्सपोर्ट इंसेंटिव, हाँ वो केस में रिफंड मिलता है. एक है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में भी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में ये रिफंड दिए हैं. अब इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में ये रिफंड दिए, मतलब इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में रिफंड दिए, मतलब ये है कि जैसा मैंने पहले भी पढ़ाया था कि तुम्हारे आईटी से एक्यूमुलेट हो रहा है क्योंकि आपका इनपुट टैक्स का रेट ज़्यादा है. ठीक है, इनपुट टैक्स का रेट आपका ज़्यादा है और आउटपुट टैक्स का रेट कम है, उसके वजह से आपके आईटी से एक्यूमुलेट हो रहा है, इन्वर्ट रेट हो रहा है. तो गवर्नमेंट कहती है कि चलो भाई ये बात हम समझ सकते हैं,
कि आपका आउटपुट रेट कम है, इनपुट रेट ज़्यादा है, तो क्रेडिट तुम्हारे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहते हैं, तो आप हमारे से रिफंड लेके जाओ। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, ये तो दो हमने ओके पहले भी पढ़े थे। अब एक्सपोर्ट इंसेंटिव देते वक्त थोड़ा मैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव, एक होता है कि आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो डायरेक्ट तो हमारे से रिफंड ले लो, पर एक बात ख्याल रखना, रिफंड तभी मिलेगा जब आपने कुछ दिया होगा, आपने कुछ पेमेंट दिया होगा तो ही रिफंड मिलेगा, कुछ दिया नहीं हो रिफंड किस बात का, ठीक है। तो आपने एक्सपोर्ट किया, पहले आपने पैसा दिया और पैसा देने के बाद आप हमारे से रिफंड ले रहे हो। एक्सपोर्ट में भी दो इंसेंटिव्स मिलेंगे, एक्सपोर्ट में दो इंसेंटिव्स हो गए, एक होता है विदाउट बॉन्ड वाला इंसेंटिव, कुछ याद आएगा आपको, विद बॉन्ड एंड विदाउट बॉन्ड, विद बॉन्ड इसके ऊपर हम बात करेंगे। विद बॉन्ड एंड विदाउट बॉन्ड, विदाउट बॉन्ड वाला इंसेंटिव। चलो अब देखो विद बॉन्ड विदाउट बॉन्ड, ऐसा हमने सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट में अगर आपको याद होगा तो जीरो रेट सप्लाई में पढ़ा था, जीरो रेट सप्लाई में एक डायग्राम भी बनाई थी, फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। पर जीरो रेट सप्लाई में पढ़ा था, डायग्राम भी बनाई थी हमने विद बॉन्ड विदाउट बॉन्ड। उसके बाद में आपको याद होगा तो SEZ को सप्लाई कर दिया तो भी जीरो रेट मिलता है और आपको इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि ये दोनों के एक्सपोर्ट और SEZ दोनों केस में जीरो रेट बोला जाता है। कुछ याद है आपको, कुछ याद आया क्या आपको, दोनों केस में जीरो रेट बोला जाता है ओके। अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या किसको सप्लाई कर रहे हो, SEZ को, ठीक है। एक कंसेप्ट और है जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव में है, वो है डीम एक्सपोर्ट। डीम एक्सपोर्ट मतलब ओके, यहाँ डीम एक्सपोर्ट मतलब आपने डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं किया पर ऐसे बंदे को दिया जो आगे एक्सपोर्ट करता है ओके। उसमें डीम एक्सपोर्ट में उन्होंने दिया है किस किस को, अगर आपने दिया जैसा EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, अगर आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को ओके सप्लाई किया तो ऐसा समझा जाएगा कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम भाई कोई गुरु पंडित वगैरह इनको खाना खिलाते हैं तो ऐसा समझते भगवान तक पहुंच गया, अरे है ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में ओके बात ऐसी है कि हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, अरे समझ में आया ना, तो हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, किसको दे रहे हैं, EOU को। तो EOU को सप्लाई किया ऐसा समझ लिया जाता है कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया ओके। तो उसे डीम एक्सपोर्ट, वो केस में भी रिफंड की स्कीम दी है, लास्ट अटेम्प्ट में पूछी थी डीम एक्सपोर्ट की स्कीम। उसके बाद में एक होता है पेनल्टी मेड सप्लाई, पेनल्टी मेड सप्लाई सप्लाई या मर्चेंट एक्सपोर्टर। जैसे FTP में आपको ये पढ़ाऊंगा मर्चेंट एक्सपोर्टर ओके, कुछ स्टार एक्सपोर्टर्स होते हैं इंडिया के जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स होते हैं ओके, उनको अगर सप्लाई किया, कम ऑन, उनको अगर सप्लाई किया तो उसको भी बेनिफिट्स दिया गया है, उसमें भी इंसेंटिव दिए गए हैं। ये डीम एक्सपोर्ट स्पेसिफिक लोगों को दिया, जैसे EOU है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, या एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में है, या EPCG स्कीम में है, इन लोगों को ही आपने दिया तो ही डीम एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। पेनल्टीमेट सप्लाई या मर्चेंट एक्सपोर्टर सप्लाई, इनको मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब कोई भी एक्सपोर्टर हो, इंडिया के बड़े बड़े जो भी एक्सपोर्टर्स है या यहाँ पे स्टार एक्सपोर्टर्स है, इनको अगर आपने गुड सप्लाई किया तो वो भी एक्सपोर्ट्स माने जाते हैं और उसमें भी आपको बेनिफिट दिए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो अलग अलग टाइप के एक्सपोर्ट इंसेंटिव है। अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो, SEZ को देते हो, SEZ को देते हो डायरेक्ट जीरो रेट में ले लिया है उन्होंने ओके, सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट में उन्होंने ले लिया है ओके। लेकिन डीम एक्सपोर्ट करते हो या पेनल्टी मेड सप्लाई करते हो तो वो सिचुएशन में भी स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये केस में आपके रिफंड अराइज होते हैं। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर एक स्पेशल केस है, पूरे ITC में, आई रिपीट, पूरे ITC में रिफंड कहीं नहीं मिलता। तुम्हारा एक्सेस बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करो और आपको, आपका अगर कैरी फॉरवर्ड करने का दम नहीं है, मतलब ओके आपने बिजनेस बंद कर दिया है, तो वो बैलेंस लैप्स हो जाता है, पर रिफंड नहीं मिलता है क्रेडिट बैलेंस के। लेकिन दो केस में ही रिफंड दिए है, बताओ कौन से दो केस में रिफंड दिए है? एक तो जीरो रेट और दूसरा क्या बेटा, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रिफंड दिए। तीसरे आपको रिफंड कहाँ मिलता है, सिचुएशन और इमेजिन करो ओके। तीसरा आपका कोई बता सकता है,
वेरी गुड, बैलेंस इन कैश क्रेडिट लेजर। ओके, समझ लो कुछ ऐसी केसेस है जहां बाय सेक्शन रिफंड अलाउ किया है। बाय सेक्शन रिफंड अलाउ किया मतलब आपका कैश लेजर में बैलेंस एक्सेस पड़ा हुआ है। ई कैश लेजर कुछ याद आ रहा है क्या आपको? ई कैश लेजर में आपने एक्सेस बैलेंस डाल के रखा हुआ है। अगर ई कैश लेजर में आपने एक्सेस बैलेंस डाल के रखा हुआ है तो वो केस में भी आपको रिफंड एलिजिबल हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपका ही पैसा है, आपका ही पैसा है तो गवर्नमेंट जो है वापस करना ही पड़ेगा। आपने एक्सेस डाल के रखा है ई कैश लेजर में तो वो रिफंड आपको मिल जाएगा। ओके, कि देखते ना कितने याद आते, बाकी के मैं बताऊंगा, यहाँ दिया ही है। ओके, कि कौन कौन से सिचुएशंस में आपको रिफंड क्लेम एलिजिबल होते हैं। ओके, ई कैश लेजर में। ओके, और कोई बता सकता है? टीडीएस टीसीएस में वो तो ई कैश में आ जाता है, वो रिफंड नहीं आता है, वो कैश लेजर में आ गया और कैश लेजर का पैसा आपको रिफंड एलिजिबल है। और कोई? और एक बताता हूँ, आपने प्रोविजनल असेसमेंट किया होगा, कुछ याद आ रहा है क्या आपको? आपने प्रोविजनल असेसमेंट किया होगा और फाइनल असेसमेंट कम हुआ होगा, ये की भी केस देखी थी ना हमने। आपने प्रोविजनल असेसमेंट किया होगा और फाइनल असेसमेंट कम हुआ है, प्रोविजनल असेसमेंट ज़्यादा हुआ है, तो वो केस में भी आपका क्या राइज होगा बेटा? रिफंड राइज होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, यहाँ पे प्रोविजनल असेसमेंट से फाइनल असेसमेंट का केस हमने देखा। उसके बाद में आपको सेक्शन 15 ऑफ IGST एक्ट याद होगा, तो टूरिस्ट अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है तो क्या उसको भी रिफंड दिया गया है? यस, उसको भी रिफंड है। अगर आप उसके बाद में CTP NRTP कुछ याद आया? अच्छा बता देता हूँ, CTP या NRTP, CTP NRTP को एडवांस में टैक्स देना पड़ता है 5 दिन पहले, तो ही उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है फॉर CTP एंड NRTP। अब बंदे ने एडवांस में टैक्स दे दिया, फिर वो कोई दूसरे एग्जीबिशन में बिजनेस करने गया और उतना उसका बिजनेस ही नहीं हुआ। अब अगर उसका बिजनेस ही नहीं हुआ तो उसको क्या मिलेगा बेटा? रिफंड मिलेगा। और एक केस अगर आपको याद होगी तो रॉन्गली पेमेंट ऑफ टैक्स। अब ये रॉन्गली पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है? रॉन्गली पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब क्या? आपने गलती से, मतलब आपका टैक्स था CGST और या SGST और आपने पे कर दिया IGST, या फिर रिवर्स ले लो, आपका टैक्स था IGST आपने पे कर दिया सी या SGST, इज इट क्लियर? तो फिर आपने जो पुराना टैक्स पे किया उसका रिफंड, हाँ आपको नया टैक्स तो देना ही पड़ेगा, नया टैक्स CGST SGST ये तो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन जहां तक देखा जाए IGST के रिफंड जो है आपको मिल जाएंगे, इज इट क्लियर? तो इन शॉर्ट ऐसी बहुत सारी केसेस है कि जहाँ बाय सेक्शन, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, ओके, ये फॉर्म में रिफंड दिए गए। और एक केस में आपको, जैसे एक नॉर्मल केस ले लो, एक्सेस पेमेंट, आपने अगर गवर्नमेंट को एक्सेस पेमेंट कर दिया, और ये एक्सेस पेमेंट क्यों किया? आपको लगा आपका गुड्स या सर्विस 18% का है, कमऑन, आपका गुड्स और सर्विस 18% का, आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया, बाद में पता चला अरे भाई ये तो 18% का नहीं है, ये तो 12% का ही है, तो ऐसे केस में भी आप जो है आपका पैसा रिफंड क्लेम कर सकते हो, इज इट क्लियर? तो चलिए, ऐसी बहुत सारी केसेस है जहां आप रिफंड कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने यहाँ कवर कर लिया, इज इट क्लियर? चलिए तो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ रिफंड चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस, फिर से कुछ वर्ड्स नहीं आए, नहीं कुछ वर्ड्स आएंगे जो मैं हम ऑलरेडी IGST एक्ट में देख चुके हैं। कुछ याद आ रहा है आपको IGST एक्ट में? एक्सपोर्ट गुड्स मतलब क्या बेटा? टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, सेम डेफिनेशन कस्टम्स में भी है आगे, ठीक है? नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज बेटा बताओ कौन सी 5 कंडीशन है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज? सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया, रिसिपियंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, पेमेंट रिसीव इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीज इन सम केसेस परमिटेड बाय RBI, और आपका वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जीरो रेट सप्लाई मतलब वो सप्लाई जो सेक्शन 16 का सप्लाई किया गया, ठीक है? अब थोड़ा हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, शॉर्ट नोट ऑन रिफंड। रिफंड की डेफिनेशन GST में क्या दी है? रिफंड इंक्लूड्स, वो कहते हैं कि भाई सुनो, ओके, वो कहते हैं सुनो, रिफंड इंक्लूड्स मतलब क्या? वो कहते हैं कि भाई वैसे तो रिफंड जब भी आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलना है वो रिफंड कहा जाएगा, लेकिन जब हम कुछ इंसेंटिव देते हैं तो वो इंसेंटिव भी रिफंड ही माने जाएंगे। जैसे हम इंसेंटिव देते हैं
रिफंड इंक्लूड्स जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेट सप्लाई में हम इनपुट्स देते हैं। अगर आपने आपके आउटवर्ड टैक्स पे आईजीएसटी दे दिया होगा तो वो आउटवर्ड टैक्स पे जो आपने आईजीएसटी दिया है ओके, और आप एक्सपोर्ट कर देते हो तो बाद में आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। या फिर इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई, या फिर इनपुट और इनपुट सर्विसेज का आपको रिफंड क्लेम करना है तो वो भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। नाउ डीम एक्सपोर्ट के तहत आपको जो रिफंड मिलेगा वो, और यहाँ पे रिफंड ऑन अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइडेड ओके अंडर सेक्शन 54(3), मतलब इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, यहां लिख देना इन्वर्टेड टैक्स का रिफंड। ठीक है, मतलब क्या मतलब, उन्होंने डेफिनेशन जो स्टार्ट किया उन्होंने कहा, देखो भाई बात ध्यान से सुन लो आप ओके, ये इंसेंटिव है, पर जीएसटी में ये जो हम चारों इंसेंटिव्स देंगे ये इंसेंटिव्स रिफंड ही कहे जाएंगे ओके, और रिफंड की सभी प्रोविजंस जो है ओके, जैसे नॉर्मल रिफंड को अप्लाई होती है वैसे ये इंसेंटिव्स को भी अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रिजम्पशन फॉर टैक्स ऑफ बर्डन ऑफ ओके, व्हाट इज द प्रिजम्पशन फॉर ट्रांसफर ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स। अब देखो भाई प्रिजम्पशन क्या है, एक सेक्शन था पेमेंट ऑफ टैक्स में 49(9), मैंने पढ़ाया था आपको 49(9) ओके, अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर कैश लेजर कुछ याद आया क्या आपको, उसमें एक सेक्शन था और तब मैंने पहली बार पढ़ाया था कि रिफंड जो है क्रेडिट लेजर का दो ही केस में मिलता है, एक जीरो रेटेड सप्लाई और दूसरा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, उसमें एक सबसेक्शन था 49(9). भाई ये सबसेक्शन क्या था ध्यान से सुनना, ये सबसेक्शन था कि गवर्नमेंट कुछ प्रिजम्पशन ले सकती है। हाँ भाई गवर्नमेंट क्या प्रिजम्पशन ले सकती है ये तो बताइए ओके, बहुत बड़ी पावर थी गवर्नमेंट के पास प्रिजम्पशन की। क्या पावर थी गवर्नमेंट के पास प्रिजम्पशन की, अगर किसी भी सप्लायर ने, ध्यान से सुनना मेरी बात ओके सुनो, किसी भी सप्लायर ने अपने कस्टमर को सप्लाई कर दिया होगा, रिसिपिएंट को सप्लाई कर दिया होगा और वैल्यू 1 लाख और उसका टैक्स अगर गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा, उसका टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा, समझ लो एट द रेट 18% जीएसटी पे कर दिया 18,000, तो अगर गवर्नमेंट को उसका टैक्स पे कर दिया तो गवर्नमेंट ये प्रिज्यूम कर लेगी कि पे किया हुआ टैक्स का बर्डन पास ऑन हो गया। पास ऑन हो गया मतलब सामने वाले ने जीएसटी 18,000 रिकवर कर लिया, किससे, रिसिपिएंट से। मतलब यहां पे गवर्नमेंट को ये पूरी पावर है कि गवर्नमेंट प्रिज्यूम कर लेगी कि तुमने हमको टैक्स दिया, इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है, तुमने बर्डन पास ऑन कर दिया, पास ऑन कर दिया। और ये प्रिजम्पशन पे एक डॉक्ट्रिन डेवलप हुई और वो डॉक्ट्रिन का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट ओके। पहले ये प्रिजम्पशन समझाता हूं, ये प्रिजम्पशन क्या है ओके, 49(9) क्या कहता है, प्रोवाइड दैट एवरी पर्सन हु हैज पेड द टैक्स ओके, हर वो बंदा जिन्होंने हमें टैक्स दिया है ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर दिस एक्ट शाल मतलब कंपल्सरीली हम प्रिज्यूम करने वाले हैं, शाल अनलेस कॉन्ट्री इज प्रूव्ड बाय हिम बी डीम टू हैव पास ऑन द फुल इंसिडेंस ऑफ सच टैक्स टू द रिसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। हाँ, अगर वो हमारे पास जब तक रोते रोते हुए कॉन्ट्री प्रूव करने नहीं आता है, कॉन्ट्री प्रूव करने नहीं आता है मतलब कि भाई मैंने बर्डन पास ऑन नहीं किया है, सुन लो मेरी, तो जब तक आप हमारे पास रोते रोते नाक रगड़ते हुए नहीं आते हो, ये समझ में आ रहा है, तब तक तो हम यही प्रिज्यूम करके चलेंगे कि क्या आपने बर्डन पास ऑन कर दिया है, यही प्रिज्यूम करके चलेंगे ओके। तो भाई सामने वाला टैक्स देने के बाद वापस मांगने कब आएगा, जब उसका रिफंड क्लेम बनता है। टेक ए एग्जाम्पल, भाई बंदे ने 18% से टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, 18% से टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, या एडवांस पे टैक्स दे दिया, इन केस ऑफ सप्लाई सर्विस टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस पे आ गया, और एडवांस पे टैक्स दे दिया, बाद में पता चला सर्विस सप्लाई नहीं हुई तो उसका एडवांस वापस कर दिया, रिफंड बनता है मेरा।
तो अब समझ लो मेरे, मैं सप्लायर ऑफ सर्विस हूँ, एडवांस में टैक्स दे दिया। समझ लो आपने मेरे क्लास में एडमिशन ले ली, ओके एडवांस में ले ली, मैंने टैक्स दे दिया, बाद में आपने एडमिशन कैंसिल कर दी या मैंने कैंसिल कर दी, तब मैंने आपको पूरा पैसा वापस कर दिया। हाँ, अब मैंने पूरा पैसा अगर वापस कर दिया तो आपको एक इनवॉइस चैप्टर में एक कंसेप्ट याद आना चाहिए, एक बनता है रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर कब बनता है? एडवांस मिला, टैक्स दे दिया गया और आपने सप्लाई भी नहीं किया और इनवॉइस भी नहीं दिया। आपने क्या सप्लाई भी नहीं किया और इनवॉइस भी नहीं, या क्रेडिट नोट दिया आपने, रिफंड वाउचर है क्रेडिट नोट। तो आपको मेरे, हम तो ये समझ के चले के, क्या समझ के चलेंगे कि आपने हमें पैसा दे दिया तो वो बर्डन पास ऑन हो गया। भाई हम तो ये समझ के चलेंगे कि बर्डन पास ऑन हो गया, इज इट क्लियर? लेकिन अगर आपने बर्डन पास ऑन नहीं किया होगा और आपको रिफंड चाहिए, कम ऑन, आपको क्या चाहिए? रिफंड चाहिए। तो हमारे पास प्रूव करने आओ, अपनी नाक रगड़ते हुए आओ कि हमने बर्डन पास ऑन नहीं किया, और दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। देखो मैं आपको कहता हूं, गवर्नमेंट को पैसा देना आसान है पर गवर्नमेंट से पैसा लेना इजी नहीं है। वैसा ही ये समझ में आया क्या? ओके, तो अब ऐसे सिचुएशन में तो ये गवर्नमेंट कॉन्ट्री प्रूव करने आना पड़ेगा। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स में रिफंड का भी बहुत जोरों जोरों से प्रैक्टिस होता है, रिफंड क्लेम करने का। इनकम टैक्स में रिफंड का प्रैक्टिस नहीं बचा, क्योंकि इनकम टैक्स में डायरेक्ट तुम्हारे रिटर्न, ऑनलाइन रिटर्न है, तुम्हारा असेसमेंट हो गया, रिफंड घर पे आ जाता है। पहले इनकम टैक्स में रिफंड का प्रैक्टिस होता था, क्योंकि डिपार्टमेंट से दो दो साल रिफंड आते ही नहीं थे इनकम टैक्स में। फिर उसको अपन सब मिला के खुश रहो और फिर रिफंड लाए जाते थे। वैसे ऑफिस में देखा होगा कभी आपने, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में रिफंड का स्पेशल प्रैक्टिस होता है। क्यों? क्योंकि रिफंड घर पे नहीं आते, आपके देता ही नहीं रिफंड ऑफिसर, वो तो प्रिज्यूम करके बैठा हुआ है। ये समझ में आया क्या? तो अब उस पर से एक डॉक्ट्रिन डेवलप हुई इंपॉर्टेंट, कभी शॉर्ट नोट आ सकती है चलते चलते, ओके तो कभी कभी शॉर्ट नोट आ सकती है चलते चलते। और ये शॉर्ट नोट क्या है बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ओके, ये डॉक्ट्रिन क्या कहती है? डॉक्ट्रिन ये कहती, अब क्या होता था पहले मैं आपको बताता हूं, ये डॉक्ट्रिन बहुत पुरानी है, 1988 में मफतलाल इंडस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्ट्रिन बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा था इससे रिलेटेड सेक्शन लाओ। 88 की बात है, मफतलाल इंडस्ट्री केस था, लैंडमार्क केस हुआ था। क्या हुआ था समझ लो, ये सप्लायर का रिफंड बनता है कुछ, भाई गलती से इसने 18% का टैक्स लगा दिया जबकि 12% का ही सप्लाई था, इसने कुछ मिस्टेक कर दी, कंपोजिट सप्लाई गलत मान लिया, मिक्स सप्लाई गलत मान लिया, अरे यस और नो, या कंपोजिट को गलती से मिक्स मान लिया, हाईएस्ट रेट लगा दिया जबकि उसका सप्लाई कंपोजिट था, प्रिंसिपल सप्लाई में जाना चाहिए था, गलती हो गई। हाँ, पर अब ये सप्लायर की गलती हो गई, पर इसने तो बर्डन पास ऑन कर दिया, किसको पास ऑन कर दिया? रेसिपिएंट को। अब ये सप्लायर अगर गवर्नमेंट को रिफंड क्लेम करने भी जा रहा है तो गवर्नमेंट कहती है सॉरी तूने बर्डन पास ऑन कर दिया, हम तेरे को नहीं देंगे, और पैसा गड़प, पैसा गवर्नमेंट का। तो अब ऐसे केस में रिसिपिएंट जिसके ऊपर अल्टीमेट बर्डन आया वो गवर्नमेंट के पास जाता था कि चलो भाई सर उसने गलती कर दी, पर पैसा तो मेरी जेब से गया, अगर पैसा मेरे जेब से गया तो आप मुझे तो वापस करो यार। तो गवर्नमेंट कहती है सॉरी, गवर्नमेंट पहले 1988 के पहले कहती थी रुक जा तू कौन है, हमने तेरे से लिया क्या, चल बाहर चल, हमने पैसा उससे लिया ना, रिफंड मिलेगा तो उसको मिलेगा, एंड वो तब आता, वो जब आता था तू क्यों मांग रहा है, तूने तो बर्डन पास ऑन कर दिया, मतलब इधर से भी मेरी और उधर से भी मेरी, कुछ समझ में आया क्या? एंड गवर्नमेंट पैसा देती नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने मफतलाल इंडस्ट्री लिमिटेड में कहा था कि ये क्या नाटक लगा के रखा आपने, पैसा अगर अल्टीमेट इसने बर्डन पास ऑन किया तो इसको मत दो, डोंट अनजस्टली एनरिच दिस पर्सन, अनजस्टली एनरिच दिस पर्सन, लेकिन अगर ये पर्सन ट्रेसेबल है जिसने अल्टीमेट बर्डन लिया है तो आपने पर्सन ये पैसा इसको देना चाहिए, किसको, रिसिपिएंट को, और अगर वो रिसिपिएंट ट्रेसेबल नहीं है तो ये पैसा गवर्नमेंट भी यूज नहीं करेगी, खबरदार, अगर ये पैसा गवर्नमेंट का, पब्लिक का पैसा है,
गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू अकाउंट में यूज नहीं करेगी, गवर्नमेंट ये पैसा अगर रिसिपियंट भी ट्रेसेबल नहीं होगा तो ये पैसा जो है गवर्नमेंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर करेगी, ये वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा पर ये पैसा गवर्नमेंट का नहीं माना जाएगा। जी समझ में आया क्या? तो वंस द बर्डन इज पास ऑन, ओके, तो व्हाट दिस डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट सेड, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट सेड कि भाई इसने बर्डन पास ऑन कर दिया है ना तो इसको अनजस्टली एनरिच मत करो, उसको खामखा अमीर मत बनाओ, डबल पैसा देके डबल बेनिफिट देके इसको दो, और ये भी ट्रेसेबल नहीं है। इसलिए बेटा रिफंड ऐसा नहीं है कि ऑलवेज सप्लायर को मिलते हैं, रिफंड रिसिपियंट भी क्लेम कर सकता है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, रिफंड रिसिपियंट भी क्लेम कर सकता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर रिसिपियंट भी रिफंड क्लेम कर सकता है, अगर वो ट्रेसेबल नहीं है तो पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कंज्यूमर वेलफेयर फंड अकाउंट को। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके, कंज्यूमर वेलफेयर फंड अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये थी डॉक्ट्रिन, कभी शॉर्ट नोट आ सकती है, मैं पढ़ रहा हूं आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नो पर्सन शैल बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ क्या अनादर, ओके, सुप्रीम कोर्ट कहती है गांव वालों ये आपको समझना चाहिए कि खुद अमीर नहीं बनना किसी के अदर किसी के और के कॉस्ट पे, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, ओनली द पर्सन हु हैज नॉट पास ऑन द इंसिडेंस ऑफ टैक्स विल बी एलिजिबल टू क्लेम रिफंड, वही पर्सन रिफंड क्लेम कर सकता है जिसने बर्डन पास ऑन नहीं किया, पूरा बर्डन खुद लिया है, अगर सप्लायर प्रूव कर दे, सप्लायर प्रूव कर दे कि पूरा बर्डन उसने लिया है तो ठीक है, पूरा बर्डन अगर उसने लिया होगा तो फिर उसको रिफंड मिलेगा। मुझे याद है 2012 में मैंने एक केस लड़ा था सर्विस टैक्स का, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का था, 2011 की बात है, तब 12 फ्लैट के नीचे 12 फ्लैट के ऊपर ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स थे, ओके, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे सर्विस टैक्स के लिए, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि सर्विस टैक्स नहीं आने वाला है, पर डिपार्टमेंट ने बहुत फोर्स किया था कि नहीं सर्विस टैक्स भरो आप, और नोटिस पे नोटिस आ रही थी, और आगे जो थे कंस्ट्रक्शन रोक दिया था उन्होंने, तो क्लाइंट परेशान था, उसने ओके बहुत ये किया कि सर क्या करे, सामने वाला मतलब कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है और गुड सेल हो चुके हैं, डिपार्टमेंट कह रहा है कि टैक्स भरो, मैंने कहा कंफर्म नहीं आएगा, मैं बहुत कंफर्म हूँ कि ये इंटरप्रिटेशन और ये सर्कुलर आया है इसके अंडर नहीं आएगा। अब ऑफिसर को भी मैं 3 बार समझा चुका था पर वो मानने को ही रेडी नहीं है कि भाई नहीं पे करना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, हमने अंडर प्रोटेस्ट पे किया, एक वर्ड है क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, अंडर प्रोटेस्ट, ये एक प्रोसीजर होती है और जरूर यूज करना, जब आप बहुत ही कंफर्म हो कि आपके ऊपर ये टैक्स आने वाला नहीं है तो पहले से एक लेटर बनाना पड़ता है अंडर प्रोटेस्ट, भाई मैं रेडी नहीं हूं, आप फोर्स कर रहे इसलिए मैं दे रहा, उसको बोलते हैं अंडर प्रोटेस्ट। हमने अंडर प्रोटेस्ट पे कर दिया, उसका कुछ 2.5 करोड़ का सर्विस टैक्स था, हमने अंडर प्रोटेस्ट पे कर दिया, ठीक है। अंडर प्रोटेस्ट का फायदा है कि चलो आगे का इंटरेस्ट नहीं लगेगा और एटलीस्ट हमारी प्रोसेस तो भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर केस कमिश्नर अपील तक गई, कमिश्नर अपील में अब देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा ये बोलना था कि हाँ, अब मुझे मेरे क्लाइंट ने कहा था कि क्या ये बर्डन में पास ऑन कर दो, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर था, बिल्डर पे पास ऑन कर दो, मतलब कोई ज़रूरत नहीं, तो पास ऑन करेगा वो बिल्डर भी फंस जाएगा, बाद में बिल्डर को रिफंड क्लेम करने मुश्किल जाएगी क्योंकि बिल्डर आगे क्रेडिट ले लेगा, बिल्डर ने अगर क्रेडिट ले लिया तो उसको भी रिफंड नहीं, अननेसेसरी फिर उसके आगे जब वो फ्लैट बेचेगा, फ्लैट के बेचने पे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, ओके, सेल ऑफ बिल्डिंग पे, तब सर्विस टैक्स नहीं था, तो तू अननेसेसरी नुकसान क्यों कर रहा है 2.5 करोड़ का, हम लड़ेंगे ना केस, तो पास ऑन मत कर। सर अगर मैंने अभी पास ऑन नहीं किया तो फिर आगे बिल्डर एक्सेप्ट नहीं, मैंने काम कर, बिल्डर से एक अंडरटेकिंग ले ले कि मैं अभी 2.5 करोड़ तुझे पास ऑन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर केस मेरे अगेंस्ट में गई तो 2.5 करोड़ तुझे पे करना पड़ेगा, MOU बना ले या अंडरटेकिंग ले ले। अरे है ना, तो उसने कहा ठीक है सर, फिर बिल्डर आया, बिल्डर ने हमने कहा कि सर अभी हम आपको 2.5 करोड़ नहीं लगा रहे, आप एक अंडरटेकिंग दे दो, ये अंडरटेकिंग बस इतना दे दो कि अगर केस हमारे अगेंस्ट में गई तो आप फ्यूचर में पैसा पे करोगे। बिल्डर भी थोड़ा परेशान था क्योंकि बिल्डर ने कहा कि फ्यूचर में कब रिजल्ट लगेगा, तब तक मेरे फ्लैट बिक गए तो। अरे आया ना, तो भी ठीक है, हमने उससे कन्विंस करवा के अंडरटेकिंग ले ली, पर बेटा केस 1.5 साल बाद कमिश्नर फिल्म में फेवर में दिया, किसके? कॉन्ट्रैक्टर के। तो अब इसने बर्डन पास ऑन नहीं किया था तो पूरा का पूरा रिफंड इसको मिला जो अंडर प्रोटेस्ट उसने पे किया।
मेरी बात समझ में आया क्या? तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या डॉक्ट्रिन क्या कहती है? डॉक्ट्रिन कहती है कि भाई वो पर्सन सप्लायर हो, रिसिपिएंट हो, या पूरी चेन में लास्ट बंदा हो, रिफंड उसको ही मिलना चाहिए. जो क्या एलिजिबल है. उसके बाद में नेक्स्ट, अंडर अनजस्ट एनरिचमेंट प्रिजम्पशन इज ऑलवेज ड्रॉन दैट बिजनेसमैन विल शिफ्ट द इंसिडेंस ऑफ टैक्स टू अ फाइनल कंज्यूमर एज इन इनडायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस ऑफ टैक्स ट्रांसफरेबल. हाँ, ये प्रिंसिपल में जरूर हम हर बार यही सोच कर चलेंगे कि जब जब भी टैक्स दिया जाएगा तो उसमें बर्डन पास ऑन हो गया होगा, जो 49(9) कहता है. ये प्रिजम्पशन तो लिया ही जाएगा कि आपने हमें टैक्स दिया है तो बर्डन पास ऑन किया ही होगा टू अल्टीमेट कंज्यूमर, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है. वेयर रिफंड अराइजेस, अगर आपका रिफंड बनता है देन इट इज पेड टू द सप्लायर. हाँ, अगर आपने बर्डन पास ऑन कर दिया और गलती से गवर्नमेंट ने रिफंड सप्लायर को दे दिया तो आपने तो इट विल बी अनडिजर्व बेनिफिट टू द कस्टमर. ये तो आपने अननेसेसरी कस्टमर को एक अनडिजर्व बेनिफिट दे दिया, ठीक है, जो उसके लिए लायक ही नहीं था. तो ऐसे सिचुएशन में लास्ट कंक्लूडिंग, ये पूरा मफतलाल इंडस्ट्री का मैंने पैरा लिया है डॉक्ट्रिन, क्योंकि उन्होंने डेवलप की थी डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट. देयरफॉर रिफंड शुड बी पेड टू द कंज्यूमर हु हैज एक्चुअली बोर्न द बर्डन ऑफ ड्यूटी. इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम ये कहना चाहते हैं रिफंड उसे ही मिलना चाहिए जिसने बर्डन लिया है. हाउएवर इट नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू आइडेंटिफाई सच पर्सन, देन रिफंड ड्यू शुड बी ट्रांसफर टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड. नाउ अगर ये बंदा नहीं मिल रहा है और रिफंड क्लेम जनरेट हो चुका है, रिफंड क्लेम आ चुका है पर वो बंदा नहीं मिल रहा है, तो ये पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड को दे दिया जाए, पर गवर्नमेंट यूज नहीं करेगी, गवर्नमेंट दोनों तबले पे हाथ नहीं रखेगी. ये पब्लिक का एक्सेस पैसा है और ये वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड. ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट. नेक्स्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो आ सकता है. स्पेसिफाई द सिचुएशन लीडिंग टू रिफंड क्लेम्स. ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें रिफंड आपको मिलता है, ठीक है, ध्यान से देखो. आगे बढ़ने के पहले, वैसे तो मैंने आपको ऊपर सिचुएशंस बताई है, हमने डिस्कस भी की है, अभी की ना हमने डिस्कस कौन कौन से सिचुएशन में रिफंड मिलता है, वही लिस्ट है, वही लिस्ट है. पर बेटा आपको नहीं भी याद होगा तो भी मैं याद दिला देता हूं. जीरो रेट सप्लाई सेक्शन 16 ऑफ IGST, जीरो रेट सप्लाई, ध्यान से सुनिए जीरो रेट सप्लाई क्या था, ठीक है. केस वन, सप्लायर इंडिया का, ध्यान से, ठीक है, सप्लायर इंडिया का और वो गुड्स या सर्विस इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, गुड्स और सर्विस इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है. अब बेटा ये जो गुड्स और सर्विसेज इंडिया के बाहर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, इसके गुड्स इसने खरीदे होंगे या बनाए होंगे, इसके लिए इनपुट्स सॉरी कैपिटल गुड्स लगे होंगे, इनपुट्स लगे होंगे और इनपुट सर्विसेज लगी होगी, ठीक है. जिससे भी कैपिटल गुड्स खरीदे होंगे GST लग के आया होगा, अज्यूम 2 लाख. जिससे भी इनपुट्स खरीदे होंगे GST लग के आया होगा, ठीक है, और अज्यूम यहाँ पे 4 लाख. और इनपुट सर्विसेज खरीदी होगी GST लग के आया होगा, अज्यूम 3 लाख. ध्यान से सुनना, ठीक है, उसका क्रेडिट है. अब ये गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर ये गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है मतलब टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड, और सर्विस एक्सपोर्ट हो रही है मतलब 5 केसेस फुलफिल हो रही है, 5 केसेस फुलफिल हो रही है मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया एंड अमाउंट रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, इज इट क्लियर? और इट शुड नॉट बी योर डीम डिस्टिंग पर्सन, ठीक है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो. अब बेटा एक्सपोर्ट में मेरा एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड है, मतलब एक्सपोर्ट
मैंने बॉन्ड में किया है, बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। सेक्शन 16 कहता है अगर आप पहले से गवर्नमेंट को बॉन्ड दे देते हो और ये वादा करते हो कि ये गुड्स मैं एक्सपोर्ट ही करूँगा, तो गवर्नमेंट ओके आपके ये आउटवर्ड सप्लाई पे, कम ऑन, आपके ये आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स लेगी या नहीं लेगी? नहीं लेगी, बिकॉज है तो आपका ये इंटरस्टेट, कम ऑन, है तो आपका ये इंटरस्टेट एज पर सेक्शन 7(5) ऑफ IGST एक्ट, एज पर सेक्शन 7(5) ऑफ क्या IGST एक्ट, आपने एक्सपोर्ट भी किया होगा तो भी इंटरस्टेट तो है। लेकिन गवर्नमेंट आपको ये, आप अगर गवर्नमेंट को बॉन्ड देते हो तो गवर्नमेंट आपसे GST नहीं लेगी, GST यहाँ जीरो कर देगी, GST आपको क्या कर देगी, जीरो है। चलो एक ऐसा एग्जांपल लेती कि आप एक्सक्लूसिव एक्सपोर्टर हो, मतलब आप एक्सपोर्ट ही कर रहे हो। अब बताओ आपके आउटवर्ड में, थोड़ा कॉमन सेंस से बताना, आपके आउटवर्ड में जीरो रेट है, टैक्स ही नहीं है, पर आपके इनवर्ड में ये जो है ITC जमा हुआ है, मेरी बात समझ में है ना, किसका ITC? और आप डोमेस्टिक कोई सप्लाई नहीं करते हो यार, डोमेस्टिक सुनना मेरी बात, डोमेस्टिक कोई सप्लाई नहीं करते हो और ये ITC पड़ा हुआ है, तो क्या करोगे आप ये ITC? हाँ बोलो ना, ITC का क्या करोगे? गवर्नमेंट कहती है वैसे तो हम ITC का रिफंड किसी को नहीं देते, पर दो केस में हम रिफंड देते हैं ITC का। कौन सी दो केस में ITC का रिफंड देते? अगर आपने जीरो रेट किया होगा, अगर आपने क्या किया होगा, जीरो रेट किया होगा, तो हम आपको रिफंड देंगे। पर गवर्नमेंट, अब ये रिफंड चैप्टर में पड़ा होगा, गवर्नमेंट आपको सिर्फ I और IS का ही रिफंड देती है, मतलब पैसा वापस करती है, यानी 4+3 7 लाख ही आपको वापस करेगी गवर्नमेंट, ये कैपिटल गुड्स का आपको रिफंड नहीं देती है। हाँ उसका ITC देती है, आप ITC ले लो पर रिफंड नहीं मिलता है। सर क्यों कैपिटल गुड्स का क्यों नहीं देता है, सिर्फ I और IS का क्यों देते हैं? ओके, क्योंकि कैपिटल गुड्स की लाइफ 10 साल है भाई, तू आज एक्सपोर्ट कर रहा है, कल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो समझ लो तूने आज एक्सपोर्ट के नाम पे मेरे से कैपिटल गुड्स का 2 लाख का पूरा रिफंड ले लिया, पैसा ले लिया, एंड कल से एक्सपोर्ट बंद ही कर दिया। अब ये कैपिटल गुड्स को ये कर, सिर्फ इतना ही गुड्स थोड़े बनाएगा, अगले 10 साल 5 साल गुड्स बनाएगा, ये समझ में आया ना? तो फॉर नेक्स्ट 5 years 10 years कैपिटल गुड्स इज यू आर गोइंग टू यूज इन द बिजनेस, सो रिफंड ITC इज अवेलेबल, यू कैन कीप दैट बैलेंस इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैरी फॉरवर्ड इट फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स, वी डोंट हैव ऑब्जेक्शन ऑन दैट, बट रिफंड इज नॉट अवेलेबल। अब मैं आपको यह भी बता दूं, आपको ITC तो तीनों का, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तीनों के ITC आ गए, और अगर आपको सेक्शन 17 ऑफ CGST अपोर्शनमेंट ऑफ ITC जीरो रेट सप्लाई को टैक्सेबल सप्लाई माना जाता है, एग्जम सप्लाई नहीं माना जाता है, तो ये टैक्सेबल सप्लाई है, इसलिए इसके ITC को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके तीनों के ITC आपको मिलेंगे। आप चाहो तीनों के मिल गए, समझ लो क्रेडिट लेजर में आ गए आपके ITC, ये तो क्रेडिट लेजर में आने के बाद रिफंड है, मेरी बात समझ में आया क्या? मतलब पहले तो आपको क्रेडिट लेजर में ही लेना पड़ता है इसको। हाँ क्रेडिट लेजर में लेने के बाद अगर वो यूज नहीं हो पाए, कम ऑन, अगर वो यूज नहीं हो पाए तो रिफंड है, और रिफंड सिर्फ IR IS का है, मेरी बात समझ ले। तो अब इसे ओके एक नाम देना, जब भी मैं कहूंगा, देखो एक वर्ड यूज करूंगा, ठीक है, मैं यहां स्पेशली रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड ITC इन केस ऑफ जीरो रेट सप्लाई, जब भी मैं ये कहूंगा ओके अब इसमें जीरो रेट सप्लाई एंड ITC का रिफंड, एक मिनट ध्यान से सुनना, जीरो रेट सप्लाई एंड ITC का रिफंड, मतलब केस ये समझना अंडर बॉन्ड वाली है, अंडर क्या, बॉन्ड वाली है। नहीं नहीं समझ में आपका, मुझे बताओ जब आपने अंडर बॉन्ड दिया होगा तो ये आपके ITC बचे होंगे, क्यों ITC बचे हैं आपके, कम ऑन थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, क्यों ITC बचे आपके? क्योंकि आउटवर्ड में कोई टैक्स ही नहीं था, अगर आउटवर्ड में आपका कोई टैक्स ही नहीं है, ये समझ में आया क्या? तो आपको मतलब आपका जीरो रेटेड है, इन विच ITC अनयूटिलाइज, कम ऑन मैंने क्या वर्ड यूज किया, अनयूटिलाइज ITC का रिफंड है आपको। दूसरा ओके यहां पे
केस टू ध्यान से सुनिएगा, केस टू। नाउ सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी में दो स्कीम है, एक तो बॉन्ड दे दो बात खत्म करो, या दूसरा सप्लायर सप्लायर गुड्स और सर्विसेज जब एक्सपोर्ट करेगा और बॉन्ड नहीं दे रहा है, बताओ अगर वो विदाउट बॉन्ड दे रहा है तो क्या होगा? पहले आईजीएसटी दो बाद में रिफंड क्लेम करो। तो विदाउट बॉन्ड है आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई विदाउट बॉन्ड है, विदाउट बॉन्ड या एलयूटी, विदाउट बॉन्ड और एलयूटी। तो ऐसे केस में विदाउट बॉन्ड और एलयूटी होगा तो फिर आईजीएसटी पेएबल, आईजीएसटी पेबल। अब ऐसे केस ध्यान से सुनना, आपका आईजीएसटी पेबल आ रहा है यहां पे 8 लाख रुपए, जो आपने एक्सपोर्ट किया 8 लाख रुपए आईजीएसटी पेबल आ रहा है। अब आपके पास इनपुट्स, सॉरी कैपिटल गुड्स इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, कैपिटल गुड्स का कितना था? 2 लाख था ना, 2 लाख, 4 लाख और 3 लाख, यानी टोटल आपके पास आईटीसी कितने जमा होगा? हाँ, टोटल 9 लाख्स, यस और नो? तो टोटल आईटीसी इज 9 लाख्स। आप यू इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टोटल आईटीसी 9 लाख्स। ध्यान से सुनना, अब ये जो टोटल आईटीसी 9 लाख है, अब मुझे बता, एक थोड़ा चेंज करता हूँ, ये 18 लाख्स कर देता हूँ। आपका आउटवर्ड टैक्स 18 लाख्स आ रहा है और आईटीसी आपके पास 9 लाख्स पड़े हैं, आप क्या करोगे बेटा? क्या आप ऐसा करोगे, ध्यान से कॉमन सेंस से बनाना, क्या आप ऐसा करोगे पूरा 18 लाख जो है वो 18 लाख पे करोगे विदाउट आईटीसी, और बाद में जब रिफंड क्लेम करोगे तो ये 18 का भी क्लेम करोगे और आपका जो इनपुट इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट में यूज हुआ उसके क्रेडिट बैलेंस का भी बाद में रिफंड क्लेम करोगे? ओके, ऐसा दोनों का क्लेम करोगे क्या? एक बार फिर से क्या आप ऐसी बेवकूफी करोगे क्या कि 18 पूरा गवर्नमेंट को दे दिया, 18 पूरा गवर्नमेंट को दे दिया, क्रेडिट भी यूज नहीं किया? क्यों? कि मैं ना बाद में ना क्या करूंगा, 18 भी मांगूंगा और क्या 9 भी मांगूंगा। ऐसी बेवकूफी करोगे या अभी गवर्नमेंट को क्रेडिट लेके नेट ही दोगे? मैं क्यों पैसा ब्लॉक करूंगा भाई? अरे आया ना, तो यहां पे ओके, गवर्नमेंट को जब आप 18 दे रहे हो ठीक है, बाद में रिफंड आ जाएगा आपको, लेकिन गवर्नमेंट, ध्यान से सुनिएगा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूं। आप आईटीसी ले लोगे और आईटीसी कितना ले लोगे बेटा? 9 लाख का, और गवर्नमेंट को नेट कितना पे करोगे? 9 लाख। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका टोटल आईजीएसटी पेबल कितना था? कम ऑन, टोटल आईजीएसटी पेबल कितना था? 18 में से आईटीसी आपने 9 लिया, बचा हुआ 9 पे किया, इज इट क्लियर? तो अब मेरा आपसे ये कहना है यहां पे कि जब रिफंड आएगा, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट तो हुआ है, आपने विदाउट बॉन्ड दिया था इसलिए आईजीएसटी दिया आईटीसी लेकर, जब रिफंड आएगा सुनो, तो रिफंड कितना आना चाहिए आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है? 9 ही आना चाहिए या टोटल असेस टैक्स आना चाहिए? सोचो, नेट तो आपने गवर्नमेंट को 9 दिया, तो बाद में एक्सपोर्ट का रिफंड आएगा आपको, रिफंड कितना आना चाहिए, 9 या टोटल 18? बेटा इसमें आपको रिफंड आता है टोटल 18, इवन तो आपने गवर्नमेंट को 9 दिया है, पर आपका क्यों? क्योंकि आपका टैक्स पेबल 18 था और वो पे करने के लिए आपने क्रेडिट यूज किया, तो आपको रिफंड आता है 18 इनडायरेक्टली। ध्यान से सुनना, इनडायरेक्टली जब गवर्नमेंट आपको 18 रिफंड करती है तो आपके इनपुट टैक्स का भी रिफंड मिल जाता है आपको। नहीं समझा? देखो एक बहुत लेमन लैंग्वेज में कहा तो क्या होना चाहिए, मैंने 9 दिया तो 9 ही वापस मिलना चाहिए, 9 दिया तो क्या 9, पर गवर्नमेंट आपको कितना देती है? 18 दे रही है, मतलब पता है गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपने जो नेट दिया उसका भी दे रही है प्लस आईटीसी इसका, आया ना? पर वो ऐसा नहीं देती है कि भाई देखो ये 9 इसका और 9 आईटीसी का, वो कहती है टोटल टैक्स असेस कितना था आपका? 18,
ओके टेक द रिफंड ऑफ व्हाट 18 लाख्स. तो ऐसे सिचुएशन में, एक मिनट, ऐसे सिचुएशन में जब गवर्नमेंट मुझे 18 का रिफंड दे रही है, तो मैं आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहा हूं या मैं अपने टोटल टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई का रिफंड क्लेम कर रहा हूं? टोटल टैक्स पेबल ऑन क्या? आउटवर्ड सप्लाई का. तो वो केस में आईटीसी का नहीं मिलता, आईटीसी का सेपरेट ऐसा रिफंड नहीं मिलता. आपको टोटल गवर्नमेंट 18 लाख वापस कर देगी. कम ऑन, गवर्नमेंट टोटल आपको 18 लाख वापस कर देगी, इनडायरेक्टली उसमें आईटीसी आ जाएगा. इज इट क्लियर? तो नाउ अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात. हा ओके, जीरो रेट में दो रिफंड निकलते हैं. बताओ कौन से दो रिफंड निकलते हैं? पहले केस में, गो स्लोली बिल्कुल, पहले केस में रिफंड आउटवर्ड टैक्स का निकला या स्पेशल आईटीसी का निकला? हाँ, किसका निकला? स्पेशल आईटीसी का. कितना रिफंड निकला स्पेशल आईटीसी का? 7 लाख्स. कम ऑन, कितना रिफंड निकला? 7 लाख्स. और सेकंड केस में रिफंड आईटीसी का निकला या तुम्हारे आउटवर्ड टैक्स का ही निकला? आउटवर्ड टैक्स का ही निकला. मेरी बात समझ में आया क्या आपको? आउटवर्ड टैक्स का, इसमें आईटीसी का नहीं है. ठीक है, तो मतलब अब मैं सिचुएशन को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं. दो पार्ट में मतलब विद बॉन्ड विदाउट बॉन्ड. अरे है ना, तो जब भी मैं, सुनना ये चैप्टर में, जब भी मैं जीरो रेट के केस में आईटीसी का रिफंड कहू, मतलब समझ जाना बॉन्ड वाला केस है. आर यू गेटिंग मी? जब भी मैं जीरो रेट में किसका रिफंड बोलू? आईटीसी का रिफंड बोलो, तो समझ जाना केस विद बॉन्ड वाला है. अरे है ना. और जब भी मैं आपको सिर्फ एक्सपोर्ट का रिफंड बोलू, किसका? एक्सपोर्ट का, मतलब समझ जाना केस विदाउट बॉन्ड वाला है. तो मैं अब दो टर्म यूज करने वाला हूं, जीरो रेट आईटीसी रिफंड. आई रिपीट, जीरो रेट क्या? आईटीसी रिफंड. और दूसरा एक्सपोर्ट रिफंड है, दोनों भी जीरो रेट है, पर दूसरे वाले को नाम अलग देने वाला हो. दूसरे वाले को नाम क्या देने वाला हो? एक्सपोर्ट रिफंड. एक्सपोर्ट रिफंड मतलब तुम्हारा विदाउट बॉन्ड है, तुम उसमें आईटीसी पहले ड्यूटी पे कर चुके हो, उसमें आईटीसी यूज कर चुके हो, और आपको जब रिफंड मिलेगा तो जो एक्सपोर्ट का टैक्स था उतना रिफंड मिलेगा. तुम्हारा एक्सपोर्ट का टैक्स कितना था बेटा? 18,000. तो 18,000 आपको रिफंड मिलेगा. यहां तक कोई डाउट? यस, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन. मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन समझ गया मैं. सर ये वाले केस में आपको नहीं लगता अंडर बॉन्ड हमारा एक नुकसान हो रहा है? कैसे नुकसान हो रहा है? सर जब हम अंडर बॉन्ड दे रहे हैं, सुनो, जब हम अंडर बॉन्ड दे रहे हैं तो हमको सिर्फ रिफंड 7 लाख्स का ही है. कैपिटल गुड्स का हम क्लेम नहीं कर सकते. आपने सही पकड़ा, कैपिटल गुड्स का हम क्लेम नहीं कर सकते. हाँ, उसका आईटीसी ले सकते हैं, आईटीसी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर रिफंड नहीं कर. और ये केस में मैंने पूरा का पूरा कितना यूज किया? 9 लाख. और मुझे गवर्नमेंट से कितना आएगा? 18. मतलब सर ये केस में इनडायरेक्टली कैपिटल गुड्स का भी आ जाएगा. हाँ बोलो, समझाओगे तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो. अरे हाँ या ना, तो इनडायरेक्टली तो सर ये ज्यादा बेनिफिशियल है बेटा. सच में कहूँ तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है. पर इसमें कैसा है, तुम्हारे ये थोड़ा केस टू केस डिसाइड करना, क्योंकि ये रिफंड क्लेम फाइल करना, फिर रिफंड 5-6 महीने बाद आना, तब तक पैसा अटक जाना, अरे है ना. तो ऐसे सिचुएशन में मैं ये कहूँगा कि अगर तुम्हारे कैपिटल गुड्स का आईटीसी बड़ा अमाउंट होगा और आप 6-7 महीने वेट कर सकते हो, तो फिर ये केस जाओ. अदरवाइज अगर आपको ये केस में कैपिटल गुड्स का बैलेंस पड़ा रहेगा, पर वो बैलेंस अगर आपकी डोमेस्टिक सप्लाई है, कमऑन, अगर आपके डोमेस्टिक सप्लाई है तो उसमें यूज हो सकता है. हाँ, आपके बिल्कुल ही डोमेस्टिक सप्लाई नहीं है, ये समझ में आया क्या? तो ये इट इज नॉट टैक्स इवेजन, इट इज अ टैक्स प्लानिंग. इट इज अ टैक्स प्लानिंग. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अरे यस और नो? ओके, तो ये टैक्स प्लानिंग का एक तरीका हो सकता है. तो चलो बेटा, डिफरेंट प्रोविजन ये है कि यहाँ पे अभी फिलहाल तो ऐसा है कि यहाँ उनका ये बोलना है कि भाई हम रिफंड क्रेडिट का दे ही नहीं रहे, हम रिफंड दे रहे हैं तुम्हारे आउटपुट टैक्स का. और मेरा आउटपुट टैक्स 18,000 है, यहाँ तो क्रेडिट के रिफंड का सवाल ही नहीं है.
और क्रेडिट तुम यूज पूरा कर सकते हो क्योंकि है तो तुम्हारा टैक्स 18 लाख। तो फ्यूचर में कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आई डोंट नो, पर फिलहाल तो ऐसा है कि यहां क्या लॉजिक बैठता है कि आप रिफंड किसका ले रहे हो, क्रेडिट का ले रहे हो कि आउटपुट टैक्स का ले रहे हो? आउटपुट टैक्स। और यहां यहां लॉजिक क्या बैठता है, आप रिफंड किसका ले रहे हो? इनपुट टैक्स, क्रेडिट का। तो ये लूफोल मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मालूम है एक्साइज में भी ऐसा ही था, मैंने पढ़ाया था एक्साइज में। तो जब एक पिछले एक्साइज में 20 सालों से ऐसा चालू है और जीएसटी में भी उन्होंने ऐसा रखा है, इसका मतलब ये लूफोल तो नहीं है, ओमिशन तो नहीं है, इंटेंशन है। अरे यस और नो, इंटेंशन है। ओके, शायद ऐसा भी इंटेंशन होगा, हमें पैसा दो, हमें पैसा दो तो क्रेडिट लो, पैसा नहीं तो फिर ठीक है, आई डोंट नो, पर है। चलिए अब आते वापस। हाँ, सिचुएशन, एक मिनट, एक बार फिर से अगर मैं कहूँ एक्सपोर्ट रिफंड, मैंने क्या कहा, दो रिफंड यूज करने वाला हूं, एक्सपोर्ट गुड्स का रिफंड और जीरो रेट सप्लाई का रिफंड। जब भी मैं एक्सपोर्ट गुड्स का रिफंड कहूँ, ध्यान से सुनना आप लास्ट टाइम, जब भी मैं एक्सपोर्ट गुड्स का रिफंड कहूँ या सर्विस का रिफंड कहूँ, मतलब तुम्हारे आउटवर्ड टैक्स का IGST का रिफंड जिसमें तुमने एक्सपोर्ट किया विदाउट बॉन्ड, जिसमें तुमने एक्सपोर्ट किया विदाउट बॉन्ड। और मैं जीरो रेट सप्लाई ITC का रिफंड कहूँ, जीरो रेट सप्लाई ITC का रिफंड कहूँ, मतलब आपने विद बॉन्ड एक्सपोर्ट किया और आपको क्या ITC के रिफंड मिल रहा है। तो देखो यहां पे रिफंड कौन कौन से केस में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज आर बोथ आर एक्सपोर्टेड और गुड्स और सर्विसेज बोथ सप्लाइड टू SEZ, आइदर एक्सपोर्ट किया SEZ किया, ऑन पेमेंट ऑफ IGST। ये समझ में आया क्या, ऑन पेमेंट ऑफ IGST मतलब क्या? अरे बोलो ना यार, स्लो मत हो जाओ। ऑन पेमेंट ऑफ IGST मतलब क्या, विदाउट बॉन्ड, अरे आया ना, लिख दो यहां पे, दैट इज विदाउट बॉन्ड, दैट इज विदाउट बॉन्ड और LUT, विदाउट बॉन्ड और LUT, ठीक है। और रिफंड ऑफ सच IGST पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड इज क्लेम, आप पूरे के पूरे IGST का रिफंड क्लेम कर सकते हो। सेकंड, रिफंड फॉर ITC, रजिस्टर्ड पर्सन मे क्लेम ए रिफंड फॉर अनयूटिलाइज्ड, अंडरलाइन अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स रेट एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड, अंडरलाइन एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड, ये थोड़ा मैं आगे और समझाऊंगा। इन द फॉलोइंग केसेस जीरो रेट सप्लाई, हाँ तो अब इसके आगे जब भी मैं जीरो रेट सप्लाई का रिफंड कहूँ, जब भी मैं जीरो रेट सप्लाई का रिफंड कहूँ मतलब ITC का रिफंड, और जब भी मैं एक्सपोर्ट का रिफंड कहूँ मतलब IGST ऑन आउटपुट टैक्स का रिफंड। आप क्लियर हो इस बात पे? ठीक है, तो जीरो रेट सप्लाई, सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ टू एन SEZ डेवलपर और यूनिट ऑफ डेवलपर और यूनिट्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ अंडर अ बॉन्ड, हाँ अंडरलाइन ये अंडर अ बॉन्ड यहाँ दे दिया, और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ क्या बेटा, IGST, विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड ITC ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। हाँ, दो केस तो मैंने समझाएगी, एक आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आपके आउटपुट टैक्स का IGST का रिफंड, अगर आप जीरो रेट करते हो तो आपके इनपुट टैक्स का रिफंड, और इन्वर्टेड टैक्स में भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। इन्वर्टेड टैक्स में ओके, योर इनपुट रेट इज हायर देन आउटपुट टैक्स सप्लाईज तो आपको मिलेगा। पर एक बात MCQ के लिए ध्यान रखना, मैं पढ़ता हूं इसको, वेयर द क्रेडिट हैज एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स बीइंग हायर देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाईज अदर देन नील रेट और फुल्ली एग्जम्प्टेड सप्लाईज, गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफाइज द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज बोथ वेयर नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड, नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज अलाउड। यहाँ फुल स्टॉप कर देना, और ये गवर्नमेंट में ये सेकेंड स्टेटमेंट है। तो देखो वो कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर में आपको अनयूटिलाइज्ड ITC का रिफंड मिल जाएगा। ओके, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर यानी जिसमें आउटवर्ड सप्लाई का रेट ज़्यादा है इनवर्ड सप्लाई से, नहीं इनवर्ड सप्लाई का रेट ज़्यादा है क्या
आउटवर्ड सप्लाई से, पर ख्याल रहे इसमें तुम्हारा आउटवर्ड रेट नील है एग्जम्प्टेड और इनवर्ड रेट आपका 12% है, तो ये केस उसमें कवर नहीं की जाएगी। मतलब ये मत करना नील है सर फिर हो गया ना काम, नहीं, नील और एग्जम्प्टेड होगा तो आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, कुछ केसेस गवर्नमेंट जीएसटी के जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे कुछ केसेस गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, और वो केसेस में इवन दो आपका आउटवर्ड रेट लोअर होगा देन इनपुट रेट, पर ये रिफंड नहीं ग्रांट किए जाएंगे। तो नाउ कौन कौन सी केसेस है, स्टार करना आ सकता है। फॉर इंस्टेंस सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्विस स्पेसिफाइन पैरा बी 5B ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी, पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी अगर आपको याद होगा तो वो उसमें मैंने कहा था इंटेंडेड फॉर सेल। इंटेंडेड फॉर सेल मतलब आप अगर किसी को फ्लैट बेच रहे हो या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बेच रहे हो और इस तरह से बेच रहे हो कि इंटेंडेड फॉर सेल है, तो हो सकता है कि आपका आउटपुट रेट 12% का ही हो और आपने सीमेंट खरीदा होगा, आपने स्टील खरीदा होगा, मे बी 18-28% से खरीदा होगा, सर्विसेज खरीदी होगी 18% से खरीदी होगी और आपका आउटपुट फ्लैट का रेट 12% होगा, उसमें क्यों ना आपका आउटपुट रेट कम हो आपके इनपुट रेट से, पर रिफंड नहीं ग्रांट किया जाएगा, एक्सेप्शन से। ये समझ में आया। उसके बाद में नीटेड और क्लोटेड फैब्रिक्स, रेल लोकोमोटिव पावर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बाय इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर्स, तो इस साइड में स्टूडेंट नोट में लिख दो। केसेस वेयर रिफंड इज नॉट अवेलेबल फॉर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। 1 लिखो, इफ आउटवर्ड सप्लाई इज अंडर नील रेट और फुल्ली एग्जम, इफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर नील रेट और फुल्ली एग्जम, देखो ध्यान रखना मैंने पार्टली एग्जम बोला या फुल्ली एग्जम, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टली होगा तो मिल सकता है, कम नहीं मिलेगा जब फुल। उसके बाद में सेकंड लिखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग एक्सेट्रा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग एक्सेट्रा अंडर पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, अंडर पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, ठीक है। थर्ड ये लिख देना, वुवन फैब्रिक्स ऑफ स्केल वूल कॉटन नाइटेड एंड एक्सेट्रा, ये पूरा एक ही है, वुवन फैब्रिक्स ऑफ सिल्क वूल कॉटन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, रेल लोकोमोटिव्स पावर्ड फ्रॉम, नेक्स्ट रेल लोकोमोटिव्स पावर्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेल लोकोमोटिव्स पावर्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बाय इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर्स, नाउ देखो, हाउएवर दिस रिस्ट्रिक्शन नॉट बी एप्लीकेबल टू जीरो रेट सप्लाई, एक मिनट, ये जो भी मैंने लिस्ट बताई ये रिस्ट्रिक्शन किसको है, इन्वर्टेड को है, पर अगर ये प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो, कमन क्या करते हो बेटा, एक्सपोर्ट करते हो जीरो रेट करते हो तो ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। जीरो रेट सप्लाई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ
to SEZ developer unit, etc. Accordingly, as regard to export of fabrics, एक मिनट, फिर से ध्यान से slowly, मैंने restriction जो बताया वो exports के लिए बताया या मैंने inverted tax structure के लिए बताया? Inverted. Export के लिए नहीं है. अगर आप fabrics export करते हो, it is clarified that subject to provision of section 5410, a manufacturer of such fabrics will be eligible for refund of an unutilized ITC of GST paid on inputs other than ITC of GST paid on capital goods in respect of fabrics manufactured or exported by him. मतलब जो fabrics वाला restriction है वो inverted tax structure को है, exports के लिए नहीं है. ठीक है, तो इसलिए अगर fabrics आप export करते हो तो आपको उसके inputs के refund मिलेंगे. पर मैंने आपको पहले ही कहा कि जब रिफंड आपको आईटीसी के मिलते हैं तो सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विस के ही मिलते हैं, कैपिटल गुड्स के नहीं मिलते. ये 5410 में आगे दिया हुआ है. और नेक्स्ट ये भी स्टार करना, हाउएवर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड. हाँ, अब ये देखो, ये आईटीसी वाले रिस्ट्रिक्शन है. एक मिनट, हमने इसके पहले किसके रिस्ट्रिक्शन देखे? इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर वाले, ये किसके रिस्ट्रिक्शन है? अनयूटिलाइज आईटीसी. ठीक है, तो आईटी शैल नॉट बी अलाउड इफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी. हाँ, कस्टम में आएगा. कस्टम में ये है कि कुछ गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है. एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई इसलिए जाती है कि वो गुड्स इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट ना हो. इज इट क्लियर? तो अगर आपका गुड्स एक्सपोर्ट ड्यूटी में नोटिफाइड है तो शेड्यूल टू ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट आता है एक्सपोर्ट गुड्स के लिए. अगर आपके गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है तो फिर आप जीरो रेट के तहत, कम ऑन, क्या जीरो रेट के तहत अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते. क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कैसा कर सकती है? एक तरफ एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई इसलिए रही है क्योंकि वह प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ रिफंड कैसे देगी उसका? आईटीसी का रिफंड कैसे देगी? मतलब अगर आईटीसी का रिफंड दे दिया तो एक तरफ प्रमोशन कर रही है, एक तरफ एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा के डोमिनेट कर रही है. दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? मेरी बात समझ में आया ना? तो अगर आपके प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी होगा तो आपको वो रिफंड नहीं मिलेगा. दूसरा, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ अवेल अ ड्रॉबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ सीजीएसटी और क्लेम रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन क्या सच सप्लाइज. अगर वो ड्रॉबैक क्लेम करता है तो वो केस में उसको रिफंड नहीं मिलता. वैसे भी ड्रॉबैक कस्टम में आगे ड्रॉबैक रूल में अभी फिलहाल जीएसटी की रिफंड अलाउड ही नहीं किए, पर अगर फ्यूचर में अगर वो ड्रॉबैक अंडर ड्रॉबैक क्लेम जीएसटी की रिफंड अलाउ कर देंगे तो वो केस में वो यहाँ आईटीसी की रिफंड नहीं ले सकता. ठीक है, तो ड्रॉबैक क्लेम जो है जीएसटी सेक्शन 75 आएगा, जिसमें अभी फिलहाल जीएसटी के ड्रॉबैक अलाउड नहीं है, वो कस्टम में पड़ा होगा. ठीक है, तो नाउ यहाँ वापस लिख दो, ऊपर वाला रिस्ट्रिक्शन किसके लिए था बेटा? इन्वर्टेड. अब नीचे वाला रिस्ट्रिक्शन लिखो, केसेस वेयर रिफंड इज नॉट अलाउड, केसेस वेयर रिफंड इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड फॉर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, for unutilized ITC in case of zero rate supply. Unutilized ITC in case of kya beta? Zero rate supply. Pehla, likho. Kya hai pehla? Likho. Goods exported out of India. Goods exported out of India are subject to export duty. ये दोनों भी बहुत important है for MCQ questions. या कोई practical question में एक आधी adjustment डाल देंगे. Goods exported outside India are subject to क्या बेटा? Export duty. या second, supplier of goods or services or both. Supplier of goods or services or both avail the drawback of GST. Avail the drawback of GST
ठीक है, ये दो केसेस हुई जहां आपको रिफंड मिलेगा। नौ तीसरी केस, डीम एक्सपोर्ट। आगे डीम एक्सपोर्ट कंसेप्ट पढ़ा होगा मैं। ओके, ईओयू वगैरह जो है इनको सप्लाई करते हैं तो ओके, डीम एक्सपोर्ट का मतलब वही है कि अगर कोई पंडित को खाना खिला दिया तो समझा जाता है कि भगवान तक पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे अगर आप किसी ईओयू को सप्लाई करते हो तो ऐसा समझा जाता है कि गुड्स क्या एक्सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे टैक्स पेड ऑन सप्लाईज ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम एक्सपोर्ट मे बी क्लेम बाय रिसिपिएंट। एग्जाम्पल लिख दो, सप्लाई टू ईओयू, ईओयू एक्सेट्रा। आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, क्या हमने ये भी डिस्कस किया था रिफंड इन केस ऑफ एक्सेस बैलेंस इन ई कैश लेजर? यस और नो? तो ई कैश लेजर वाला भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। फिर वो एक्सेस बैलेंस आपका टैक्स का हो, इंटरेस्ट का हो, पेनल्टी का हो, फीस का हो, या एनी अदर अमाउंट पेएबल अंडर दिस एक्ट। ठीक है, किसी का भी एक्सेस बैलेंस हो तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। इज इट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इश्यूएंस ऑफ रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर याद आ रहा है आपको इनवॉइस चैप्टर में? रिफंड वाउचर मतलब आपने एडवांस ले लिया जिसका टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, लेकिन बाद में आपने सप्लाई ही नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। कम ऑन, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। ओके, या फिर हाँ, एंड आपने इनवॉइस भी नहीं दिया, तो वो केस में आपको रिफंड मिल सकता है। मैंने एग्जांपल बताया था आपको, याद होगा तो, बैच के मैंने आपसे फीस ले लिया 1,00,000 रुपये प्लस 18,000, फिर बैच कैंसिल हो गया तो मैं गायब, आप ऑफिस में, ओके फीस वापस करो। ऐसा कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या आपको? अरे यस और नो? तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था रिफंड वाउचर के टाइम। रिफंड ऑफ टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू द गवर्नमेंट। रॉन्गली कलेक्टेड मतलब आपका एक्चुअल टैक्स था सीजीएसटी एसजीएसटी, पर आपने गलती से पे कर दिया क्या आईजीएसटी। देखो, सीजीएसटी एसजीएसटी पेड बाय ट्रीटिंग द सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड इंटरस्टेट सप्लाई और वाइस वर्सा। रिफंड टू टूरिस्ट अंडर सेक्शन 15, ये भी हमारा हुआ था। हाँ, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ कोर्ट ऑर्डर। अगर आपकी केस कोर्ट में गई और कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन देता है, कम ऑन, कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन देता है तो उसका जो रिफंड मिलेगा वो भी एक रिफंड का केस है। नेक्स्ट, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट मतलब क्या? आपने असेसमेंट प्रोविजनल किया, ध्यान से सुनना, आपने असेसमेंट प्रोविजनल किया और प्रोविजनल के बाद आपका असेसमेंट फाइनल हुआ और फाइनल असेसमेंट का ड्यूटी पेबल कम आया एज कंपेयर टू क्या प्रोविजनल असेसमेंट, तो वो केस में रिफंड मिलेगा अंडर सेक्शन 60। रिफंड टू यूनाइटेड बॉडीज, आपको याद है UIN, कुछ याद आ रहा है UIN? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जिसको भी यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको भी ओके UIN मिलता है वो अपने परचेसेस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, आपने गलती से भी अगर टैक्स एक्सेस पेमेंट कर दिया होगा तो आपको उसका रिफंड दे दिया जाएगा। एक 12 नंबर पे और ऐड कर दा, रिफंड टू CTP और NRTP, इन्होंने अगर एक्सेस पेमेंट किया होगा तो CTP और NRTP को रिफंड दे दिया जाएगा। अब एक सवाल है, व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच रिफंड क्लेम कैन बी फाइल? ओके, तो अब ऐसे केस में रिफंड क्लेम का टाइम लिमिट क्या होगा कि विद इन विच रिफंड क्लेम आप फाइल कर सकते हो? समझ लो 17-18 का कोई आपका क्लाइंट आपके पास आया और उसने कहा कि सर उस वक्त मैंने एक्सपोर्ट के रिफंड क्लेम नहीं किए, कुछ एक्सपोर्ट किया था, IGST दिया है, बहुत सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, मैंने 4 केसेस हैंडल किए 17-18 की। एक तो बेटा, अब मैं आपको एक बता दूं, एक केस बहुत अच्छा था, शायद मैंने बताया भी होगा, डॉक्टर का केस था और वो डॉक्टर ने प्लेस ऑफ सप्लाई में बताया मैंने आपको, डॉक्टर साउथ अफ्रीका का ट्रेनिंग दिया था उसने, ओके
डॉक्टर का केस था, साउथ अफ्रीका से टीम आई थी, उसने ट्रेनिंग दिया था, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे समझ लो वो IGST पे कर दिया उसने, उसके ऊपर भूल गया उसका रिफंड क्लेम करना, ओके, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं, उसने तो पे कर दिया GST, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि GST लगता है तो दे दिया। फिर बाद में किसी CA ने उसको बताया कि अरे यार उसका रिफंड मिलता है, तो रिफंड क्लेम कर सकता है, तेरी सर्विस एक्सपोर्ट सर्विस होगी, अगर एक्सपोर्ट सर्विस होती है तो। अगर टीम ट्रेनिंग के लिए यहाँ आती है तो फिर एक्सपोर्ट नहीं, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस लिया जाएगा। पर ये बंदा ट्रेनिंग के लिए वहां जाता है, कम ऑन, ये बंदा ट्रेनिंग के लिए वहां जाता है। अरे कुछ समझ में आया क्या आपको? तो डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है, तो व्हाट एवर इट मे बी। तो ऐसे केस में बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे कि जिन्होंने रिफंड आइदर एक्सपोर्ट के क्लेम नहीं किए, या ITC के क्लेम नहीं किए, या फिर कैश लेजर में एक्सेस बैलेंस पड़ा था, या फिर गलती से 18% का टैक्स दे दिया, 28% का टैक्स दे दिया, बाद में पता चला कि अरे यार हमारा गुड्स 12% में ही था, रिफंड नहीं क्लेम किया। तो कुछ तो टाइम लिमिट होगी। अब 2017 की केस वो अभी लेके आ रहा है, 2019 चालू है, आप क्या कहोगे कि मिलेगा या नहीं मिलेगा? कुछ तो टाइम लिमिट होगी। तो अब देखो लॉ क्या कहता है, अ पर्सन क्लेमिंग द रिफंड ऑफ टैक्स इंटरेस्ट इफ एनी पेड ऑन सच टैक्स और एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम मे मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। मतलब जनरली इसके कुछ एक्सेप्शन आएंगे, पहला एक्सेप्शन तो यही दिया है, जनरली 2 साल में, अब ध्यान से सुनना, 2 साल में उसने फ्रॉम रिलेवेंट डेट। अब आपका एक सवाल बिल्कुल आ जाना चाहिए, सर रिलेवेंट डेट यानी क्या? रिलेवेंट डेट यानी क्या भाई? उसने किसी भी बंदे को अगर पता चलता है कि उसने टैक्स एक्सेस दे दिया है, या उसके एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्लेम करना रह गए हैं, या हमने ऊपर दी गई सिचुएशंस में ओके उसके रिफंड बनते हैं और वो बर्डन उसने पास ऑन नहीं किया है, कम ऑन, वो बर्डन उसने पास ऑन नहीं किया है। अगर उसने वो बर्डन पास ऑन कर दिया होगा तो रिसिपिएंट क्लेम करेगा। कौन क्लेम करेगा? रिसिपिएंट। क्लेम करने वाला कोई भी हो, सप्लायर हो या रिसिपिएंट हो, उसने 2 साल में क्लेम दे देना चाहिए फ्रॉम रिलेवेंट डेट। अब ये रिलेवेंट डेट क्या सर, कब से 2 साल लिए जाएंगे? उसके लिए नेक्स्ट पेज पे टेबल ही है कि रिलेवेंट डेट कैसे कैसे निकालना, हम देखेंगे वो रिलेवेंट डेट निकाले कैसे निकाले, पर 2 साल में उसने रिफंड क्लेम कर देना चाहिए। अगर वो बंदा 2 साल के बाद आता है रिलेवेंट डेट से, तो फिर भगवान भी आ जाए तो भी उसको रिफंड नहीं दिया जाएगा। एक्सटेंशन कुछ भी नहीं है, एक्सटेंशन कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना बेटा? 2 ईयर्स, ओके, फ्रॉम रिलेवेंट डेट इन सच फॉर्म एंड मैनर एस मे बी प्रिस्क्राइब। हम आगे आपको कौन से फॉर्म में आपने रिफंड कॉमन पोर्टल पे देना चाहिए, अलग अलग फॉर्म्स है, एक जनरल फॉर्म भी है ओके, और कुछ RFD 01 एक जनरल फॉर्म है, मोस्ट ऑफ द केस में वो यूज किया जाता है, RFD रिफंड, रिफंड का RFD लिया है 01, लेकिन कुछ केसेस में फॉर्म्स बदल जाएंगे, लेकिन ओके उस फॉर्म ने आपने 2 साल में रिफंड क्लेम कर देना चाहिए। नीचे रजिस्टर पर्सन में क्लेम द रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज ITC इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, अंडरलाइन, इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाइज और एक्यूमुलेटेड ITC ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड, एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड। कम ऑन, मुझे ये बताओ टैक्स पीरियड यानी क्या? नालायको, टैक्स पीरियड यानी क्या? टैक्स पीरियड मतलब जो टैक्स का, जो पीरियड का आप टैक्स दे रहे हो, मे बी वो आपका मंथली हो सकता है, मे बी आपका वो क्वार्टरली हो सकता है। तो अब वो क्या कहते हैं? वैसे तो हम ये कहते हैं कि सामने वाला 2 साल में आए और 2 साल में उसके रिलेवेंट डेट से आए, जो भी रिलेवेंट डेट से, लेकिन अगर आप हमारे बहुत फेवरेट लोग हो, हमारे फेवरेट लोग वो होते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे लाडले हो, हमारे लाडले हो, तो लाडले में क्या लिया उन्होंने बेटा? जीरो रेट, और दूसरा लाडला रखा है इन्वर्टेड ड्यूटी, अरे है ना। अगर आप हमारे लाडले हो तो रिलेवेंट डेट से 2 साल तक भी वेट करने की जरूरत नहीं है। जिस
टैक्स पीरियड में आपने एक्सपोर्ट किया है उसी टैक्स पीरियड में आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो। ये समझ में आया क्या? जिस टैक्स पीरियड में आपने क्या एक्सपोर्ट किया है उसी टैक्स पीरियड में, समझ लो मेरा एक्सपोर्ट अप्रैल का है तो अप्रैल के मंथ का ही मैं इमीडिएट रिफंड क्लेम कर सकता हूं, एंड एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड मतलब जैसे ही अप्रैल खत्म हो जाएगा मैं उसका रिफंड क्लेम कर सकता हूं। ना आगे तो टाइम पीरियड है ही, पर आपको तो जल्दी भी हम रिफंड दे देंगे। बाकी लोग जब उनकी रिलेवेंट डेट आएगी, पहले रिलेवेंट डेट का वेट करना, और जब उनकी रिलेवेंट डेट आएगी वहां से दो साल में आना। पर जब तक आपकी रिलेवेंट डेट ट्रिक नहीं होती है, अरे आया ना, जब तक आपकी क्या रिलेवेंट डेट ट्रिक नहीं होती है तब तक हमारे सामने भी खड़ा मत रहना। ओके, तो सर आप अब आपके मन में ये हो गया होगा रिलेवेंट डेट है नहीं क्या? अरे समझ में आया क्या? तो सबसे पहले बाकी सभी लोग जब तक उसकी रिलेवेंट डेट नहीं आती है तब तक वो खड़े भी नहीं रहेंगे सामने। जब रिलेवेंट डेट आएगी उसके बाद दो साल में, मतलब उसके बाद नेक्स्ट डे आप कभी भी विद इन टू ईयर्स कभी भी क्लेम कर सकते हो। पर ये एक्सपोर्टर हमारे दो लाडले लोग हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट, ये जो है ये सेम मंथ यानी सेम मंथ के टैक्स पीरियड जो था वो टैक्स पीरियड के एंड में ही उनका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हम इन लोगों को अर्ली रिफंड देने के लिए रेडी है। मेरी बात समझ में आई क्या आपको? चलिए अब थोड़ा सवाल ये आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्या बेटा रिलेवेंट डेट। पहले तो मुझे बताओ हम ये क्यों पढ़ रहे हैं रिलेवेंट डेट, हम क्यों पढ़ रहे हैं रिलेवेंट डेट? कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जिस दिन तुम्हारी रिलेवेंट डेट आएगी तब हमारे सामने चेहरा दिखाना। तो रिलेवेंट डेट से दो साल के अंदर हमारे सामने चेहरा दिखाना, पर रिलेवेंट डेट के पहले खबरदार कोई आए तो दो खींच के देंगे हम। हाँ जीरो रेट वाले हो गए तो आजा बेटा तो अच्छा है, पढ़ता है रोज, आजा। एक्सपोर्ट या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, ये समझ में आया ना? तो अब ऐसे केस में यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय रिलेवेंट डेट। तो रिलेवेंट डेट यानी क्या? देखो फर्स्ट इन केस ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, अगर आपने एक्सपोर्ट किया होगा आउट ऑफ इंडिया where refund of tax paid is available in respect of goods themselves or as the case may be input or input service used in such goods and goods are exported by sea or air, goods are exported by land and goods are exported by kya post, matlab kya agar aap goods ek minute ab kaisa kehta, अगर आपको सच में इसको अरेंज करना है चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, ये चैप्टर को अरेंज करना है ध्यान से सुनना, तो केसेस पहले फिक्स कर लेना एक बार दिमाग में, स्लोली जाना, टर्न बैक पेज पे जाओ, बैक पेज पे जाओ, हम सबके रिलेवेंट डेट फिक्स करेंगे। मुझे बताओ कौन कौन सी केसेस है जहां रिफंड मिलता है, पढ़ के बताओ। पहला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अच्छा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कह रहा हूं मतलब किसका? IGST का रिफंड, आउटपुट टैक्स का विदाउट बॉन्ड। दूसरा जीरो रेट सप्लाई का रिफंड, जीरो रेट सप्लाई का रिफंड मतलब ITC का रिफंड। तीसरा क्या? इन्वर्टेड टैक्स, सबकी रिलेवेंट देखेंगे, मेरी बात समझ में आया ना, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का। चौथा क्या था? डीप एक्सपोर्ट का भी देखेंगे। उसके बाद क्या था? हाँ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की रिलेवेंट डेट देखेंगे, टूरिस्ट रिफंड वाउचर, ये समझ में आया क्या? रिफंड वाउचर। तो क्या करना, एक टेबल बनाना है आपको, टेबल में आपको सबसे पहले केसेस फिट कर देना कौन कौन से केसेस में रिफंड मिलते हैं, फिर रिलेवेंट डेट कब, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, सब केस यानी अब हर एक एक केस को लेके, ये केस की रिलेवेंट डेट कितनी है, ये केस की रिलेवेंट डेट क्या है, ये केस की रिलेवेंट डेट क्या है, मेरी बात समझ में आया क्या आपको? तो आप हाँ तो रिलेवेंट डेट देखते हैं, फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ टेबल बनाने के लिए, ठीक है? आप कैसे बनाओगे? तो अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो आउटसाइड इंडिया, जो गुड्स का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो कब हमारे सामने चेहरा दिखाने आओगे? हाँ मतलब जब तक कि आपकी रिलेवेंट डेट नहीं आती है उसके पहले खबरदार हमारे पास आए, तो इस डेट से दो साल में आप कभी भी अपना रिफंड क्लेम
कर सकते हो। तो गुड्स एक्सपोर्टेड बाय सी रूट और बाय एयर रूट द डेट ऑन विच शिप और एयरक्राफ्ट इन विच सच गुड्स आर लोडेड एंड लीव्स इंडिया। हाँ, अगर आपने अपना गुड्स सी रूट से या एयर रूट से एक्सपोर्ट किया होगा, जिसकी शिपिंग बिल फाइल कर दी होगी, जिसकी क्या शिपिंग बिल फाइल कर दी होगी, अब ये मैं कस्टम में पढ़ा होगा, शिपिंग बिल आपने एक्सपोर्ट की फाइल कर दी, आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल गई, मतलब ऑर्डर ऑफ लोडिंग भी मिल गई कन्वेंस में, पर मिल आपने कर दी होगी शिपिंग बिल फाइल, आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल गई होगी, पर खबरदार जब तक आपका कन्वेंस लीव्स इंडिया, जब तक इंडिया के बाहर नहीं जाएगा। कब बोला जाएगा कन्वेंस इंडिया के बाहर, थोड़ा इंटर का याद होगा, व्हेन इट क्रॉसेस टेरिटोरियल वाटर। तुम्हारा कन्वेंस टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करने के बाद ही तुम्हारी रिलेवेंट डेट ट्रिगर होगी और उस वो रिलेवेंट डेट से 2 साल में आप कभी भी अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो, उसके पहले हमारे पास क्या नहीं आना। अगर बाय लैंड रूट आपने एक्सपोर्ट किया होगा तो डेट ऑन विच सच गुड्स पास क्या फ्रंटियर्स, ओके पास द फ्रंटियर्स। उसके बाद में गुड्स एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट, कम ऑन, गुड्स एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट होगा तो डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स बाय पोस्ट ऑफिस कंसर्न टू अ प्लेस आउटसाइड क्या इंडिया, टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब तुम्हारा हमारे पास रिफंड, तुमने बाय कुरियर कुछ आपने 50 डायमंड्स एक्सपोर्ट किए और कुरियर से एक्सपोर्ट किए, तो बेटा तुमने कुरियर पोस्ट ऑफिस को दे दिया होगा, कुरियर वाले को दे दिया होगा, इमीडिएट मत आना। जब तुम्हारा पोस्ट ऑफिस या कुरियर वाला इंडिया के बाहर भेज देगा तब तुम्हारी रिलेवेंट डेट ट्रिगर होगी और वो रिलेवेंट डेट ट्रिगर होने के बाद ही 2 साल में तुम उसका रिफंड क्लेम कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, इनके सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम एक्सपोर्ट, हाँ डीम एक्सपोर्ट का दिया है, अंडरलाइन डीम एक्सपोर्ट, द डेट ऑन विच रिटर्न रिलेटिंग टू सच डीम एक्सपोर्ट इज फर्निश्ड। थोड़ा मैं इसके बारे में आधी घंटे का स्पेशल डिस्कशन करूंगा, बस अभी इतना याद रखो, अगर डीम एक्सपोर्ट होगा तो जिस दिन डीम एक्सपोर्ट का आप रिटर्न फाइल करोगे, क्या फाइल करोगे बेटा, रिटर्न, ओके, वहां से 2 साल, एक मिनट, आज आपने ईओयू को आज दिया होगा पर आज से 2 साल नहीं, ये आज आपने दिया, इसका रिटर्न फाइल करो और जिस दिन रिटर्न फाइल करोगे तब आके चेहरा दिखाना, वहां से 2 साल में तू रिफंड क्लेम कर, उसके पहले खबरदार हमारे सामने खड़ा रहा तो, ये समझ में आया क्या, तेरी रिलेवेंट डेट जो है वो ली जाएगी। उसके बाद में इन केस ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया वेयर रिफंड इज अवेलेबल, एक मिनट, पहला वाला क्या था बेटा, पहला वाला क्या था, गुड्स एक्सपोर्टेड, और दूसरा वाला क्या था, सर्विसेज एक्सपोर्टेड, बोलो दोस्तों, ओके बोलो बोलो बोलो, सर्विस कब एक्सपोर्ट कही जाती है, जब वो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होती है, दो खींच के नहीं दूंगा क्या आपको, बोलो सर्विस कब एक्सपोर्ट कही जाती है, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में हो, प्लेस ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया हो, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया हो, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में, मैं आप बार बार नहीं कहूंगा, बस यहां खत्म, इसके बाद कसम खाता हूं फिर से डेफिनेशन नहीं लूंगा, ठीक है, तो बहुत हो गया अब, तो नाउ इन केस ऑफ सर्विस एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया रिफंड ऑफ टैक्स आई विल इंस्पेक्ट ऑफ सर्विस देमसेल्फ और एज द केस में बी इनपुट और इनपुट सर्विसेज। तो अगर आप आपके आपने सर्विस पे आईजीएसटी दे दिया होगा और वो आईजीएसटी का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो तो आपका रिलेवेंट डेट क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, इफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैड बीन कंप्लीटेड प्रायर टू रिसिप्ट ऑफ सच पेमेंट, यानी आपने सर्विस दे दी और पैसा बाद में आया, पैसा बाद में आया मतलब पहले सप्लाई हो गया, आपने इनवॉइस दे दिया और पैसा बाद में आया, ये बात समझ में आया क्या, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैज बीन कंप्लीटेड प्रायर टू रिसिप्ट ऑफ सच पेमेंट, तो एक मिनट, तूने किया होगा एक्सपोर्ट, तूने दी होगी सर्विस बार इस मंथ में, रुक जा, तू हमारे पास क्लेम करने चेहरा तब दिखाएगा जब तुझे जिस दिन पैसा मिल जाएगा वहां से 2 साल, एक मिनट, जब तक पैसा नहीं दिखता है ना, मिलता है ना, तब तक तू चेहरा भी मत दिखाना हमें, खबरदार अगर तूने चेहरा दिखाया तो, हाँ जिस दिन पैसा मिलना मिल जाएगा तब हमें चेहरा दिखाने आ, उसके 2 साल में तू क्या रिफंड क्लेम कर सकता है। तो आपकी रिलेवेंट डेट जो होगी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन क्या कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीज वेर परमिटेड बाय क्या आरबीआई, वो आपकी रिलेवेंट डेट होगी और वहां से 2 साल में आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा।
अरे आया ना वहां से 2 साल में. दूसरा, सेकंड, पेमेंट ऑफ सर्विस हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस प्रायर टू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. अब दूसरा केस बताओ, पहले और दूसरे केस में क्या डिफरेंस है, थोड़ा पढ़ के तो बताओ. अरे पहले और दूसरे केस में क्या चेंज है, थोड़ा पढ़ के तो बताओ. हाँ, पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में सर्विस पहले सप्लाई हो गई, पैसा बाद में मिला, तो बताओ तुम्हारी रिलेवेंट डेट कब ट्रिग होगी, जब पैसा आएगा. तुम्हारा पैसा 4 महीने बाद आएगा बेटा, 4 महीने बाद आ, चल अभी चेहरा मत दिखा, 4 महीने के बाद अप्लीकेशन दे, विद इन क्या 2 ईयर्स. इज इट क्लियर फॉर योर रिफंड क्लेम. लेकिन अगर सेकेंड केस में आपको एडवांस मिल गया होगा, पैसा मिल गया पूरा एडवांस में आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में फिर तेरी रिलेवेंट डेट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस से ली जाएगी. कब से लिया जाएगा बेटा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ. तो इवन दो पैसा पहले आ गया हो, पर रुक, तेरी तू तब आना जब तू इनवॉइस इशू करेगा, वहां से 2 साल. आई होप यू अंडरस्टूड. सर क्या ये याद रखना पड़ेगा, रिफंड पे पिछले 4 अटेम्प्ट में कंटिन्यूअस एक 5 मार्क का क्वेश्चन है, और अलग 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 एरिया में क्वेश्चन पूछा जा रहा है. इसलिए ये चैप्टर दुनिया इधर की उधर हो जाए छोड़ना मत, और मैं पूरा टाइम लेके आपको पढ़ा रहा हूं. इज इट क्लियर. ओके, तो 9, उसके बाद में 4th, वेयर टैक्स बिकम रिफंडेबल ऑन जजमेंट ऑफ कोर्ट, अपीलेट ऑथोरिटी एक्सेट्रा. तो रिलेवेंट डेट है डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच क्या जजमेंट, वहां से 2 साल लिए जाएंगे. हाँ, इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑफ 0 रेटेड सप्लाई. एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं कब कहूंगा अनयूटिलाइज आईटीसी ऑफ 0 रेट सप्लाई, पढ़ाया है मैंने अभी विद बॉन्ड ना कि विदाउट बॉन्ड, विद बॉन्ड वाला केस है. अरे है ना, मतलब आपने एक्सपोर्ट किया विथ बॉन्ड किया है और आपका 0 रेट का आईटीसी का रिफंड है, आईटीसी का रिफंड है. तो ऐसे केस में आपके 2 साल, अब ध्यान से सुनना, आपके 2 साल एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच क्लेम फॉर रिफंड अराइजेस. और यहां इसको क्लोज कर दो, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच क्लेम फॉर रिफंड अराइजेस. मतलब अगर आपका, सुनो सुनो सुनो, अगर आपका 0 रेट सप्लाई का रिफंड होगा, 0 रेट सप्लाई का रिफंड मतलब आईटीसी का रिफंड इन यूज इन 0 रेट, आई और आईएस का रिफंड होगा, तो जो साल का रिफंड है, सुनो समझ लो, फाइनेंशियल ईयर है, ध्यान से सुनना, 18-19, अब आपने दिसंबर 2018 में एक एक्सपोर्ट किया था विथ बॉन्ड, विज बॉन्ड, तो उसका विथ बॉन्ड 0 रेट, तो उसके आईटीसी आई प्लस आईएस का आपका रिफंड था 5 लाख. आई और आईएस के रिफंड कितना था, 5 लाख, ठीक है. तो दिसंबर 18 का रिफंड था, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, ठीक है. अगर आप किसी भी रीजन से भूल जाओ, कम ऑन, किसी भी रीजन से भूल जाओ, तो आपकी रिलेवेंट डेट 31 मार्च मानी जाएगी, और यहां से 2 साल में आप कभी भी हमारे पास रिफंड क्लेम करने आ सकते हो. इसलिए 17-18 के अगर किसी के एक्सपोर्ट के रिफंड है तो आज भी मिल सकते हैं, क्योंकि 17-18 के किसी के बॉन्ड वाले रिफंड हो गए विथ क्या, बॉन्ड वाले, मेरी बात समझे नहीं समझे, बॉन्ड वाले रिफंड हो गए, तो बताओ 31 मार्च 2018 से 2 साल, 2 साल मतलब कब तक टाइम है, 31 मार्च 2020 तक का रिफंड का टाइम है. पर सर एक कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या, एक तरफ अभी अभी आपने ये पढ़ाया ऊपर, और ऊपर आपने ये पढ़ाया, ध्यान से देखिएगा, ये पढ़ाया कि 0 रेट के केस में, 0 रेट सप्लाई जिसमें आईटीसी का रिफंड है, या इन्वर्टेड में, वो एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड भी क्लेम कर सकता है. और एक, हाँ सर आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, मेरे को तो आ रहा है, ओके मेरे को तो आ रहा है. एक तरह ऊपर के पैरा में ये कहा गया कि भाई अगर आपने दिसंबर में एक्सपोर्ट किया होगा 0 रेट में,
जिसका आईटीसी का रिफंड है, किसका रिफंड है? आईटीसी का रिफंड है। तो ये सिचुएशन में यहां ओके आप दिसंबर खत्म होते ही क्लेम कर सकते हो, कम ऑन दिसंबर खत्म होते ही क्लेम कर सकते हो। यहां तो यही मीनिंग आ रहा है क्योंकि टैक्स पीरियड हमारा क्या था? दिसंबर। अरे हाँ है ना। लेकिन दूसरी तरफ उसकी रिलेवेंट डेट दे रहे हो, रिलेवेंट डेट डेट ये दे रहे हो कि जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट होगा, अरे एट द एंड ऑफ क्या फाइनेंशियल ईयर, वहां वो उसकी रिलेवेंट डेट होगी और वहां से 2 साल और मिलेंगे। तो सर आपको नहीं लगता है कि आप कंफ्यूज कर रहे हो? बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं। वो उसको ऐसा ऐसा लेना, उसका उसको ऐसा लेना कि अगर हमारा लाडला होगा, लाडला मतलब जीरो रेट आईटीसी का रिफंड, अरे है ना, हमारा लाडला होगा तो बेटा तुझे अभी चाहिए क्या? दिसंबर होते ही बोल, अभी चाहिए क्या तेरे को बाइक कार? लाडला है ना, ओके तो तुझे अभी चाहिए क्या? तो तू अभी ले ले। और अगर बाय रीजन तू भूल गया, अगर बाय रीजन तू भूल गया तो डरना मत, जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, नहीं समझे, जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा तो उसके 2 साल में कभी भी क्लेम करना। जैसे आप सीए स्टडी कर रहे हो, सीए फाइनल में आपकी स्टडी देख के आपके पापा बड़े इंप्रेस हुए कि कितना सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता है, ओके सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता है, बड़ी बड़ी बुक सामने होती है, बड़ी बड़ी बुक सामने होती है, ये इतने बड़े बड़े बंडल, ओके आगे 3 मॉड्यूल 4 क्वेश्चनियर्स चार्ट ओके और ये इतने यहाँ पे बड़े बड़े बुक्स आप सामने होते, कितना पढ़ता है ओके। तो एक दिन पापा का दिल आ गया आपके ऊपर, इतनी इतनी पढ़ाई यार बहुत है, दिल आ गया। तो आपके पापा ने सुबह सुबह उठ के, बेटा अभी चाहिए क्या तेरे को बाइक या कुछ और, या कार तो नहीं नालायक अभी रुक जा अभी चाहिए क्या? आपने बोला नहीं पापा ठीक है मैं, अरे तेरे को बता अभी चाहिए क्या बोल, दोपहर तक आ जाएगी, ठीक है दोपहर तक आ जाएगी, अभी चाहिए क्या? आपने कहा नहीं पापा मैं अभी एक्सपोर्ट एक्सपो मतलब पढ़ रहा हूँ तो अभी अच्छा ठीक है बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, बाइक मेरे तरफ ड्यू रही, जैसे ही तू सीए पास हो जाएगा उसके 2 साल में तूने कभी भी मांग लेना, उसके 2 साल में कभी भी मांग लेना सर 2 साल बाद, बस बेटा बस 2 साल बाद रहे। इन शॉर्ट गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है देख तू एक्सपोर्ट कर दिया ना, अभी चाहिए क्या तेरे को, अभी चाहिए क्या, चल अभी नहीं भी चाहिए तो डरना मत, जिस दिन तेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा वहां से, क्योंकि तेरा तेरी रिलेवेंट डेट, हम तेरे लिए रिलेवेंट डेट फाइनेंशियल ईयर की डेट रख रहे हैं, और जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया वहां से 2 साल में तो कभी भी क्लेम कर सकते, मेरी बात समझे क्या? ओके तो उसको इस तरह से पढ़ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जीरो रेट सप्लाई का उन्होंने दिया, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच क्लेम फॉर रिफंड अराइज, एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर, ये बेटा मेरे से रह गया है क्योंकि ये 2 अलग अलग सिचुएशन है 1 और 2, ओके ये इसको 5A कर देना यहाँ पे, एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, इसका अगर आपको देना है तो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द पीरियड इन विच सच क्लेम फॉर रिफंड क्या अराइजेस, मतलब जिस जैसा एग्जाम्पल हो दिसंबर, दिसंबर में मेरे कुछ सप्लाई ऐसे है कि जिसमें मेरा आउटवर्ड कम हो गया और इनवर्ड क्या ज़्यादा है, इनवर्ड मेरा ज़्यादा है, तो दिसंबर का रिटर्न कब जाएगा? जनवरी, 20 जनवरी, तो मेरी रिलेवेंट डेट 20 जनवरी से आगे कितना? 2 साल, 2 साल तब तक मैं उसका रिफंड क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में इन केस वेयर टैक्स इज पेड प्रोविजनली अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड द रेंडर, मतलब आपका असेसमेंट प्रोविजनल हुआ है, फाइनल असेसमेंट में आपके रिफंड आ रहे हैं, तो डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर द फाइनल असेसमेंट देयर ऑफ, ठीक है, डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर द फाइनल असेसमेंट देयर ऑफ, इन केस ऑफ पर्सन अदर देन सप्लायर, अच्छा इन केस ऑफ पर्सन अदर देन सप्लायर का मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं आपको, क्या कभी कभी रिफंड रिसिपिएंट को भी मिल सकते हैं? यस, मफतलाल इंडस्ट्री में डॉक्ट्रिन दी है, और डॉक्ट्रिन ये दी है कि अगर सप्लायर क्या बोला ना, अगर सप्लायर बर्डन पास ऑन कर रहा है और रिसिपियंट क्या बेटा ट्रेसेबल है, रिसिपियंट क्या
ट्रेसेबल है तो रिफंड किसको मिलेगा? रिसिपिएंट। तो यहाँ लिख दो एग्जांपल रिसिपिएंट, रिसिपिएंट भी क्लेम कर सकता है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। हाँ, रिसिपिएंट की रिलेवेंट डेट देखना, रिसिपिएंट की रिलेवेंट डेट रहेगी जिस दिन उसको, सुनना, जिस दिन उसको गुड्स रिसीव हुआ या सर्विस रिसीव हुआ, वहां से 2 साल में कभी भी वो ऑफिसर के सामने जाके बोल सकता है कि मुझे रिफंड चाहिए, मुझे रिफंड चाहिए, मुझे रिफंड चाहिए, ठीक है। और बाकी इन अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। थोड़ा एक काम करते हैं, वापस इसको अलग ढंग से देखते हैं, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। चलो, अब मैंने रिलेवेंट डेट तो आपको समझाई, अब आप क्या करोगे पता है क्या? हमने एक काम करोगे, पहले एक टेबल बनाओगे जिसमें सब रिफंड की केसेस लिखोगे। सुन लो पहले, अभी नहीं करना है। रिफंड की केसेस लिखोगे, पहली केस एक्सपोर्ट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, केसेस ऑफ रिफंड, ठीक है। पहला एक्सपोर्ट विदाउट बॉन्ड, मैं बताऊंगा, अभी कुछ भी मत लिखो। एक्सपोर्ट वो कैसे बनाना है टेबल बताऊंगा, ठीक है। विदाउट बॉन्ड, ये समझा आपको? यहां पे टाइम लिमिट ऑफ क्लेमिंग रिफंड 2 ईयर्स। 2 ईयर्स कहां से बेटा? रिलेवेंट डेट से। हाँ, इसकी रिलेवेंट डेट, अच्छा एक्सपोर्ट की रिलेवेंट डेट बताओ ढूंढ के, कौन से एक्सपोर्ट करते हो तो क्या रिलेवेंट डेट है? अरे जाओ ना रिलेवेंट डेट में, जाओ ना, कुछ तो मेहनत करो। ओके, बी एक्टिव। पहले क्या, बाय सी या एयर होगा तो, अरे है ना, बाय लैंड रूट होगा तो, और बाय पोस्ट होगा तो। अच्छा, ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है। हाँ, ये एक्सपोर्ट ऑफ क्या बेटा? गुड्स है। उसके नीचे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेस, यस और नो? तो उसके नीचे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वो भी 2 ईयर्स, 2 ईयर्स फ्रॉम रिलेवेंट डेट। उसमें आपने सर्विस कंप्लीट की, पैसा बाद में मिला या पैसा एडवांस में मिला, तो उसकी एक ऐसा टेबल बना देना कि ये पूरा रिफंड चैप्टर ना वो एक टेबल में खत्म हो जाना चाहिए। बस वो टेबल पढ़ लिया कि कटाकट कटाकट कटा खत्म। मैं इसके आगे तो और लूंगा, ओके, क्या डॉक्यूमेंट कौन कौन से है, ये क्या है, ये क्या है, वो सब चीज़ें अरेंज हो जाएगी रिफंड के हिसाब से। ये मेरी बात समझ में आया क्या? ओके, तो चलिए यहाँ पे अच्छा तो मुझे बताओ, एक्सपोर्ट के लिए भी है। अच्छा, जीरो रेट की रिलेवेंट डेट क्या है? जीरो रेट की रिलेवेंट डेट, कम ऑन, जीरो रेट की रिलेवेंट डेट क्या है? जीरो रेट की रिलेवेंट डेट, वैसे तो टैक्स पीरियड एंड होते ही मिल जाएगा, तो रिलेवेंट डेट है एंड ऑफ क्या? फिनेंशियल। तो आपको दोनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि उसको रिफंड तो टैक्स पीरियड होते ही मिल जाएगा, पर रिलेवेंट डेट इज एंड ऑफ फिनेंशियल, दैट मीन्स ही कैन क्लेम द रिफंड विद इन क्या? 2 ईयर्स फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। अच्छा, इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर की रिलेवेंट डेट क्या है? वो रिलेवेंट डेट का टेबल सामने रखो, क्या है? रिटर्न जब फाइल करोगे, कम ऑन, रिटर्न जब फाइल करोगे वो, ठीक है। उसके बाद में डीम एक्सपोर्ट की क्या है, ढूंढ के बताओ, डीम एक्सपोर्ट की क्या है? रिटर्न जब फाइल करोगे। अच्छा, ई कैश लेजर की दिया है क्या उसमें रिलेवेंट डेट में? स्पेशल नहीं दिया है, मतलब वो अदर में आ जाएगा। अच्छा, अदर की लास्ट अदर की रिलेवेंट डेट क्या लिखी हुई है? डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अच्छा, उसके बाद में रिफंड वाउचर की दिया है क्या, स्पेशल दिया है क्या टेबल में? नहीं, तो वो अदर में आ जाएगी। अरे यस और नो? अदर मतलब डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जिस दिन आपने टैक्स दिया एडवांस पर, ओके, तो वो टैक्स से 2 साल के अंदर आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अच्छा, रॉन्गली पेड का भी रिलेवेंट डेट नहीं, अलग से दिया है, तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जिस दिन टैक्स दिया है वहां से 2 साल। उसके बाद में टूरिस्ट का नहीं दिया है, इसलिए जिस दिन टैक्स पे किया वहां से 2 साल। कोर्ट का दिया है क्या? दिया है। क्या दिया है रिलेवेंट डेट कोर्ट का? जिस दिन जजमेंट आएगा वहां से 2 साल। ओके, फाइनल प्रोविजनल और फाइनल असेसमेंट का दिया है क्या? दिया है। जिस दिन फाइनल असेसमेंट होगा वहां से 2 साल, ठीक है। यूनाइटेड बॉडीज वगैरह नहीं दिया है, मतलब अदर्स,
और एक्सेस पेमेंट भी अदर्स और सीटीपी एनआरटी भी अदर्स, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। मेरी बात समझ में आया? तो आपको इस तरह से अरेंज करना है। और कुछ रह गया? ये सब कवर हो गया, ये हो गया, एक्सपोर्ट कवर हो गया। नहीं नहीं ब्रेक तो था ही नहीं बेटा अभी तक। हाँ 2 मिनट, अब आपका एक लॉजिक देखता हूं, बस इसके बाद ब्रेक लेते हैं। बस एक तीसरा वाला एक लॉजिक देखता हूं। स्पेसिफाई द केसेस, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्पेसिफाई द केसेस वेयर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज नॉट एप्लीकेबल, या केसेस वेयर रिफंड इज डायरेक्टली पेएबल टू एप्लीकेंट्स, और अमाउंट इज नॉट ट्रांसफरेबल टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। पहले तो क्वेश्चन समझा क्या, किसको समझा बताओ, बोल कुणाल। मतलब ऐसी केसेस बताओ जहां ऑफिसर प्रिजम्पशन नहीं लेगा डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का। ऐसी केसेस बताओ जहां डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगी, डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगी। डॉक्ट्रिन क्या कहती है? डॉक्ट्रिन कहता है कि हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि आपने बर्डन पास ऑन कर दिया है, इसलिए हम आपको रिफंड नहीं देंगे जब तक आप कॉन्ट्री प्रूव करने नहीं आते। अरे है ना, या तो इसका मतलब ऐसी केसेस जहां ऑफिसर प्रिजम्पशन ले ही नहीं सकता, ऑफिसर को रिफंड देना ही पड़ेगा। यानी आप खड़े हुए कि ऑफिसर के हाथ देता हूं भाई, देता हूं, बैठ बैठ देता हूं, वो ये नहीं बोलेगा ओके सीना तान के मैंने तो सोच लिया था बर्डन पास ऑन हो गया है। वो ये सोच ही नहीं सकता। आप चिल्ला सकते हो ऐसे कैसे सोच लिया तूने, कुछ केसेस ऐसे कि जिसमें तू सोच नहीं सकता, प्रिज्यूम नहीं कर सकता। तो जिसमें कुछ सोच नहीं सकता, जिसमें तू प्रिज्यूम नहीं कर सकता, ओके तो ऐसे सिचुएशन में, हाँ थोड़ा आज मैं फ्रेश हूं, पिछले 2-2.5 महीने से बड़े परेशानी में था, पर आज मेरे वाइफ को डिस्चार्ज मिला है, सब चीज़ें ओके है, कल डिस्चार्ज मिला, सब चीज़ें ओके है। तो यहाँ पे नहीं तो पिछले 2-2.5 महीने मेरे बड़े परेशानी में गए, डॉक्टर डॉक्टर, हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल, ओके। तो यहाँ पार्टी पार्टी लेना मेरे से, कोई प्रॉब्लम। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ ये बोलो, तो भाई ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें तू 2 मिनट, हाँ ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें तू खबरदार सोचा तो प्रिजम्पशन भी नहीं लेना, हमारा पैसा था और हमारे कुछ मिलेगा। एक एक केस कोई बता सकते हो आप कि वो आप उसने सोचा कि दो खींच के मारना ऑफिसर को नहीं? तो ये बताओ कौन कौन सी केस? करेक्ट, वेरी गुड, एक्सेस डिपॉजिट इन कैश लेजर, ये परफेक्ट केस है। बताओ एक्सेस डिपॉजिट इन कैश लेजर, इसमें वो कैसे प्रिज्यूम कर सकता है बर्डन पास ऑन? तुमने एक्सेस डाल के रखा है कैश लेजर में, वो कैसे प्रिज्यूम कर सकता है, कैसे डॉक्ट्रिन लगाएगा? देता हूं 2 मिनट, 2 मिनट उठ जाए, मैं ब्रेक देता हूं 2 मिनट, ठीक है। और तू ना कल एक काम किया कर, आते ही मत सोया कर, 15-20 मिनट बाद सो जाना। क्योंकि आते ही सोया कि मेरे को ऐसा लगता अरे मैंने तो स्टार्ट भी नहीं किया, ठीक है मेरी मधुर आवाज है, एसी चालू है, ये मधुर आवाज में नींद भी आती है, रुक जा। लेकिन यहाँ पे एकदम सडनली आते बस आकर तू तो अब ऐसे ये, पर चलो अच्छी बात, ये इसके बाद में मैं ये तुझे एडमायर करूँगा कि तू फ्रंट बेंच पे बैठी है और इस ये ऑब्जेक्ट से बैठी है कि चलो भाई नींद भी आ जाए तो भी सर की आवाज़ से मैं उठ जाऊँगी, ठीक है? तो ये अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे एक तो अरे रुक है। तो ऐसे केस में साइलेंट प्लीज, तो ऐसे केस में मुझे बताओ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट यहाँ पे जो है एक तो वो केस है। मुझे बताओ एक्सपोर्ट वाला केस भी आ जाएगा ना जिसमें ऑफिसर डॉक्ट्रिन नहीं पूछेगा, अरे भाई आपने एक्सपोर्ट किया, आपने IGST दिया है, नहीं समझ में आया? अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं FOB प्राइस पे, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो क्या बेटा FOB प्राइस पे, और उसका IGST आपने दिया है विदाउट बॉन्ड किया आपने, और आपने बर्डन पास ऑन, वो डिफॉल्ट उसमें प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता कि मैंने बाहर वाले बंदे को बर्डन पास ऑन कर दिया, एक्सपोर्ट का केस है। इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में भी वो नहीं ले सकता,
वो प्रिज्यूम नहीं कर सकता, मैं प्रूव कर दूंगा, देख मेरा आउटपुट रेट कम है, मेरा इनपुट रेट ज़्यादा है, तो रिफंड मुझे मिलना चाहिए। मैंने तू ये प्रिज्यूम ही नहीं कर सकता कि मैंने बर्डन किसको दिया, क्योंकि आउटपुट का रेट का भी टैक्स मैंने दिया है, इनपुट का भी मैंने दिया है। तो ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में तो ये 6 बार पूछा था पिछले 15 साल में। एक्सप्लेन द केसेस ऑफ केसेस वेयर डॉक्ट्रिन इज नॉट अप्लीकेबल, या दूसरी ढंग से वेयर रिफंड डायरेक्टली अवेलेबल, और तीसरी ढंग से क्या अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर नहीं होगा। तो देखो ये लर्न करके जाना बहुत अच्छा है। पहला एक्सपोर्ट, अगर आपने एक्सपोर्ट किया होगा तो डायरेक्ट रिफंड है आपको, आपके ITC जीरो रेट और इन्वर्टेड स्ट्रक्चर का भी डायरेक्ट रिफंड है आपको, ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्स और इश्यू ऑफ रिफंड वाउचर, हाँ रिफंड वाउचर का भी है आपको। रिफंड वाउचर का मतलब क्यों है आपको डायरेक्ट रिफंड बता देता हूँ। आपने एडवांस दिया था, कम ऑन आपने मुझे एडवांस दिया था, मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया, फिर सप्लाई नहीं हुआ, इनवॉइस भी नहीं दिया गया, तो भाई मैं अगर आपको पूरा पैसा वापस कर देता हूँ एडवांस का, तो मेरे पॉकेट से ही पैसा गया, तो डायरेक्ट रिफंड है। रॉन्ग हेड वाला पेमेंट मतलब समझेंगे आप, CGST SGST बजाय क्या IGST, उसमें क्यों डॉक्ट्रिन लगाते हो यार, वो तो गलती हुई है ना। मैं CGST SGST दे रहा हूं ना, तो मुझे IGST का रिफंड मुझे दो ना। हाँ कस्टमर को जब मैंने 6 महीने पहले इनवॉइस दिया होगा, इसमें तो अभी इतनी गड़बड़ हो रही है, 6 महीने पहले इनवॉइस मैंने कस्टमर को दे दिया IGST का, ठीक है, बंदे ने IGST का क्रेडिट ले लिया, नहीं समझ में आया, बंदे ने IGST का क्रेडिट ले लिया 6 महीने पहले, अब आज 6 महीने बाद पता चलता है अरे तेरी यह तो गड़बड़ हुई थी, वो सप्लाई इंट्रा था, मैंने क्या इंटरेस्टेड, तो ठीक है मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या चेंज कर रहा हूँ पता है क्या, बोलो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं CGST SGST उसका पे कर रहा हूँ और IGST का रिफंड क्लेम कर रहा हूँ, और वो डायरेक्ट रिफंड है क्योंकि मैं CGST SGST दे रहा हूँ, तो ठीक है मैं तो चेंज कर दूंगा मेरे बुक्स में और मेरे रिटर्न में, पर सामने वाले ने जो क्रेडिट लिया है वो चेंज कैसे होगा, वो चेंज होना मुश्किल है, उसने तो एज ए IGST क्रेडिट लिया और IGST ओपन क्रेडिट है, नहीं समझे आप, इसके लिए अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, यानी उसने IGST का क्रेडिट ओपन क्रेडिट में ले लिया। अब मुझे बताओ 6 महीने ही पहले अगर उसको CGST SGST लग के आता, क्या लग के आता, CGST SGST लग के आता, तो वो क्रेडिट तो रिस्ट्रिक्शन में आ जाता, CGST का क्रेडिट ओनली अगेंस्ट CGST और IGST, और SGST का क्रेडिट ओनली अगेंस्ट SGST, पर मैंने उसको 6 महीने पहले IGST का बिल दे दिया, तो उसने तो उसका क्रेडिट CGST में भी यूज कर लिया और SGST में भी यूज कर लिया और IGST में भी यूज कर लिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है, अभी तक उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। मैं क्या बोल रहा था, बड़बड़ कर रहा था, कुछ समझ में आया क्या आपको, नहीं आया समझ में, ठीक है जाने दो, CGST SGST IGST, ये 3 वर्ड तो समझ में आए ना, ये 3 वर्ड भी समझ में आए होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर क्या, रॉन्ग हेड, रिफंड इफ बर्डन इज नॉट शिफ्टेड, हाँ अगर आप प्रूव करके दो, मैंने जो सर्विस टैक्स वाला केस बताया था कि अगर आप प्रूव करके दो कि आपने बर्डन किसी को पास ऑन नहीं किया है तो डायरेक्ट रिफंड है, और नोटिफाइड केसेस बाय गवर्नमेंट अगर कोई केसेस नोटिफाई करता है तो वो केस में डायरेक्ट रिफंड है। सेक्शन 508A, द गवर्नमेंट में डिसबर्स द रिफंड ऑफ द स्टेट टैक्स इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो ये पढ़ के जाना कि कौन कौन से केसेस में डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ केसेस है, यहाँ ब्रेक लेते हैं, रिमेनिंग आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
सॉन्ग लेता हूँ तो रिफंड का कल हमारा लास्ट सेशन है तो उसमें ले लेते हैं सॉन्ग। अच्छा कल कौन कौन नहीं है? कोई भी नहीं? ठीक है तो चलिए आ लेता हूँ सॉन्ग लेता हूँ बाद में। तो मैंने कल संडे प्लान किया था सब कुछ। चलिए स्टेट द रिलेवेंट फॉर्म्स ऑफ रिफंड क्लेम्स टू बी फाइल्ड फॉर टैक्स इंटरेस्ट फीस और एनी अदर अमाउंट। वो पूछ रहे हैं कि आपका क्लाइंट पूछ रहा है आपको कि सर ठीक है मुझे रिफंड फॉर्म क्या रहेगा, कौन से फॉर्म में हमें रिफंड फाइल करना पड़ेगा। तो देखो एप्लीकेशन फॉर रिफंड, एनी पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर रिफंड अदर देन पर्सन कवर्ड इन सेक्शन 55। ध्यान से देखिए सभी पर्सन के लिए जो जिन्हें लगता है कि उसको रिफंड मिल सकता है एक्सेप्ट यूआईएन वाले। यूआईएन वाले मतलब कौन बोलो ना, यूआईएन वाले मतलब कौन? अरे वो तो लॉन्ग फॉर्म मुझे मालूम है, यूआईएन मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनाइटेड नेशन डिप्लोमैट्स फॉरेन एम्बेसीज, कुछ याद है क्या आपको? तो यूआईएन वाले छोड़ के बाकी सभी पर्सन जो है ये फॉर्म में अप्लीकेशन डालेंगे और वो फॉर्म का नाम है RFD-01 रिफंड ऑफ IGST ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, उसका भी RFD-01 होगा। रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ ई कैश लेजर, मैंने पहले भी बताया था और अभी बता देता हूँ, ई कैश लेजर का रिफंड आपको अलग से फॉर्म में नहीं क्लेम करना पड़ता है, आपके GSTR-3 यानी आपका जो रिटर्न है वो रिटर्न GSTR-3 में ही उसका ऑप्शन है, पर फिलहाल GSTR-3 इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया है, उसके वजह से आपको कैश लेजर की रिफंड क्लेम करने तो 3B में अभी ऑप्शन नहीं है, 3B में अभी ऑप्शन नहीं है, उसके लिए फिर अभी RFD-01 ही देना पड़ रहा है। जबकि प्रोविजन ये थी आपको एग्जाम में तो ये लिखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रिफंड क्लेम करना है तो वो डायरेक्ट GSTR-3 में ही रिफंड क्लेम कर सकता है, उसके लिए सेपरेट फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कमेंट्स, इन केस ऑफ CTP और NRTP द अमाउंट शैल बी रिफंडेड। ये सब आवाजें बंद हो जाती है फाइनल लेवल पे। तो यहाँ पे इन केस ऑफ CTP और NRTP द अमाउंट शैल बी रिफंडेड ओनली आफ्टर फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39। इंपॉर्टेंट बताता हूं, CTP और NRTP में होता क्या है, CTP और NRTP में आप एडवांस में टैक्स दे देते हो ऑन एस्टिमेटेड टर्नओवर, तो ही आपको CTP और NRTP का रजिस्ट्रेशन मिलता है। ठीक है, लेकिन समझ लो आपने 40 डेज का एग्जीबिशन का CTP का रजिस्ट्रेशन लिया, अब आपने रजिस्ट्रेशन लिया 40 डेज का और वो रजिस्ट्रेशन की डेट है एग्जाम्पल लेते हैं 5th जनवरी, 5th जनवरी को आपकी RCI CTP की, तो नाउ आप CTP हो इसलिए आपको जो नॉर्मल रिटर्न है वो तो आपको देने पड़ते हैं, यानी आपको भी CTP को 3B देना पड़ता है, कम ऑन CTP को क्या 3B देना पड़ता है और GSTR-1 भी देना पड़ता है, पर ये बंदा 40 दिन के लिए ही है, सुनिएगा किसके लिए था 40 दिन के लिए, तो वेट ये बंदा 40 डेज के लिए ही है। ठीक है, एक काम कर, तो ये बंदा जो है 40 डेज के लिए ही है, अगर ये बंदा 40 डेज के लिए है तो मुझे बताओ 5 जनवरी को उसे रजिस्ट्रेशन मिला तो उसके 40 डेज अराउंड 15 फेब के आसपास खत्म हो जाएंगे, लेकिन जनवरी के 25 दिन का इवन दो 15 फेब को उसका CTP खत्म हो जाएगा, लेकिन जनवरी के 25 दिन का उसको GSTR-1 10 फेब को देना पड़ेगा और जनवरी का 3B भी उसे देना पड़ेगा, और फरवरी के 15 दिन का, सुनिएगा फरवरी के, अरे बोलो क्या, 15 दिन का भी GSTR-1 और 3B देना पड़ेगा, पर फरवरी का जो 15 दिन का जो रिटर्न देगा वो रिटर्न जो है वो उसका लास्ट रिटर्न होगा, उसके बाद वो रिटर्न नहीं देगा, तो ख्याल रहे। तो CTP और NRTP मैं क्या कह रहा हूँ सुनना, CTP और NRTP
अगर अपना रिफंड क्लेम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एडवांस में ज्यादा टैक्स दे दिया है, एडवांस में ज्यादा टैक्स दे दिया है इसलिए वो अपना रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो वो अपना रिफंड ओके जो उनका लास्ट रिटर्न रहेगा, क्या बेटा उसका लास्ट यानी फरवरी का जो लास्ट रिटर्न रहेगा उसी रिटर्न में वो अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ डीम एक्सपोर्ट एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड बाय रिसिपिएंट। ये थोड़ा डीम एक्सपोर्ट वाला एरिया हम सेपरेट एक डिस्कशन करेंगे आधी घंटे का, ओके एक शॉर्ट नोट ही है तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। देन बेटा चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। इन केस ऑफ सप्लाईज मेड टू एसईजेड यूनिट और डेवलपर ऑफ एसईजेड, फिर से एक बार, अगर आप एसईजेड या एसईजेड के डेवलपर को गुड सप्लाई करते हो या सर्विसेज सप्लाई करते हो तो सेक्शन 16 उसे जीरो रेट का डायरेक्ट स्टेटस दे देता है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, देखो, सप्लायर ऑफ गुड्स आफ्टर सच गुड्स हैव बीन एडमिटेड इन फुल टू एसईजेड फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन, अंडरलाइन द वर्ड ऑथराइज्ड ऑपरेशंस, एंडोर्स्ड बाय स्पेसिफाइड ऑफिसर ऑफ द जोन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में थोड़ा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्लोली कंसेप्ट बताता हूं। 1991 से लेके तो 2001 तक चाइना ने एक्सपोर्ट पॉलिसी पिछले 10 साल में बहुत स्ट्रांग की। एसईजेड जोन ये चाइना का बनाया हुआ कंसेप्ट है जो पूरे वर्ल्ड ने बोरो किया चाइना से, बोरो किया मतलब कॉपी किया, ठीक है। चाइना ने क्या किया था, क्योंकि वह मार्क्सवादी लोग थे, ओके डेमोक्रेसी अभी तक पूरी तरह से नहीं है, ठीक है, कम्युनिज्म है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए स्पेशल सिटी तैयार कर दी, जोन तैयार कर दिया कि भाई एक पूरा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो एक्सपोर्ट के लिए चाहिए वहाँ पे, बेस्ट मशीनरीज जो जो चाहिए सब एक जोन तैयार कर लो, और वो जोन में सभी मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्टर्स को बुलाओ। जैसा आज हम सिंपल वे में देखते हैं मॉल, मॉल में अच्छे अच्छे ब्रांड्स को एक जगह बुलाओ, बेस्ट फैसिलिटी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे उन्होंने, मैं जब गोंजो गया था कैंटोन, तो वहाँ एक उनका एसईजेड जोन था, तो वो एसईजेड जोन पुणे से भी बड़ा है और जहां देखो वहां पूरा फैक्ट्रीज स्पेशली एक्सपोर्ट्स के लिए। और जब आप वो जोन में जाओगे ना एसईजेड जोन में, तो आपको देखेगा कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है उन्होंने एक्सपोर्टर्स को, ठीक है। तो उससे एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट बहुत कम हो जाती थी, ट्रांसपोर्टेशन मैन्युफैक्चरिंग अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जोन कंसेप्ट जैसे ही चाइना का सक्सेसफुल हुआ, इंडिया में सीरियसली सोचा गया इन द ईयर 2001-2, जब फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी थे अंडर वाजपेयी गवर्नमेंट, कि क्यों नहीं इंडिया में जोन कंसेप्ट चाइना जैसा लाया जाए, कि भाई हमारे ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स सब अलग 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 जगह है, बटे हुए हैं, कोई इधर पुणे में हड़पसर में, तो कोई इधर पिंपरी चिंचवड़ साइड में है, तो कोई नासिक साइड है, ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स। इनको अगर हम फैसिलिटी भी देना चाहें तो नहीं दे सकते क्योंकि बटे हुए यूनिट्स है। क्यों नहीं इन सब लोगों को एक जगह लाया जाए और चाइना जैसे जोन बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। तो फिर ऐसे ये एक छोटा सा मैं रीजन बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे। तो फिर जोन कंसेप्ट डेवलप किया गया कि भाई कोई कंपनी डेवलप करेगी, जैसे रिलायंस पूरा जोन डेवलप करेगी, इन ऑर्बिट मॉल एक कंपनी होगी इन ऑर्बिट जो पूरा मॉल डेवलप करेगी और अलग अलग ब्रांड्स को बुलाएगी। तो इसमें जोन में दो लोग इन्वॉल्व, एक होता है डेवलपर जो पूरा डेवलप करता है और एक होता है यूनिट्स जो अलग अलग कंपनीज अपने ब्रांड्स लाती है उसमें, वो होते हैं यूनिट्स। यूनिट्स ही ऐसे थे। फिर क्या हुआ, यहां पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना सच में 2000 साल के पहले इतना आसान नहीं था, 60s 70s 80s 90s में बहुत आसान नहीं था। आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो दुनिया भर के लाइसेंस लाओ, फैक्ट्रीज एक्ट के तहत, पीएफ के तहत, तो उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल, फिर ये, फिर स्टेट लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस, ये लाइसेंस। एक मैन्युफैक्चरर इस कंप्लायंसेस में सभी परेशान हो जाता था, और अगर स्पेशली वो एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्टर तो और परेशान हो जाता था इसके कंप्लायंसेस उसके कंप्लायंस करते वक्त।
तो फिर गवर्नमेंट ने एक स्कीम दी, अगर आप अपना यूनिट जोन में लाते हो तो आपको इंडिया के कोई भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा, या मोस्टली एक्ट अप्लाई नहीं होंगे। आपके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाएंगे, बस आपको जो कुछ भी करना है वो स्पेशल एक्ट के तहत ही, सिंगल विंडो स्कीम लाएगी। और वो एक्ट था स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। और 2005 में एक एक्ट स्पेशली एसईजेड के लिए पास किया गया और कहा गया कि notwithstanding to any other law, मतलब इस एक्ट को ओवरराइडिंग कर दिया सभी एक्ट पे, और जो भी यूनिट जोन में होंगे वो सभी कंप्लायंसेस इस एक्ट के तहत करेंगे। मेरी बात समझ में आया क्या? लेकिन जीएसटी अभी लग रहा है, क्योंकि जीएसटी एसिज हम एसिजेड को सप्लाई करते हैं तो जीरो जीएसटी लगा के जीरो रेट मिलता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर थी लोगों के लिए, बहुत से लोगों ने इंडस्ट्री ने ऐसे जोन सिलेक्ट किए, डेवलप होते थे अपना यूनिट, क्योंकि ना पोल्यूशन कंट्रोल के तहत कोई लाइसेंस नहीं, फैक्ट्री एक्ट का परेशानी नहीं, लेबर एक्ट की परेशानी नहीं, किसी की भी एक ही एक्ट, सिंगल विंडो स्कीम। कौन सी सिंगल विंडो स्कीम? ऐसी से एक ही एक्ट था, बड़ा सक्सेसफुल हुआ। लेकिन वह एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के तहत एक जोनल अथॉरिटी फिक्स होती है, वो जोन की अथॉरिटी, वहाँ स्पेशली एक जोन डिपार्टमेंट बनता है गवर्नमेंट का, और उनकी देखरेख में पूरा काम चलता है, ठीक है। तो अब ये तो थोड़ा बैकग्राउंड आपके नॉलेज के लिए था, मेरे को किससे कंसर्न है? अगर आप कोई गुड्स और सर्विसेज एसईजेड को दे रहे हो, किसको दे रहे हो बेटा? एसईजेड को, तो वो जीरो रेट तभी माना जाएगा जब वहाँ की जोनल ऑफिसर ने, माने जोन ऑफिस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एक ऑफिसर होता है, वो ऑफिसर ये सर्टिफाई करके देगा कि आपका गुड्स या आपकी सर्विस, यानी ये इंडोर्स करके देगा कि आपका गुड्स या आपके सर्विस ऑथराइज ऑपरेशन के लिए यूज हुई है। तो उनकी लिस्ट है कि जोन के क्या क्या ऑथराइज ऑपरेशन से है। अगर आपकी गुड्स या आपकी सर्विस उन ऑथराइज ऑपरेशन के लिए यूज हुई होगी तो ही आपको जीरो रेट का बेनिफिट दिया जाएगा। हर गुड्स और सर्विसेज जो दिया गया नहीं, अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी बेटा यही एसईजेड बॉम्बे के पास, उन्होंने कैब सर्विस ली थी, कुछ 100 कैब्स रेंट पे ली थी, ऑथराइज ऑफिसर ने मना कर दिया इंडोर्स करने के लिए ऑथराइज ऑपरेशन, क्योंकि ऑफिसर ने कहा कैब जो सर्विस यूज हुई वो जोन के बाहर हुई, जोन के बाहर हुई इसलिए हम नहीं देंगे, और इंडोर्स ही नहीं किया उसने ऑथराइज ऑपरेशन। बहुत बड़ा उनका टैक्स का नुकसान हुआ, क्योंकि जब तक वो ऑथराइज नहीं होता है तब तक जीरो रेट के बेनिफिट्स नहीं मिलते। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे केस में ये पॉइंट आप ध्यान रखें। ओके, सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए भी वही है, गुड्स हो या सर्विस हो। ओके, आपको बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब वो ऑथराइज ऑपरेशन के लिए यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट रिफंड ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेट सप्लाई, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बताओ अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेट सप्लाई, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? आईटीसी ऑफ जीरो रेट सप्लाई का रिफंड, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिचुएशन क्या हुई होगी कि आपका एक्सपोर्ट क्या किया होगा? विथ बॉन्ड किया होगा आपने, आपका एक्सपोर्ट विथ बॉन्ड किया होगा, ठीक है, और आपको किसके रिफंड मिलने वाले हैं? आईटीसी के। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या बता दिया था, कि आपको सिर्फ रिफंड इनपुट और इनपुट सर्विस के मिलते हैं, कैपिटल गुड्स के नहीं मिलते। सर ये लिखा कहाँ हुआ है? ये यहाँ लिखा है, यहाँ बताओगा। अगर आप नेट आईटीसी की डेफिनेशन देखो तो नेट आईटीसी की डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है इनपुट और इनपुट सर्विसेस, कैपिटल गुड्स के नहीं मिलते हैं। आप मेरी बात समझे? तो चलो, ये मैं पढ़ाने के पहले आपके सामने दो सिचुएशंस रखना चाहूंगा। जीरो रेट में दो टाइप के एक्सपोर्टर्स आ सकते हैं जो अंडर बॉन्ड दे रहे हैं, एक ऐसा एक्सपोर्टर जो गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है आउटवर्ड और अंडर बॉन्ड कर रहा है, बॉन्ड या एलयूटी, ठीक है, आईजीएसटी नहीं लगेगा, वो कैपिटल गुड्स यूज कर रहा है, वो इनपुट्स यूज कर रहा है और वो इनपुट
सर्विसेज यूज़ कर रहा है, ठीक है। कैपिटल गुड्स आईटीसी 2 लाख रुपए, इनपुट आईटीसी 4 लाख रुपए, कुछ याद आएगा आपको, और आईटीसी कितना 3 लाख रुपए। एक ये केस है, और ये केस में वो बस एक्सपोर्ट ही करता है, एक्सपोर्ट के अलावा उसका कुछ भी नहीं है। दूसरा एक केस हो सकता है सर, दूसरा क्या केस हो सकता है, दूसरा ये केस हो सकता है कि यहाँ पे ये एक्सपोर्टर गुड्स और सर्विस का एक्सपोर्ट भी करता है, मतलब उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर भी है और उसका डोमेस्टिक टर्नओवर भी है। आई रिपीट, क्या कह रहा हूँ मैं, डोमेस्टिक टर्नओवर भी है, और ये उसका जो डोमेस्टिक टर्नओवर है, डोमेस्टिक में हो सकता है इंट्रा हो इंटर हो जो भी हो, पर डोमेस्टिक टर्नओवर है, और वो इनपुट यूज़ कर रहा है, सॉरी कैपिटल गुड्स यूज़ कर रहा है, इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, भाई तू एक्सपोर्ट ही कर रहा है तो तेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं यार, तुझा सा टिकाईपन तेरे लिए कुछ भी, ठीक है, मतलब वॉट एवर तेरा। अच्छा मुझे बताओ, वो ओनली एक्सपोर्ट ही कर रहा होगा तो उसका जो भी आय और आयस होगा वो एक्सपोर्ट का ही रहेगा। अरे आया ना, तो तेरा टोटल कितना रिफंड बनता है, 7 लाख, तो तुझे 7 लाख का रिफंड तो हम दे देंगे, तेरे लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, अच्छा वो ओनली एक्सपोर्ट कर रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर इक्वल्स टू टोटल टर्नओवर? अरे बड़ा सिंपल है फाइनल में, अगर वो ओनली एक्सपोर्ट कर रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर इक्वल्स टू टोटल टर्नओवर? है ना, पर मुझे ये बता, अगर वो 2 क्लीयरेंसेस कर रहा है तो क्या एक्सपोर्ट टर्नओवर इक्वल्स टू टोटल टर्नओवर होगा या अलग अलग दोनों का होगा? ये दोनों का टोटल हो जाएगा। अब गवर्नमेंट यहां कहती है, गवर्नमेंट कहती है भाई तुम डोमेस्टिक कर रहे हो तो एक बात का ख्याल रखना। हाँ बोलिए बोलिए सर, किस बात का हम ख्याल रखें? हम आय और आयस के पूरे रिफंड नहीं देंगे, हम आय और आयस के पूरे रिफंड नहीं देंगे, आपको निकालना पड़ेगा कितना आय और आयस जो आपने टोटल खरीदा इस टैक्स पीरियड में, कम ऑन, इस टैक्स पीरियड में प्लस ओपनिंग, प्लस क्या ओपनिंग, तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितना आय और आयस प्रोपोर्शनेट एक्सपोर्ट में यूज हुआ है। रिटेक, प्रोपोर्शनेट एक्सपोर्ट में यूज हुआ है, अरे है ना, तो वो प्रोपोर्शनेट आपको निकालना पड़ेगा और वो प्रोपोर्शनेट का ही रिफंड आपको एलिजिबल होगा, प्रोपोर्शनेट का ही एलिजिबल होगा। अब आपने पूछ लिया फिर सर ये प्रोपोर्शनेट कैसे निकालेंगे, ये प्रोपोर्शनेट कैसे निकालेंगे, तो गवर्नमेंट कहती है रुक, हम तुझे एक फॉर्मूला देते हैं, ये फॉर्मूला से तेरा प्रोपोर्शनेट निकलेगा। अरे है ना, तो ये फॉर्मूला हम तेरे को देने जा रहे हैं, ये फॉर्मूला लगाना, और फॉर्मूला कोई इजी नहीं है बेटा, आगे आगे देखो होता है क्या। हम तुझे एक फॉर्मूला देने जा रहे हैं, वो फॉर्मूला से प्रोपोर्शनेट निकालना, और जितना प्रोपोर्शनेट निकलेगा उतना रिफंड मिलेगा, बाकी का तो आईटीसी तू कंटिन्यू कर ले, हम आईटीसी को मना ही नहीं कर रहे, तू डोमेस्टिक टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है आईटीसी तूने लेना ही चाहिए क्या, और तू एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड भी टैक्सेबल माना जाता है आईटीसी, हम आईटीसी को मना नहीं कर रहे, हम रिफंड रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हमारी जेब से। देख एक बात बताओ क्या, एक बार पैसा आने के बाद निकालना बहुत मुश्किल जाता है, ये समझ में आया ना, निकालना बहुत मुश्किल जाता है। कभी आप कभी कोई कोचिंग क्लास में या यहाँ पे एडमिशन लेते हो, एडमिशन लेने के लिए 10 काउंटर होते हैं पर रिफंड के लिए एक ही होगा, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए होगा। तो अब एग्जाम्पल, तो ऐसे सिचुएशन में, अरे सुन यार, तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे पैसा आने के बाद गवर्नमेंट भी कहती रुक रुक क्रेडिट ले, हम भी ऑप्शन देते हैं कि अच्छा तुझे ये क्लास नहीं लगाना है तो दूसरा ले ले, ये फैकल्टी ये फैकल्टी, पैसा मत मांग बस। तो गवर्नमेंट कहती यहाँ रिफंड जो है तुझे हम उतना ही देंगे जितना तू ये बताएगा प्रोपोर्शनल एक्सपोर्ट में यूज हुआ। तो भई हम कैसे निकालना है एक्सपोर्ट में यूज हुआ, तो फॉर्मूला उन्होंने दिया रूल 89(4) के तहत, अगर ये रूल याद हुआ तो ठीक, नहीं तो वैसे भी कौन सा तुमको कंसेप्ट याद नहीं रहता तो रूल तो दूर की बात है, ठीक है। तो 89(4) के तहत याद है, स्टिपुलेट दैट इन केस ऑफ ज्यूरेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। हाँ हाँ, अगर मैं आपको पहले बोल चुका हूं मैं आईटीसी और जीरो रेट ले रहा हूं, इसका मतलब भी वो क्या अंडर बॉन्ड है,
अंडर बॉन्ड है मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड। अरे समझ में आया क्या? तो फिर से एक बार कंफ्यूज मत होना बेटा, आईटीसी का रिफंड आपको अंडर बॉन्ड के केस में मिलेगा, अंडर बॉन्ड के। अगर तुम्हारा विदाउट बॉन्ड है तो उसमें आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता है, आईटीसी यूज होता है उसमें, 18 लाख माइनस 9 लाख। उसमें रिफंड जो मिलेगा तुम्हारे आउटपुट टैक्स का ही 18 लाख मिलेगा, उसमें आईटीसी का क्लेम ही नहीं आता है क्योंकि वो आईटीसी यूज कर लिया तुमने। अरे है ना, तो जब जब भी जीरो रेट का आईटीसी का रिफंड बोला मतलब समझ जाना अंडर बॉन्ड। ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। अब इसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो चुल्लू भर पानी ले और डूब मरे, ठीक है। तो नाउ रिफंड ऑफ आईटीसी शैल बी ग्रांटेड एज पर फॉलोइंग फॉर्मूला। रिफंड अमाउंट इक्वल्स टू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अच्छा ये एडजस्टेड थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, टोटल टर्नओवर ये तो समझ में आया ना आपको, ठीक है, इनटू नेट क्या आईटीसी, इनटू आईटीसी नहीं बोला है, नेट आईटीसी बोला है। मतलब आप कैपिटल गुड्स का बाजू में निकाल दो, जो बचेगा आई एंड आई एस का, वो आईटीसी का ही हम प्रोपोर्शनेट रिफंड देंगे, ठीक है। इन सिंपल वर्ड एक्सपोर्ट टर्नओवर, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कहूं तो आपको आईटीसी का प्रोपोर्शनेट कैसे निकाला जाएगा, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू आईटीसी ऑफ आई प्लस आईएस ऑफ दैट टैक्स पीरियड। बात समझ, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कहो तो, ठीक है। फिर हम उसके वर्ड में जाते हैं। अब इन्होंने एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब आप ओनली सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो सिर्फ गुड्स लो, गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल। ओनली सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो तो ओनली सर्विसेज कर लो, और आप अगर कंबाइन हो तो गुड्स प्लस सर्विस कर लो डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। चलो इसका हर वर्ड डिटेल में देखते हैं, रिफंड अमाउंट मीनिंग क्या होता है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेट, क्योंकि इस फॉर्मूला पे दो बार क्वेश्चन पूछ लिया है और अभी रिसेंट एग्जाम में इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर नेट आईटीसी। रिफंड अमाउंट मींस मैक्सिमम रिफंड दैट इज एडमिसिबल, मतलब ये जो आप रिफंड निकाल रहे ये मैक्सिमम मिलेगा, इससे ज्यादा आपको रिफंड नहीं मिलेगा, बस ये मैक्सिमम है बेटा, ठीक है। नेट आईटीसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप इस फॉर्मूला में का नेट आईटीसी निकालोगे तो नेट आईटीसी लेते वक्त आईटीसी अवेल ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, ये रिलेवेंट पीरियड मतलब अभी दो मिनट के लिए इतना समझना, टैक्स पीरियड, आपका टैक्स पीरियड मंथली होगा तो मंथली, क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली, ठीक है। आपको लिखना है तो अभी लिख सकते हो, रिलेवेंट पीरियड मतलब टैक्स पीरियड। नोट, कैपिटल गुड्स का कवर नहीं किया है, सिर्फ आय और आईएस का ही कवर किया है। हाँ, और अदर देन इनपुट टैक्स रेट अवेल फॉर विच रिफंड इज क्लेम इन 89(4)A, 89(4)B, इस बार 89(4)A, 89(4)B पे एडजस्टमेंट भी आई थी, वो सिंपल एडजस्टमेंट आई थी, ठीक है। पर ये नेट आईटीसी लेते वक्त आप सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विस का ही क्रेडिट लोगे, और उसमें भी 89(4)A या 4B के तहत केस आती होगी जिसमें 89(4)A और 4B में रिफंड क्लेम कर लिया होगा, तो उतना रिफंड आपके आईटीसी से डिडक्ट कर दोगे। सर नहीं समझा, समझ लो एग्जांपल के तौर पे, आप अप्रैल महीने का रिफंड निकाल रहे हो, आपका अप्रैल महीने में जो भी आय और आईएस, ओके, जो भी आया होगा, तो आय और आईएस अप्रैल महीने का आपका टैक्स पीरियड, रिलेवेंट पीरियड बोलूंगा, रिलेवेंट पीरियड का आपका आय और आईएस 10 लाख था, ठीक है, 10 लाख का आईटीसी था। पर अगर आपने 89(4)A या 89(4)B के तहत कोई रिफंड क्लेम कर दिया होगा, हाँ आपने एक रिफंड क्लेम किया है 3 लाख का, तो 3 लाख डिडक्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपका नेट आईटीसी इस फॉर्मूला के लिए कितना लिया जाएगा बेटा, 7 लाख। अब आपका दूसरा सवाल, सर ये 89(4)A और 89(4)B क्या है? ये है बेटा डीम एक्सपोर्ट एंड पेनल्टीमेट सप्लाई। आई रिपीट, क्या डीम एक्सपोर्ट, लिख दो वहां पर 89(4)A 4B क्या है, साइड में स्टूडेंट नोट में लिख दो,
89 4A डीम एक्सपोर्ट और 89 4B सप्लाई टू मर्चेंट एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर दैट इज पेनल्टी मेड सप्लाई, सप्लाई टू मर्चेंट एक्सपोर्टर दैट इज पेनल्टी मेड सप्लाई. ठीक है, 89 4A 4B हम देखेंगे आगे, इसके लिए स्पेशल देखेंगे. बस अभी इतना याद रखो कि तुम्हारे नेट आईटीसी में से, अभी तो जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने 89 4A 89 4B का अमाउंट दे दिया था, इतना रिफंड डायरेक्ट अमाउंट दे दिया था. आपको कुछ नहीं करना था, नेट आईटीसी से उतना माइनस करना था. ठीक है, तो उतना आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. नेक्स्ट, अब चलो रिफंड मतलब क्या हो गया, नेट आईटीसी मतलब क्या हो गया. अब वो कहते हैं टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा. वेल बेटा, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स. हाँ, इसमें एक अमेंडमेंट भी हुई है, अमेंडमेंट का बैकग्राउंड में आपका बताऊंगा. ओके, तो ये जैसे ये टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ये अमेंडमेंट क्या है, पहले ये डेफिनेशन हम देख लेते हैं. ऊपर के फॉर्मूला में जैसे हमने देखा, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी. ठीक है, तो इसमें ये टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या लिया जाएगा, यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करना. मीन्स वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड. ओके, अंडरलाइन वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड यहाँ पे विदाउट पेमेंट ऑफ बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. पेमेंट ऑफ बॉन्ड और ये कनेक्टेड है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. मतलब जब आप जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स लोगे तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स लेते वक्त आपको सिर्फ वही टर्नओवर लेना है जो विदाउट बॉन्ड वाला है. ओके सॉरी, हाँ, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड, सॉरी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाला जो है, मतलब जो अंडर बॉन्ड है, ओके, या अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, वही टर्नओवर आपको लेना है. ठीक है, और ये वाली अमेंडमेंट अभी ऐड हुई है. और ये वाली अमेंडमेंट क्या है, तो ये है, और ये और वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और द वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय सेम और सिमिलरली प्लेस, बाय सेम और सिमिलरली प्लेस सप्लायर एज डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर. नाउ ये जो अमेंडमेंट हुई अभी, ओके, यानी जब आप जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज के रिफंड लोगे बेटा, तो वो रिफंड लेने पर एक तरह का कैपिंग लाया उन्होंने. और कैपिंग क्या लाया, कि आपका जो एक्चुअल एक्सपोर्ट टर्नओवर होगा अंडर बॉन्ड विदाउट टैक्स, ध्यान से सुनना, अंडर बॉन्ड विदाउट टैक्स या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक टर्नओवर जो आप कर रहे हो, और अगर आप डोमेस्टिक टर्नओवर नहीं कर रहे हो तो सिमिलरली प्लेस का है. अब सिमिलरली प्लेस का है मतलब कि यहाँ पे अदर एक्सपोर्टर, ओके, यहाँ कितना डोमेस्टिक टर्नओवर करते हैं उसके बेस पे वो डिसाइड किया जाएगा. अब सिमिलरली प्लेस अगेन एरिया ऑफ कन्फ्यूजन, उन्होंने डाल तो दिया सिमिलरली प्लेस, लेकिन सिमिलरली प्लेस अगेन द एरिया ऑफ कन्फ्यूजन. ओके, तो चलो देखते बेटा, सिमिलरली प्लेस सप्लायर एज डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर. ठीक है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना. यहाँ पे देखो बेटा, दो मिनट के लिए समझ लो ये अमेंडमेंट नहीं हुई है. आई रिपीट, दो मिनट के लिए ये समझ लो ये अमेंडमेंट नहीं हुई है. ठीक है, तो पहले पुरानी प्रोविजन क्या थी, पुरानी प्रोविजन बस इतनी थी कि आपका जो टर्नओवर है, और क्या, आपका जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है विदाउट टैक्स अंडर बॉन्ड, वो आप जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के टर्नओवर में ले सकते हो. पहले पुरानी प्रोविजन को समझने की कोशिश करते हैं. और ये जो 1.5 टाइम्स उन्होंने ऐड किया है, इसको हम और अलग से देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमने जो लिया था, क्या एग्जांपल लिया था समझ लो. देखिएगा, इंडिया के बाहर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप कैपिटल गुड्स इनपुट्स और इनपुट सर्विस, ओके,
आप अपने गुड्स में यूज कर रहे हो और ये गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, ये गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें तो आपको ये पता है कि यहाँ पे कैपिटल गुड्स और आई और आई एस, तो रिफंड अगर आपको मिलेगा तो वो सिर्फ आई और आई एस का ही रिफंड आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ये गुड्स में यूज कर रहे हो, इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस, ठीक है। अब मैं इसमें यहाँ पे तीन केसेस लेता हूँ, ओके। जैसे चलिए एक केस इस तरह से लेते हैं, इसको मैं फिर से ओके यहाँ इस तरह से अरेंज करता हूँ। देखिएगा केस वन, केस टू, कुछ मत लिखो, पहले मुझे लिखने दो। केस वन, केस वन में समझ लो ये आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, ये आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। एक केस हम ऐसा लेते हैं, सबसे पहले केस क्या लेते हैं कि ये एक्सपोर्टर है और ये गुड्स जो है एक्सपोर्ट कर रहा है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इसमें कैपिटल गुड्स यूज कर रहा है, इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज, जो रिफंड मिलेगा वो इसका मिलेगा। कैपिटल गुड्स के तो आईटीसी मिलेंगे, हमने बात कर ली। हाँ, तो अब देखो एग्जांपल के तौर पे केस वन में यहाँ पे ये आई और आईएस का आईटीसी जो है, और आईएस आईटीसी 1 लाख रुपीस है, आई और आईएस का आईटीसी 1 लाख है, ठीक है, आई बात समझ में। अब ये जो 1 लाख का आईटीसी इनका है आई और आईएस का, अब ये बेटा इसमें यूज हुआ है गुड्स में, और गुड्स पहला केस में विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स विदाउट बॉन्ड, ध्यान से सुनना वर्डिंग, विदाउट बॉन्ड जा रहा है, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स विदाउट बॉन्ड, और हम टैक्स दे रहे हैं बाद में रिफंड क्लेम कर लेंगे। लेकिन आपको याद होगा तो जीरो रेट में दो केस है, एक विदाउट बॉन्ड यानी आप टैक्स दे रहे हो आईजीएसटी और बाद में रिफंड क्लेम करोगे, समझ लो इसका टैक्स आ रहा है और यहाँ पे जीएसटी पेबल आ रहा है, जीएसटी पेबल आ रहा है और वो है 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है, कैपिटल गुड्स का आईटीसी समझ लो यहाँ पे 25,000 मेरे पास पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, मैंने ये पहले भी समझा है और वापस अभी समझा देता हूँ। गवर्नमेंट क्या कहती है, ये केस में रिफंड नहीं देंगे, ये केस में भाई तुम्हारा टैक्स पेबल है, सीधा सीधा क्रेडिट ले लो ना, रिफंड क्यों चाहिए आपको। ये केस में ये रिफंड का फॉर्मूला नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूं आपको कि गवर्नमेंट अपने पॉकेट से पैसा जल्दी नहीं निकालती है, बिल्कुल नहीं निकालती गवर्नमेंट अपने पॉकेट से पैसा। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है ओके आपको कोई रिफंड नहीं देगी, आपके पास 1,25,000 का आईटीसी पड़ा हुआ है, ये आप आईटीसी ले लो, ओके 1,25,000 का आईटीसी ले लो, बात को खत्म करो यहाँ पे। और बाकी पेबल जो है आपका कितना पेबल आएगा यहाँ पे, यहाँ 85,000 का आपका पेबल आएगा, ये पेमेंट कर दो, ये पेमेंट कर दो। लेकिन लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जब रिफंड आएगा तो आपको रिफंड बाद में टोटल 2 लाख का आएगा, रिफंड बाद में टोटल 2 लाख का आएगा। इस पर भी हमारी बात हो गई कि बाद में जब रिफंड आएगा 2 लाख का, तो बेटा हाँ वो आप पेमेंट 85 कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट जब बाद में, क्योंकि तुमने बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं किया था और बाद में पैसा आने के बाद सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट जितना टोटल टैक्स असेस किया था आपने, कितना टोटल टैक्स असेस किया था आपने 2 लाख, तो गवर्नमेंट आपको 2 लाख का बाद में रिफंड दे देगी। हाँ, ये स्कीम में सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये स्कीम में इनडायरेक्टली आप कैपिटल गुड्स का भी रिफंड ले रहे हो, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली नहीं, ध्यान से सुनना, इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि जब आप 2 लाख क्लेम कर रहे हो तो 2 लाख में आपका 85 भी मिल गया और आपको आईटीसी का भी रिफंड मिल गया, पर वो आईटीसी का रिफंड ये फॉर्मूला से नहीं है, मेरी बात कंफ्यूज मत होना, ये फॉर्मूला से नहीं है। वहां तुमने जो आउटपुट टैक्स असेस किया था वो आउटपुट टैक्स का रिफंड है, आई रिपीट, उसे हम एक्सपोर्ट का रिफंड कहते हैं, आपको याद आ रहा है, उसे हम एक्सपोर्ट का रिफंड कहते हैं, वो आउटपुट टैक्स का रिफंड है, ठीक है। हाँ, इनडायरेक्टली, आई रिपीट,
इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि उसमें 1,15,000 आईटीसी का भी मिल गया, पर वो डायरेक्ट आईटीसी का रिफंड नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेरी ये बात को समझना। ओके, वो 2 लाख आपके एक्सपोर्ट पर जो आईजीएसटी टोटल असेस हुआ था, वो टोटल असेस का आईजीएसटी का आपको रिफंड दिया गया। अब बस समझ लो, चलिए तो ये केस है विदाउट बॉन्ड। अब वो क्या कह रहे हैं, और आपका टर्नओवर पूरा जो है, और ध्यान से सुनिए, क्या आपने टर्नओवर जो किया, ओके यहां पे टर्नओवर जो आपने किया है वो ऐसा लेते हैं कि 2 लाख है ना, 2 लाख अप्रोक्सीमेटली आपने जो टर्नओवर किया। अब यहां जीएसटी पेबल मैंने 2 लाख लिया है, 12% का भी अगर हम रेट ले लें तो अराउंड 18 लाख, कैलकुलेट मत करना, अप्रोक्सीमेटली 18 लाख जो है आपने टर्नओवर किया है, और टर्नओवर टोटली विदाउट बॉन्ड है, तो ये मैकेनिज्म है। अब केस टू लेता हूं मैं बेटा, अब केस लू और इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। केस टू क्या है, केस टू ये है कि ये जो एक्सपोर्टर है, जो कैपिटल गुड्स इनपुट्स और इनपुट सर्विसेस, कैपिटल गुड्स इनपुट्स और इनपुट सर्विसेस यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो गुड्स बना रहा है, ये गुड्स बनाने के लिए ये यूज कर रहा है आईटीसी में, वही लोग कैपिटल गुड्स के 25,000, कैपिटल गुड्स का आईटीसी 25,000 और इनपुट्स का आईटीसी जो है बेटा यहाँ पे 1 लाख रुपए मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ, मेरी कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सॉरी, ऊपर के एग्जाम्पल में ये 75,000 आता है, ओके ये 75,000 आता है और ये 125 है, ठीक है, वॉट एवर द कंसेप्ट, ये 25 है तो ये 75,000 नेट आपका पेबल आएगा, पर आपको रिफंड पूरा 2 लाख का मिलेगा, ठीक है। अब नीचे एग्जाम्पल में यहाँ क्या किया, आपने कुछ एक्सपोर्ट, दोनों एक्सपोर्ट की है, दोनों एक्सपोर्ट की है, पर ये एक्सपोर्ट जो है आपने ये 6 लाख का एक्सपोर्ट वैल्यू, और वैल्यू समझ लो 6 लाख रुपए है, ओके, और ये 6 लाख का एक्सपोर्ट जो है आपने जो किया ये विदाउट बॉन्ड किया, विदाउट बॉन्ड किया 6 लाख का एक्सपोर्ट, और ये जो है बेटा ये यहाँ पे ये भी एक्सपोर्ट किया, लेकिन ये जो है, तो इसका टर्नओवर हमने देख लिया। अब ये जो यहाँ जो सेकेंड एक्सपोर्ट किया ये विद बॉन्ड किया, विद बॉन्ड विदाउट टैक्स, विद बॉन्ड और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं दिया, और ये टर्नओवर आपका 12 लाख का था, ये टर्नओवर आपका 12 लाख का था। अब यहां ध्यान से सुनना, ये केस में ये अब देखो, अगर आपका टर्नओवर विदाउट बॉन्ड विथ टैक्स आप टैक्स दे रहे हो तो फिर तो रिफंड का सवाल ही नहीं था, गवर्नमेंट वो केस में रिफंड देने, इनपुट के रिफंड देने को तैयार नहीं, एक्सपोर्ट के रिफंड देगी पर इनपुट के रिफंड देने को तैयार नहीं, ये बात मेरी ध्यान से सुनना, ठीक है, ये इनपुट के रिफंड तो बिल्कुल नहीं देगी, ओके। तो हमने क्या किया ऊपर के केस में, ऊपर के केस में हमने आईटीसी यूटिलाइज किया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूटिलाइज किया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के रिफंड नहीं क्लेम किए, हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूटिलाइज किया, बात थी, ठीक है, आई समझ में। अब आगे ये सिचुएशन में देखो, ये सिचुएशन में क्या है, ये सिचुएशन में अगर आपका विदाउट बॉन्ड विद टैक्स होता तो हमको रिफंड ही नहीं मिलता, लेकिन मेरा विद बॉन्ड भी है, विद बॉन्ड भी है तो अब ऐसे सिचुएशन में मुझे आय और आयस का रिफंड मिलेगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा, आय और आयस के पास मेरे पास जो क्रेडिट है उसका रिफंड मिलेगा। पर अब हमारे फॉर्मूला में जो रिफंड का फॉर्मूला है बेटा, रिफंड के फॉर्मूला में जो हमें जीरो रेटेड टर्नओवर, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर हम बाद में लेंगे, ओके एडजस्टेड मतलब के बाद में लेंगे, इनटू नेट आईटीसी, इनटू नेट आईटीसी, अब बस समझ लो। तो यहां पे हम जब ऊपर का टर्नओवर लेंगे तो वो कहती है सिर्फ ये बॉन्ड वाला लो, ये सिर्फ बॉन्ड वाला टर्नओवर लो और उतना ही प्रोपोर्शनेट रिफंड आपको दिया जाएगा, इसका तो आपको रिफंड जो है आईटीसी का रिफंड नहीं, हम अभी आईटीसी का रिफंड निकाल रहे हैं। तो हम यहां नो डाउट आपको दो रिफंड मिलेंगे, एक जो 6 लाख का टैक्स आप दे रहे हो,
6 लाख का टैक्स आप दे रहे हो, वो 6 लाख के जो भी IGST असेस होगा उसका तो रिफंड आपको मिलेगा। हम उसके बारे में कोई सवाल ही नहीं उठा रहे आपको, ये बात समझ में आ रहा है? यहां पे जो सवाल उठेगा, जो क्यों, क्योंकि यहां पे आप अब IGST का रिफंड नहीं मांग रहे हो जो एक्सपोर्ट पे, आप जो उसके ITC का रिफंड मांग रहे हो, आप मेरी बात समझ रहे हो, आप उसके ITC का रिफंड मांग रहे हो। तो आप अगर उसके ITC का रिफंड मांग रहे हो बेटा, तो फिर क्योंकि नेट ITC लिखा है, तो उससे आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर में इवन दो वो सेक्शन 16 में दोनों जीरो रेटेड बोले जाएंगे, पर इस चैप्टर के लिए यही जीरो रेटेड माना जाएगा। जब आप जीरो रेटेड का ITC, वो तो एक्सपोर्ट का रिफंड हुआ, ये जीरो रेटेड के बेस पे ITC का रिफंड मिलेगा, और यहाँ पे टर्नओवर में सिर्फ 12 लाख रुपए लिया जाएगा। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, अभी हम समझ लेते हैं 18 लाख, और 18 लाख इंटू नेट ITC, और नेट ITC 1 लाख रुपए। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आएगी, जो भी प्रोपोर्शनेट, मेरे पास अभी कैलकुलेटर यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट आएगी वो प्रपोर्शन, हाँ मिल गया मिल गया। ओके, तो कितना आ रहा है आपका, 1 लाख डिवाइडेड बाय 18 इंटू 12। ओके, तो जो भी है, तो यहाँ 66,666 यानी 66,666 का आपको रिफंड मिल जाएगा, आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, अब समझ लो यहाँ पे ये तो रिफंड हुआ, और ये प्रपोर्शनेट, ये एक्सपोर्ट का रिफंड हुआ। ठीक है, दूसरी बात बेटा मैं आपको ये कह दूँ, दूसरी बात यह है कि अब इसमें से यानी टोटल मेरे पास 1 लाख का, 1 लाख का था माइनस 66,666। ओके, ये मैं यूज रिफंड में डाल दूंगा, तो 1 लाख माइनस 66,667 भी आप ले सकते हो। ओके, तो ये 33334 प्लस 25,000, तो ये प्लस ऊपर का 25,000, यानी यहाँ पे 25,000 प्लस 33,334 यानी टोटल कितना हुआ, 58,000, और 58,334 ये आपका जो अमाउंट हुआ। अब ये जो ITC है, आप इस पे जो टैक्स आएगा, किस पे टैक्स आ रहा है, 6 लाख पे, तो 6 लाख का अगर रेट हम 12% भी पकड़े, इंटू 12%, तो 72,000 समझ लो, उसमें आप ये ITC यूज कर सकते हो, ये ITC आप उसमें भी यूज कर सकते हो, ये ITC आप डोमेस्टिक क्लियरेंस के लिए, अगर आपका समझ लो इसमें ऐड कर दो डोमेस्टिक कोई क्लियरेंस है, तो डोमेस्टिक क्लियरेंस के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो आपको मैक्सिमम रिफंड इतना ही मिलेगा। तो ये पूरे डिस्कशन में मुझे क्या समझाना है आपको, पूरे डिस्कशन में मुझे ये समझाना है आपको, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ अगर डोमेस्टिक क्लियरेंस होगा, तो अगर कोई डोमेस्टिक क्लियरेंस होगा, तो डोमेस्टिक क्लियरेंस, ओके जो भी होगा, तो वो ITC और डोमेस्टिक क्लियरेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें मुझे ये समझाना है बस आपको, कि जो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर लिया जाएगा, आई रिपीट, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर लिया जाएगा, वो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के टर्नओवर में यहाँ पे जो विदाउट बॉन्ड है विथ टैक्स, आई रिपीट, विदाउट बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, विदाउट बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जिसपे आप टैक्स दे रहे हो, वो टर्नओवर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको मैं टर्नओवर में ले लूँ, तो फिर रिफंड का अमाउंट बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट वो टर्नओवर के रिफंड तो देना ही नहीं चाहती, वो कहती है क्रेडिट ही यूज करो। ओके, और उसका जो टोटल आउटपुट टैक्स है, उसका आप रिफंड एज अ एक्सपोर्ट रिफंड बाद में क्लेम कर सकते हो, लेकिन ITC का रिफंड नहीं मिलेगा वो केस में। वो आप टोटल आउटपुट टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हो, नो डाउट, उसमें हमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि कैपिटल गुड्स का भी मिल जाता है प्रोपोर्शनेट, वो एक टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हो, आई रिपीट, टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जब मैं 2 लाख का रिफंड क्लेम कर रहा हूँ, तो ये 2 लाख में मुझे इनडायरेक्टली 1,25,000 जो मैंने ITC यूज किया वो उसका भी रिफंड मिल गया, मतलब ही मुझे कैपिटल गुड्स का भी रिफंड मिल गया। तो ये आप स्पेशल बेनिफिट वो उसमें ले सकते हो, टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन ये बेनिफिट आपको अगर अंडर बॉन्ड है, तो अंडर बॉन्ड में आपको ये बेनिफिट नहीं है बेटा। अंडर बॉन्ड में मैं आपको इतना ही कहूंगा, सॉरी, अंडर बॉन्ड में आपको बेटा जहां तक देखा जाए, तो आपको बेनिफिट आई और IS का ही है, रिफंड का, प्रोफेशनल रिफंड का आपको बेनिफिट दिया जाएगा। आई होप मेरी बात ये समझ गए होगे। तो वापस हम हमारे डिस्कशन पे आते हैं। ओके, और वो क्या कह रहे, देखो वो ये कह रहे कि जब आप जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर लोगे, तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में वही टर्न होगा जो विदाउट टैक्स है अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यानी जो बॉन्ड में किया गया या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में किया गया, वही टर्नओवर यहां कंसीडर किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड,
यस और नो? चलिए, उसके बाद में अब उन्होंने नेक्स्ट जो ऐड किया, और अब ये जो है द वैल्यू ऑफ ईच 1 पॉइंट टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय सेम और सिमिलर प्लेस सप्लायर एज डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर विच एवर इज लेस, हाँ विच एवर इज लेस, ओके वो लिया जाएगा। अब इन्होंने इस साल से जो है कैपिंग लाया, यानी नोटिफिकेशन नंबर 16/2020, ओके लर्न नहीं करना है, जैसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 16/2020 इस पे कैपिंग लाई। और यहाँ पे हमारे निर्मला सीताराम मैडम जी ने क्या किया, ओके वो तो क्या है कि जैसे उनको एडवाइस मिलती है वैसा अमेंडमेंट वो करते हैं, ओके तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ओके निर्मला जी ने ये किया कि यहाँ दोस्तों कैपिंग लेके आ गया। अब पहले मैं ये कैपिंग बता देता हूँ आपको क्यों लाया गया और इससे क्या इफेक्ट होने वाले वो मैं भी आपको बताता हूँ, इस पर हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। ओके अब वो कैपिंग देखो उन्होंने क्या लाया, कैपिंग ये लाया कि अगर आपका जो डोमेस्टिकली सप्लाइड गुड्स है, ओके आप डोमेस्टिक सप्लाई कर रहे हो और डोमेस्टिक सप्लाई के 1.5 टाइम्स से ज़्यादा आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर नहीं माना जाएगा, मतलब कैसा, मतलब हमारे एग्जांपल में हम ऐसा लेते हैं कि भाई मैं डोमेस्टिक सप्लाई भी कर रहा हूँ और डोमेस्टिक सप्लाई मैं समझ लो यार 10 लाख का कर रहा हूँ, ओके मेरा टर्नओवर डोमेस्टिक सप्लाई का 10 लाख का है, ठीक है तो ये 10 लाख जो है बेटा ये 10 लाख का 1.5% यानी यहाँ पे 1.5 टाइम्स, तो 1.5 टाइम्स अगर हम लेंगे तो 15 लाख हो जाएगा, तो आपका जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स 15 लाख से ज़्यादा नहीं माना जाएगा, मतलब यहाँ पे ये जो 12 लाख है, ध्यान से सुनना, ये 12 लाख है और ये 15 लाख है, तो विच एवर इज ले तो आपका टर्नओवर 12 लाख माना जाएगा। अब थोड़ा इस एग्जाम्पल को ऐसा लेता हूँ कि इंस्टेड ऑफ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इंस्टेड ऑफ मेरा 10 लाख यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक टर्नओवर 5 लाख ही होता, समझ लिए डोमेस्टिक टर्नओवर मेरा 5 लाख ही होता, तो 5 लाख का 1.5%, तो 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक, ओनली डोमेस्टिक लेना है तो ये जो है 7,50,000। मैंने ओनली डोमेस्टिक का मतलब क्या कहा, ओनली डोमेस्टिक का मतलब ये जो है जो विदाउट बॉन्ड विद टैक्स था वो नहीं लेना है, सिर्फ डोमेस्टिकली क्लियरेंस गुड्स वही लेना है। अब देखो ये नोटिफिकेशन अभी आया है, इस पर अब क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, ओके क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज को यहाँ पे जन्म देगा, बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज को जन्म दिया जाएगा, ओके देखो आगे क्या क्या होता है, पर अभी तो एग्जाम के हिसाब से इतना समझ लेना, आपको एग्जाम में सिंपल कैलकुलेशन करना है कि जो डोमेस्टिकली, अब मैंने आपके 3 टर्न और लिए, एक विदाउट बॉन्ड विद टैक्स, एक विद बॉन्ड विदाउट टैक्स और एक डोमेस्टिकली क्लियरेंस, तो जो डोमेस्टिकली क्लियरेंस है बेटा वो डोमेस्टिकली क्लियरेंस का 1.5 टाइम्स यानी 7,50,000, तो ये केस में आपका टर्नओवर 12 लाख नहीं माना जाएगा, ये 12 लाख नहीं माना जाएगा, ये टर्नओवर जो है 7,50,000 ये इतना ही माना जाएगा और उसके प्रोपोर्शनेट में आपको रिफंड मिलेगा। आने वाली सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्या है यहाँ पे, आने वाली सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि मैडम जी ये बताइए कि मेरा एक्चुअल टर्नओवर जो 12 लाख का है तो आप मेरा टर्नओवर क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो 7,50,000 पे, आप एक्सपोर्ट को डोमिनेट कर रहे हो, आप हमें रिफंड नहीं दे रहे हो और ये कोविड-19 के केस में पहले ही हमारा एक्सपोर्ट जो है ओके यहां पे कम हुआ है, इकोनॉमिकल सिचुएशन आपको पता है कि ये क्रिपल हो रही है, ये इकोनॉमिकल सिचुएशन पूरी डैमेज हो रही है, ओके सिचुएशन सब कुछ आपको पता है, उसमें आपने हमारा रिफंड जो है ओके ये और कम कर दिया है एक्सपोर्ट टर्नओवर को कैप लगा के, तो मैडम जी ये बताइए हमें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट गवर्नमेंट का क्या था, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट इसके पीछे ये था कि बहुत से लोग एक्सपोर्ट की वैल्यू इन्फ्लेट कर रहे थे, स्पेशली एफओबी वैल्यू, ओके एफओबी वैल्यू इन्फ्लेट कर रहे थे कि भाई ये जो एफओबी वैल्यू स्पेशली गुड्स के केस में बेटा, क्योंकि गुड्स के केस में पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए, ऐसा रिस्ट्रिक्शन कुछ ही केसेस में, सब केसेस में नहीं है, जैसे सर्विस में बहुत क्लियर है, सर्विस में है कि पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए, तो वहां गवर्नमेंट को फायदा है, क्या गवर्नमेंट को फायदा है, क्योंकि एक्सपोर्ट सर्विस का डेफिनेशन अगर आपको याद होगा तो एक्सपोर्ट सर्विस के डेफिनेशन की वन ऑफ द कंडीशन है कि भाई पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए, पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में टेकन आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया,
ये सिंपल डेफिनेशन है। अब ये सिंपल डेफिनेशन में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए सभी केस में, कंडीशंस नहीं है, कुछ लिमिटेड केसेस में है। तो क्या होता था कि लोग जानबूझ के एफओबी वैल्यू ज्यादा बताना, एक्सपोर्ट की वैल्यू इन्फ्लेट करना, और एक्सपोर्ट की वैल्यू इन्फ्लेट करके रिफंड ये रेशियो से ज्यादा क्लेम करना। इसलिए गवर्नमेंट ने कैपिंग लाई कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा आपके डोमेस्टिक क्लियरेंस का जो है 1.5 जो है उसका 1.5 यहाँ पे उसका बेनिफिट आपको देंगे, 1.5 बेनिफिट दिया जाएगा उसके टर्नओवर का, मतलब 7,50,000 यहाँ कैपिंग लगाई जाएगी। सो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि कैपिंग क्यों लगा रहे हो। दूसरे बहुत सारे सवाल उठते हैं, ओके बहुत सारे सवाल ये उठते हैं कि समझ लो मेरा कोई डोमेस्टिक क्लियरेंस ही नहीं है, फिर मेरी कैपिंग क्या होगी। आया ना सवाल आपके दिमाग में कि कोई डोमेस्टिक क्लियरेंस नहीं, मेरा एक्सपोर्ट ही है, फिर कैपिंग क्या होगी। अब भाई मैं एक्सपोर्टर हूं, कभी कभी डोमेस्टिक क्लियरेंस करता हूं, अब मेरा डोमेस्टिक क्लियरेंस बहुत कम है, ओके बहुत कम है, तो फिर क्या लिया जाएगा डोमेस्टिक क्लियरेंस। कि भाई मैं मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता हूँ और डोमेस्टिक क्लियरेंस मेरा बहुत कम रख रहा हूँ, तो फिर मेरा क्या यहाँ पे क्या मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाऊँगा 1.5 पे, सवाल तो वहीं खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ डेफिनेटली एक्सपोर्टर इसको यहाँ अपोज करेंगे, और मुझे 100% लगता है कि कोविड-19 के बाद गवर्नमेंट को ये चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं फ्यूचर में क्या चेंज होगा, लेकिन अभी कैपिंग आया है। अच्छा तो आई होप आप कैपिंग समझ गए होंगे कि एक्सपोर्ट टर्नओवर आपका जो है 1.5 टाइम से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ये बात आई समझ में आपके, 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक टर्नओवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर बेटा यहाँ पे फिर से हम हमारे डिस्कशन पे आते हैं, और वो ये कि आपने जो एक्चुअल किया या 1.5 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय सेम और सिमिलर प्लेस सप्लाई एज डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर्स, ओके विच एवर इज लेस। अब एक बात पर ध्यान लाना चाहूंगा, अगर मेरा एक्सपोर्ट नहीं है, सुनिए, अगर मेरा एक्सपोर्ट नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस लेता हूं कि मैं टोटली एक्सपोर्ट कर रहा हूं, टोटली एक्सपोर्ट कर रहा हूं, डोमेस्टिक क्लियरेंस नहीं है, तो क्या टोटल एक्सपोर्ट में क्या ये कंडीशन लगेगी क्या 1.5 टाइम्स? कोई डोमेस्टिक क्लियरेंस नहीं है, टोटल एक्सपोर्ट है, तब ये 1.5 टाइम्स की कंडीशन लगेगी क्या? सवाल अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। दूसरा यहां पे ये जो दूसरा वर्ड है सिमिलरली प्लेस, सिमिलरली प्लेस का क्या स्कोप है? क्या सिमिलरली प्लेस मतलब क्या? मतलब ऐसे कोई अदर एक्सपोर्टर जो डोमेस्टिक क्लियरेंस करते हैं सेम टर्नओवर के लेवल पे, क्या उनका डेटा कंसीडर होगा? तो सिमिलरली प्लेस भी अभी तक क्लियरली डिफाइंड नहीं है, ये भी कंट्रोवर्सी को एक्सप्लोर करेगा, ओके ये कंट्रोवर्सीज को जन्म देगा। क्योंकि बेटा मुझे ये बताओ, मैं डोमेस्टिक क्लियरेंस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा हूं, फिर क्या 1.5 का रिस्ट्रिक्शन कैपिंग जो डाला वो लगेगा कि नहीं लगेगा, पहला सवाल। चलो वो लगा भी दिया जाए, क्योंकि उन्होंने सिमिलरली प्लेस का है, और दूसरा लाइक गुड्स का है, मतलब हमारे एक्चुअल गुड्स नहीं, लाइक गुड्स, ऐसा कोई सप्लायर जो सिमिलरली प्लेस करता है उसका 1.5 टाइम्स का रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। पर बेटा उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, ओके भाई मैं जो है एक्सपोर्ट करता हूँ वो डोमेस्टिक क्लियरेंस करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, आप कैसे कंपेयर करोगे किसी और के साथ? तो इस पर कोई गाइडलाइन नहीं आई अभी तक, देखते हैं। मतलब जो सीधी सीधी बात चल रही है उसको बस थियोरेटिकली कैसे यहाँ पे वो 7-8 लोग बैठे रहते हैं, और वो 7-8 लोग जो है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो बैठे रहते हैं थ्योरेटिकली उन्होंने डाल दिया, और उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखो, ऐसा थोड़ी होगा कि भाई 8 बजे आ गए, 8:30 बजे आ गए, आज से लॉकडाउन हो गया। अरे जो इंडिया का 40-50 मिलियन जो देखा जाए तो यहाँ पे 40-50 हजार, 40-50 करोड़ हजार नहीं, 40-50 करोड़ जो है जनता जो है पुअर क्लास है, मजदूर क्लास है, उनके बारे में तो सोचो कि सडनली आप 3 घंटे में लॉकडाउन लगा रहे हो। मैं अगेंस्ट में नहीं हूं, लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी था, लेकिन एक थ्योरेटिकल पॉलिसी और एक प्रैक्टिकल में फर्क है। जो भी डिसीजन इंडिया में लिया जाए वो सिर्फ 8 लोग बैठ के नहीं, 10 लोग बैठ के नहीं, यहाँ पे कि उसका इम्पैक्ट पुअर क्लास को कैसा पड़ेगा, मजदूर क्लास को कैसा पड़ेगा, ये हमें देखना जरूरी है।
सेम थिंग यहाँ पे कि बस 7-8 लोग ने कर दिया कि भाई बोगस प्राइस बढ़ाई जा रही है, ओके 1.5 टाइम्स का रिस्ट्रिक्शन लगा दो। अरे लेकिन यहाँ जो जेन्युइन एक्सपोर्टर्स है उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये देखना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेटा देखते हैं अब वो आगे क्या है, अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। ओके, इस पे आगे क्या सर्कुलर आता है, एग्जाम के हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ तो एग्जाम के हिसाब से आपको 1.5 टाइम्स लेना है, दैट्स ऑल, और वो आपको डोमेस्टिक का टर्नओवर दे दिया जाएगा। लेकिन बेटा प्रैक्टिकल चीजें इतने 8:30 बजे 9 बजे 9:30 बजे नहीं होती है। ओके, कि हमने अनाउंस कर दिया, फिर से कह देता हूँ मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन आपने देखा है कि कैसे मजदूर क्लास, पुअर क्लास, इन इनको इम्पैक्ट पड़ा लॉकडाउन का। सो दोस्तों वॉट इट में भी देखते हैं, पर प्रॉब्लम सिंपल आएगा, डोंट वरी, ये कैपिंग आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली प्लेस भी डिफाइंड नहीं किया है, देखते हैं उसके ऊपर क्या, मेरा भी रिसर्च चालू है, अलग अलग लोग क्या कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ, अगर सिमिलर प्लेस पे कोई क्लैरिटी आती है तो मैं आपको वीडियो डाल के दे दूंगा, पर अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, अभी आपको डोमेस्टिक क्लियरेंस दे दिया जाएगा एग्जाम में और आपको उसका 1.5 टाइम्स ले लेना है चुपचाप, और आपका एक्चुअल जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड लेटर ऑफ अंडर टेकिंग और 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक टर्न और विच इज लोअर, वो आपको फॉर्मूला में पुट करना है। डन बेटा, तो ये था। ओके, आगे वो देखो क्या, अदर देन द टर्न ओवर ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड इज क्लेम अंडर सब रूल 4A और 4B, 4A 4B तो मैंने आपको लिखा के दिया है, डीम एक्सपोर्ट या पेनल्टीमेट सप्लाई या मर्चेंट एक्सपोर्टर सप्लाई, तो नो डाउट डीम एक्सपोर्ट वाला टर्नओवर या ये पेनल्टीमेट सप्लाई का टर्नओवर, ये जो है ये आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर में कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो उसका ITC भी कंसीडर नहीं कर रहे, तो 89(4A)(4B) का टर्नओवर भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैं आगे प्रॉब्लम में आपको समझाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन एक बात समझ लो ध्यान से बिल्कुल, और वो क्या, 89(4A)(4B) कहीं पे भी कंसिडर नहीं होगा अगर वो आप 4A(4B) में बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हो। 89(4A)(4A) ना ITC के लिए कंसिडर होगा, ना आपके टर्नओवर के लिए कंसिडर होगा, ना एडजस्टेड टर्नओवर के लिए कंसिडर होगा, स्पेशली फॉर गुड्स, क्योंकि 89(4A)(4B) गुड्स के लिए लगता है, जो हम थोड़ा आगे देखेंगे। इज इट क्लियर? तो ये था बेटा यहाँ पे ये कैपिंग और ये अमेंडमेंट्स, बाकी ये चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं, बस ये कैपिंग वाली अमेंडमेंट्स है, इससे ज़्यादा और कोई दूसरी अमेंडमेंट नहीं, इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो यहाँ हमारी डेफिनेशन खत्म होती है, टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, डन। टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एक मिनट, ऊपर हमने किसका टर्न ओवर देखा, गुड्स का, अब हम किसका देख रहे हैं, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ क्या, सर्विसेज, मींस द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड। हाँ, सर्विस में भी ये, जब आप न्यूमेरिकल एंड डिनोमिनेटर, ओके, तो जब आप ऊपर वाला टर्नओवर लोगे जीरो रेट वाला, तो वो ही लेना, ओके, जो क्या अंडर बॉन्ड वाला है, अंडर बॉन्ड वाला है, एंड कैलकुलेटेड इन फॉलोइंग मैनर, नेमली, ओके, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ZRSS इक्वल्स टू, पहले मैं पढ़ लेता हूं फिर आपको लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करता हूं, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ZRSS इक्वल्स टू पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, रिलेवेंट पीरियड मतलब अभी तो टैक्स पीरियड समझ लो, ठीक है, रिलेवेंट पीरियड फॉर ZRSS। हाँ, ये टर्नओवर कैसे निकाला जाएगा, नेमली, हम जैसे बोलेंगे भाई सच निकालना, नेमली का मतलब ये हुआ, कैसे, ये टैक्स पीरियड में आपको टोटल पेमेंट मिला ZRSS का, किसका पेमेंट मिला बेटा, ZRSS का, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में जो इस मंथ में टोटल मिला, प्लस ZRSS वेयर सप्लाई हैज बीन कंप्लीटेड फॉर विच पेमेंट हैड बीन रिसीव्ड इन एडवांस इन एनी पीरियड प्रायर टू रिलेवेंट पीरियड, प्लस
उसमें वो ऐड करो जो सप्लाई इस मंथ में कंप्लीट किया गया पर उसका एडवांस आपको 3-4 महीने पहले मिला होगा। इवन द एडवांस 3-4 महीने पहले मिला होगा पर वो एक्चुअल जेड आरएसएस यानी इस मंथ का जीरो रेटेड माना जाएगा क्योंकि सर्विस तो इस मंथ में कंप्लीट हुई। अरे है ना, तो एक एक मिनट, इस मंथ का टोटल पेमेंट जो मिला प्लस ऐसा कुछ पेमेंट जो पहले मिला पर सप्लाई इस मंथ में हुआ, सप्लाई इस मंथ में हुआ, माइनस, ये माइनस का साइन है, एडवांस रिसीव्ड फॉर ज्यूरेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर विच सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैज बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, सॉरी नॉट बीन कंप्लीटेड, हैज नॉट बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग क्या रिलेवेंट पीरियड, माइनस आप उस एडवांस को जो ये महीने में मिला, कम ऑन, उस एडवांस को जो ये महीने में मिला, पर उसका सप्लाई अभी होने वाला नहीं है, उसका सप्लाई आगे होने वाला है, तो उस एडवांस को डिडक्ट कर दो। सर एडवांस को डिडक्ट कर दो क्यों? क्यों? क्योंकि जो पहला वाला पॉइंट है वो कहता है सब ये मंथ के सभी पेमेंट ले लो। अब ये मंथ के सभी पेमेंट ले लो मतलब फिर उसमें एडवांस भी ले लिया आपने। फिर से एक बार जो पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि इस मंथ में जो जो भी जेड आर एस एस का मिला, जो जो भी किसका मिला जेड आर एस एस का, वो सब ले लो। अब वो सब में क्या एडवांस भी कवर हो जाएगा? वो सब में एडवांस भी कवर हो गया, ऐसा एडवांस भी कवर हो गया जिसका जेड आर एस एस अभी सप्लाई होने वाला नहीं है, जिसका जेड आर एस एस आगे सप्लाई होने वाला है। तो आप फॉर्मूला तो ऐसे ही फॉलो कर रहे हो, पहले टोटल ले लेना पेमेंट प्लस उसमें वो भी सप्लाई ऐड कर देना जिसका एडवांस पहले मिला पर अभी हुआ, पर माइनस एडवांस डिडक्ट कर देना जिसका सप्लाई अभी नहीं हो रहा है क्योंकि ये एडवांस उस मंथ का सप्लाई माना जाएगा जो मंथ में सर्विस क्या कंप्लीट होगी। तो एडवांस डिडक्ट कर देना। फॉर्मूला समझ में आया? अरे यस और नो? ओके, तो एक बार फिर से मेरे साथ, एक बार फिर से देखो आपको कुछ और डाउट्स आते हैं क्या मेरे साथ रिवाइज करने से? हाँ, इस मंथ का टोटल, अरे बोलो, इस मंथ का टोटल पेमेंट ले लो प्लस प्लस को टर्नओवर निकालने के लिए और क्या ऐड करो, प्लस जो सप्लाई इस मंथ में कंप्लीट हुआ पर उसका एडवांस पहले हुआ उसकी वैल्यू ऐड कर दो। अरे है ना, माइनस अभी क्या करो बेटा, एडवांस, क्योंकि हमने टोटल पेमेंट ले लिया था इस मंथ का इसलिए माइनस उसमें से वो एडवांस डिडक्ट कर दो जो एडवांस आगे के सप्लाई का मिला है। ये रिवाइज करते वक्त कोई डाउट आया दिमाग में? नहीं आया, आगे बढ़ो, ऐसा कुछ कि नहीं समझा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एडजस्ट, चलो ये भी हो गया। चलो ध्यान से देखो, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। अब नेक्स्ट, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, मतलब डिनोमिनेटर क्या रहेगा, तो टोटल टर्नओवर, पर टोटल टर्नओवर के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया एडजस्टेड। हाँ, लो टोटल, टोटल मतलब भाई सबका ले लो, आपने जो डोमेस्टिक किया होगा, आपने जो डोमेस्टिक किया होगा, अंडर बॉन्ड किया होगा, विदाउट बॉन्ड किया होगा, जो जो भी किया होगा सब लो, पर थोड़ा एडजस्ट करके लेना, थोड़ा एडजस्ट करके लेना। तो भाई वो कैसा एडजस्ट करके लेना, पहले तो देखते हैं एडजस्टेड टोटल टर्नओवर किस तरह से लेना है। मीन द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ ए टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 212 एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ सर्विसेस। पहली बात तो सम टोटल ऑफ, सम टोटल ऑफ मतलब ए प्लस क्या बी, आपको दो लेना है ए प्लस बी, ये समझ में आया क्या? तो पहले इसमें क्या कह रहे हैं, एक मिनट, पहले इसमें कह रहे हैं टर्नओवर इन स्टेट लो, याने आपको ये रिफंड जो मिलेगा ये स्टेट वाइज मिलेगा, यानी महाराष्ट्र का रिफंड महाराष्ट्र में ही क्लेम करना है, एमपी का रिफंड एमपी में क्लेम करना है, यानी आपके पूरे इंडिया का रिफंड एक जगह से क्लेम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और ये समझ में आया क्या, आपको स्टेट वाइज ये रिफंड क्लेम करना है, मेरी बात समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं कि जब नीचे टोटल टर्नओवर, इसका मतलब ये भी क्लियर बेटा कि जब आप एक्सपोर्ट टर्नओवर ले रहे हो, जीरो रेट सप्लाई का टर्नओवर ले रहे हो, ये भी स्टेट का ही रहेगा। अरे है ना, जब टोटल टर्नओवर स्टेट का होगा तो ये भी बेटा स्टेट का ही होगा,
नेट आईटीसी स्टेट का ही होगा। अब और स्टेट का क्या, मैं तो आपके धीरे धीरे बता दूंगा, रजिस्ट्रेशन वाइज होता है ये। रजिस्ट्रेशन वाइज मतलब अगर आपके महाराष्ट्र में दो रजिस्ट्रेशन है तो दोनों के अलग अलग टर्न और लेना पड़ेगा आपको। मेरी बात समझे क्या? ओके, पर इसके ऊपर अभी एक क्लैरिफिकेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट स्ट्रीमलाइन कर रही है प्रोसेस कि इवन दो रजिस्ट्रेशन हो गए पर आप कंबाइंड रिफंड क्लेम कर सकते हो। ओके, इस पे जीएसटी काउंसिल में मीटिंग हुआ है, पर वो सेम स्टेट होना चाहिए, सेम स्टेट होना चाहिए, पर देखते हैं आगे। क्योंकि प्रैक्टिकल मुश्किल ये है कि अगर दो रजिस्ट्रेशन है तो दोनों के जीएसटी अलग हो गए, दोनों के कॉमन पोर्टल के अकाउंट अलग हो गए, दोनों के यूज़र आईडी पासवर्ड अलग होगा, दोनों के क्लेम प्रोसीजर अलग होगी, दो रजिस्ट्रेशन रहे, वॉट एवर इट में भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ क्या था टर्न ऑन इन स्टेट का डेफिनेशन? बहुत पुरानी बात है, हम कंपोजिशंस के पढ़ रहे थे जिसमें दो डेफिनेशन आई थी, एक आई थी एग्रीगेट टर्न और दूसरी आई थी टर्न ऑन इन स्टेट। कुछ याद आ रही है वो? अच्छा याद आ रही है तो बोलाओ क्या था। ऑल टैक्सेबल सप्लाई, वो गुड्स के हो या सर्विस के, प्लस क्या एग्जम सप्लाई। एग्जम सप्लाई के तीन सप्लाई बताओ, कौन से तीन सप्लाई एग्जम के? वोनली एग्जम्प्टेड, नील रेट एंड नॉन टैक्सेबल, प्लस क्या बेटा एक्सपोर्ट सप्लाई, प्लस इंटरस्टेट सप्लाई। कुछ याद आया? तो वो टर्न ओवर इन स्टेट आपको लेना पड़ेगा। पर जब आप टर्न ओवर इन स्टेट लोगे अंडर क्लॉज ए, अंडर क्लॉज ए, तो उसमें सर्विस कंसिडर नहीं करोगे ए के लिए। इवन दो टर्न ओवर इन स्टेट की डेफिनेशन कहती है ऑल टैक्सेबल सप्लाई, इवन दो टर्न ओवर इन डेफिनेशन कहती है क्या ऑल टैक्सेबल सप्लाई, पर आप सर्विस के नहीं लोगे। सर्विस के नहीं लोगे तो फिर किसके लेंगे भाई? गुड्स के लेंगे ए में। और बी, अच्छा ये ए और बी अलग है या दोनों ऐड करना है आपको? दोनों ऐड करना है क्योंकि सब आप बोला है, ठीक है। बी, टर्नओवर ऑफ जीरो रिलेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हाँ, क्योंकि क्या किया उन्होंने, ए से सर्विस को हटा के बी उसके लिए स्पेशल क्लॉज बनाया। सुनो, एक क्लॉज से किसको हटा दिया? सर्विस को, और बी में उसको स्पेशल में दिया। नो डाउट लेने तो आपको गुड्स प्लस सर्विस के दोनों के है क्योंकि ए प्लस बी लेना है आपको। क्या ए प्लस बी लेना है? मतलब इमेजिन करो, देखो मैं तीन केस लेता हूं। आप एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो आपको ए ही लगेगा, बी तो लगेगा ही नहीं क्योंकि बी सप्लाई ऑफ सर्विस का है। अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो तो आपको बी लगेगा, ए तो लगेगा ही नहीं। पर अगर आप दोनों हो, दोनों मतलब गुड्स प्लस सर्विसेज के हो, तो आपको फिर दोनों का सम लेना है। क्लॉज ए में सिर्फ आपका गुड्स का टर्न ओवर इन स्टेट लेना है, यानी ये टर्न ओवर इन स्टेट वाला कंसेप्ट सिर्फ गुड्स के लिए लगाना। अब सर गुड्स के लिए लगाना मतलब गुड्स का टैक्सेबल, गुड्स का एग्जम, गुड्स का नील रेट, अरे है ना, गुड्स का एक्सपोर्ट, गुड्स का इंटरस्टेट। मेरी बात समझे क्या? गुड्स का और सर्विस का, वो सर्विस के लिए कह रहे कि रुको, सर्विस के लिए हम टर्न ओवर इन स्टेट वर्ड यूज नहीं कर रहे। जब आप टोटल टर्न ओवर लोगे तो हम सर्विस के लिए टर्न ओवर इन स्टेट नहीं यूज कर रहे, हम सर्विस के लिए क्या यूज कर रहे हैं? देखो, टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ क्लॉज डी अब एंड नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब जब आप सर्विस का टोटल लोगे, सर्विस का टोटल, तो जीरो रेटेड सप्लाई जो हमने यहां डिफाइन किया है, जीरो रेटेड सप्लाई जो हमने क्या डी में डिफाइन किया, प्लस क्या बेटा, प्लस नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। सर नहीं समझा, चलो नहीं, पहले शब्दों का जाल समझ लेते फिर मैं आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड। वो कह रहे हैं जब टोटल टर्नओवर आप निकालोगे तो गुड्स के लिए टर्नओवर इन स्टेट के प्रिंसिपल पे चलना। गुड्स के लिए क्या? टर्नओवर इन स्टेट के प्रिंसिपल पे चलना, मतलब आपको टैक्सेबल, एग्जम, एक्सपोर्ट एंड इंटरस्टेट बोले। पर सर्विस के लिए आप टर्न ओवर इन स्टेट के डेफिनेशन पे नहीं चलोगे। सर्विस के लिए जब आप टोटल लोगे तो टोटल लेते वक्त आप नए प्रिंसिपल, नया पैटर्न देते हैं, कौन सा, तो जीरो रेटेड और नॉन जीरो रेटेड को सर्विस में क्लासिफाई करोगे और जीरो रेटेड और नॉन जीरो रेटेड टोटल ऐड करोगे, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ, वो जाने दो, बैकग्राउंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में लूंगा, पहले तो शब्दों का जाल समझ में आया।
ए किसको एप्लीकेबल है? गुड्स को, और बी सर्विस को, ठीक है। तो इस तरह से आपका टोटल टर्नओवर लिया जाएगा, हाँ एक्सक्लूडिंग। और जो आपने टोटल टर्नओवर लिया, मैं समझाता हूं थोड़ा रुक जाना, उसमें से क्या क्या एक्सक्लूड किया जाएगा? वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई। अरे सर एग्जाम सप्लाई क्यों? क्योंकि आपने जब टर्नओवर इन स्टेट लिया होगा तो टर्नओवर इन स्टेट में एग्जाम सप्लाई भी ऐड कर दिया होगा, तो वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई। अरे वाह मजा आ गया। पर वही एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड करना है जो जीरो रेट में नहीं आता है। पर अगर आपका एग्जाम सप्लाई ऑलरेडी जीरो रेट में आता है तो उसको एक्सक्लूड मत करना। है ना शब्दों का जाल, है ना शब्दों का जाल। अच्छा क्या समझा मैंने, क्या बोला वो सर? हमें जीरो जीरो रेटेड ही समझ में आ रहा है, बस उसके ज्यादा ओवर से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, इतना तो समझ गया, आपको एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्यों एक्सक्लूड करना पड़ेगा? क्योंकि आपके टर्न ओवर इन स्टेट में ऐड हो गया होगा वो। तो जब आप टोटल लोगे तो एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड करोगे, पर वो एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड नहीं करोगे जो जीरो रेटेड है। अब मैं आपको याद दिला दूं, नहीं याद होगा आज जाके घर पे पढ़ना, सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट सबसेक्शन 2, सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट सबसेक्शन 2 जीरो रेट सप्लाई। आपके पास अभी नोट्स होगी तो आप देख सकते हो। वो कहता है कि अगर आपका सप्लाई ऑलरेडी एग्जम्प्ट है, ऑलरेडी क्या एग्जम्प्ट है, पर आपने एक्सपोर्ट किया है, पर आपने क्या एक्सपोर्ट किया है, तो उसे एग्जम्प्ट नहीं जीरो रेट का स्टेटस मिलता है। और बताओ जीरो रेट का स्टेटस मिलते ही आपको आईटीसी मिल जाते हैं, रिफंड मिल जाते हैं। एक मिनट, आपका अगर कोई एग्जिस्टिंग सप्लाई एग्जम्प्ट होगा पर वो एग्जिस्टिंग सप्लाई आपने क्या किया एक्सपोर्ट, तो अब उसे एग्जम्प्ट नहीं माना जाएगा, उसे क्या मान लिया जाएगा जीरो रेट। और जैसे उसको जीरो रेट मान लिया जाएगा, सुनो कुछ याद आ रहा है आपको, नहीं तो पढ़ के आना, मैंने लिखा के दिया है नोट। अगर उसको जीरो रेट मान लिया तो जीरो रेट मानते ही बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। क्या बेनिफिट मिल जाते हैं? अगर हम उसको एग्जाम बोले तो आईटीसी ब्लॉक होता है, कुछ याद आया क्या? एग्जाम बोले तो रिफंड नहीं मिलता है, लेकिन अगर उसको जीरो रेट मिल बोले तो आईटीसी पूरा मिलता है। ये समझ में आया कि आईटीसी भी मिलता है और रिफंड भी मिलता है उसको जीरो रेट बोला तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे आप एग्जाम को एक्सक्लूड करो, पर उस एग्जाम को एक्सक्लूड मत करना जिसको हमने जीरो रेट का स्टेटस दिया है। आप एग्जाम को एक्सक्लूड करो पर उस एग्जाम को एक्सक्लूड मत करना जिसे हमने जीरो रेट का स्टेटस दिया है। जीरो रेट का स्टेटस कब दिया होगा? जब वो एक्सपोर्ट हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, टर्नओवर ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंड इज क्लेम अंडर 89(4)A और 89(4)B। हाँ अगर आपके कुछ टर्नओवर 89(4)A(4)B का होगा तो वो भी वो निकाल देना, वो टोटल टर्नओवर में भी नहीं लिया जाता है। तो देखो एक बार समझ लो, 89(4)A(4)B ना नेट आईटीसी में लिया जाता है, 89(4)A(4)B आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर में भी नहीं लिया जाता है, और 89(4)A(4)B आपके टोटल टर्नओवर में भी नहीं लिया जाता है। सर तभी समझा दो ना, ये ऐसा क्यों किया सर्विस के लिए? ये अमेंडमेंट थी, सर्विस के लिए ऐसा क्यों किया? जैसे गुड्स के लिए कितना सिंपल दिया टर्नओवर इन स्टेट, पर सर्विस के लिए बी क्लॉज में ऐसा क्यों किया उन्होंने कि जीरो रेटेड और नॉन जीरो रेटेड? अब मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ, नहीं समझा तो भी डोंट वरी, मैं रिवाइज करूँगा। मुझे पता है क्लास का एंडिंग है तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और कंसेप्ट थोड़े यहाँ पे क्रिटिकल है, ध्यान से सुनना। जीरो रेटेड सप्लाई और नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, आप अगर लेमैन हो और अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसके बेस पे क्या कहोगे? जीरो रेटेड सप्लाई मतलब कौन कौन से? जीरो रेटेड सप्लाई मतलब कौन से? एक एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड, अरे यस और नो, दूसरा एक्सपोर्ट विदाउट, विदाउट क्या बेटा? बॉन्ड। तीसरा सप्लाई टू क्या? SEZ यूनिट्स,
और डेवलपर्स, एसईजेड यूनिट और डेवलपर्स, ठीक है, इतने जीरो रेट में आएगा। अच्छा, तो एक लेमन लैंग्वेज में बोलो नॉन जीरो रेटेड क्या क्या होता है फिर, इसको छोड़ के बाकी सब। अरे है ना, इसको छोड़ के बाकी सब मतलब ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल टैक्सेबल सप्लाई इन डोमेस्टिक मार्केट, अरे यस और नो, ऑल एग्जम सप्लाई, एग्जम सप्लाई, ऑल नील रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, उसके बाद में ऑल क्या नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और नेक्स्ट क्या बेटा बोलो ना, इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, ये नॉन जीरो रेटेड में आ गया। ये किस में आ गया बेटा, नॉन जीरो रेटेड। अब मैं इसका थोड़ा फॉर्मेटिंग, कुछ नहीं यार, कंफ्यूज किया आपको, कुछ नहीं किया, ये जीरो रेटेड और नॉन जीरो रेटेड मतलब बाकी सब, क्योंकि नॉन जीरो रेटेड की डेफिनेशन उन्होंने नहीं दी है, नॉन जीरो रेटेड की डेफिनेशन नहीं दी है, तो फिर जनरल मीनिंग ये आएगा कि अगर जीरो रेटेड इन तीनों को बोलेंगे तो बाकी सब सप्लाई नॉन जीरो रेटेड हुए। अच्छा, टर्न ऑन इन स्टेट की डेफिनेशन क्या थी, ध्यान से देखना, टर्न ऑन इन स्टेट की डेफिनेशन क्या थी, ठीक है, क्या थी टर्न ऑन इन स्टेट की डेफिनेशन, ऑल टैक्सेबल सप्लाई, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ऑल टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस, ऑल टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस, दूसरा क्या था, एग्जम सप्लाई, एग्जम सप्लाई, ठीक है, एग्जम सप्लाई में क्या क्या आएगा, ओनली एग्जम, प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा बेटा, कल सॉल्व करवाऊंगा, पहले आज कंसेप्चुअली समझ लो, एग्जम सप्लाई, दूसरा क्या आएगा, नील रेट, तीसरा क्या आएगा, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, चौथा, चौथा क्या बेटा, एक्सपोर्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट में अब मैं तीन सप्लाई लिखता हूँ, कौन सा तीन सप्लाई लिखता हूँ, एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड, अंडर बॉन्ड, उसके बाद में विदाउट बॉन्ड, विदाउट बॉन्ड, और तीसरा एसईजेड, एसईजेड वाला, मैं बहुत टेक्निकली डिटेल में जा रहा हूँ, इसलिए पूरा 100% अटेंशन देना, नहीं तो मिस कर दोगे आप मैं जो क्या कह रहा चाहता हूँ, एक्सपोर्ट एसईजेड, और लास्ट में इंटरस्टेट, इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। अच्छा, अभी अभी हमें ये तो सब टर्न, गुड्स के लिए तो सीधी बात है, गुड्स के लिए हमको सीधा सीधा क्या लेना है, टर्न ओवर इन स्टेट, टर्न ओवर इन स्टेट में ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ओके, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, और ये भी लेना है, ये पूरा गुड्स का टर्न ओवर इन स्टेट लेना है, यहाँ तो कोई दिक्कत, अरे येस और नो, लेस, लेस हमें, मैं एक फॉर्मेट लिखा के देता हूँ आपको, लेस हमें क्या क्या लेस करना है, एग्जम सप्लाई जो जीरो रेट नहीं है, एग्जम सप्लाई, एग्जम सप्लाई मतलब तीन, कौन से तीन, वोली एग्जम, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल, जो जीरो रेट नहीं है, दूसरा क्या डिडक्ट करना है, 89(4A) and 89(4B), ठीक है, ये डिडक्ट करना है, ये तो गुड्स का हुआ, सर्विस का, अच्छा सर्विस का उन्होंने टर्न ऑन इन स्टेट बोला या जीरो रेटेड नॉन जीरो रेटेड बोला, जीरो रेटेड नॉन जीरो रेटेड बोला। अच्छा, आपसे पूछना चाहता हूं, पहला सप्लाई क्या मैं नॉन जीरो रेटेड बोलू, अरे आया ना, पहला सप्लाई क्या मैं नॉन जीरो रेटेड बोलू, अरे अभी अभी तो हमने पढ़ा यार, अरे आया ना, तो क्या पहले सप्लाई को नॉन जीरो रेटेड बोलू, नॉन जीरो रेटेड, पहले स्टेटस कर लेते नॉन जीरो रेटेड, उसके बाद में क्या ये तीनों सप्लाई को नॉन जीरो रेटेड बोलो, यस और नो, नॉन जीरो रेटेड। अच्छा,
ये एक्सपोर्ट को क्या बोलूं, ये तो जीरो रेट में आएगा ना, एक्सपोर्ट किस में आएगा, जीरो रेट में। अरे ऊपर अभी तो क्लासिफाई किया था मैंने, एक्सपोर्ट किस में आएगा, जीरो रेट में आएगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट जीरो रेट में, और इंटरेस्ट रेट नॉन जीरो रेट में आएगा, नॉन जीरो रेट में आएगा। ठीक है, मतलब अब सर्विस का लेते वक्त क्या कहते हैं वो, हाँ ध्यान सुनना, सर्विस का लेते वक्त वो ये कह रहे हैं कि टेक अ सम ऑफ जीरो रेट सप्लाई एज पर क्लॉज डी। क्या कहा उन्होंने, पढ़ो 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 पढ़ो, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं पढ़ो, क्या बोला उन्होंने, हमें सर्विस का टर्नओवर लेते वक्त द टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ क्लॉज डी। पढ़ो डी, डी क्या है, डी है क्या, नहीं नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, पर मेरे साथ स्टेप्स तो फॉलो करो, साथ में हम डेवलप करते हैं कि क्या चालू है, ऐसा समझ लो मुझे भी नहीं पता, मिलकर डिसाइड करते हैं। ठीक है, डी में बताओ, वो कहते हैं जीरो रेट सप्लाई लेते वक्त वही जीरो रेट सप्लाई लेना जो क्लॉज डी में है। अच्छा, क्लॉज डी का सप्लाई मतलब वो सप्लाई जो अंडर बॉन्ड है, वो सप्लाई जो अंडर बॉन्ड है, और इस फॉर्मूला से आया है। इन शॉर्ट मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि वो जो है एक्सपोर्ट के जो तीन सप्लाई होते हैं, कम ऑन, एक्सपोर्ट के जो तीन सप्लाई होते हैं, इसमें से वो सर्विस के लिए इसको जीरो रेट बोलना चाहते हैं, इसको जीरो रेट बोलना चाहते हैं, लेकिन जो विदाउट बॉन्ड है, सुनो ना यार, जो विदाउट बॉन्ड है उसको जीरो रेट, वो एक मिनट, जो विदाउट बॉन्ड वाला है वो क्लॉज डी के हिसाब से जीरो रेट है क्या, नहीं, मतलब ये नॉन जीरो रेटेड हुआ, ये नॉन जीरो सर्विस के लिए नॉन जीरो रेटेड हुआ। एक मिनट, एक मिनट, गुड्स के लिए, ध्यान से सुनना, गुड्स के लिए तो सीधा सीधा टर्नओवर इन स्टेट है, टेंशन ही नहीं है, पर सर्विस के लिए ये जो आपके टर्नओवर है इसको क्लासिफाई करना है जीरो रेटेड एंड नॉन जीरो रेटेड, पर जीरो रेट से वही लेना है जो क्लॉज डी के हिसाब से, क्लॉज डी के हिसाब से जीरो रेट आपका अंडर बॉन्ड एंड एसईजेड वाला ही आएगा। अरे आया ना, एसईजेड अंडर बॉन्ड, आपका विदाउट बॉन्ड वाला जीरो रेटेड नहीं आएगा। सिंपल कहो क्या, वर्ड शब्दों की जान में मत फंसना, बस इतना ही है। गुड्स का लेते वक्त टोटल ले लेना, सर्विस का लेते वक्त भी टोटल लेना, एक्सेप्ट विदाउट बॉन्ड वाला उसमें से डिडक्ट कर देना। एक मिनट, ये विदाउट बॉन्ड वाला भी जीरो रेट है, ये भी जीरो रेट है, बट नॉट कवर्ड इन क्लॉज डी, नॉट कवर्ड इन क्लॉज क्या डी, ऐसा लिख, ये ज्यादा बेटर है समझने में, मतलब है तो वो भी जीरो रेट एज पर सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, एज पर 16 ऑफ क्या आईजीएसटी एक्ट, है तो वो भी जीरो रेट, पर हमें जीरो रेट वाला सिर्फ वो इस लेना है जो क्लॉज डी का है, मतलब सर्विस के इसमें आपको सर्विस का टर्नओवर लेते वक्त आपको लेना पूरा ही है, लेना क्या पूरा ही है, मतलब ये नॉन जीरो रेटेड लेना है, ये नॉन जीरो रेटेड लेना है, ये जीरो रेट लेना है, ये जीरो रेट लेना है, ये नॉन जीरो रेट लेना है, लेना आपको पूरा ही है, सिर्फ एक इसको छोड़ना है, किसको छोड़ना है बेटा, अंडर सॉरी विदाउट बॉन्ड वाला, क्योंकि वो ऐसा वो नॉन जीरो रेटेड भी नहीं है, वो है जीरो रेट ही, कम ऑन, वो है जीरो रेट ही, बट क्या क्लॉज डी का नहीं है। मतलब थोड़ा और सिंपल करता हूं, सुनो सुनो, सर्विस का लेते वक्त आप सिर्फ जीरो रेट में क्लॉज डी वाला ही जीरो रेट लेना और बाकी सब नॉन जीरो रेटेड लेना, मतलब जो विदाउट बॉन्ड वाला है, विदाउट बॉन्ड वाला आपके टोटल टर्नओवर में ऐड नहीं किया जाएगा, स्पेशली सर्विस में, गुड्स में होगा पर सर्विस में ऐड नहीं होगा। ये अमेंडमेंट ओके जो हुई, अब सुनो, आप सप्लायर ऑफ गुड्स, पहले तो मुझे आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ओके, या थोड़ा और सिंपल कर देता हूं, गुड्स में भी आपको टर्नओवर इन स्टेट लेना है, सर्विस में भी आपको वही लेना है, सिर्फ आपको एक आइटम नहीं लेना है, बताओ कौन सा आइटम नहीं लेना है, विदाउट बॉन्ड वाला टोटल में, ओके, क्यों नहीं लेना है बेटा, मैं इसका इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, इससे बेस्ट आपको कोई नहीं दे पाएगा क्योंकि नॉन जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन नहीं दी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो उन्होंने क्या किया, अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, आप कौन हो बेटा, सप्लायर ऑफ गुड्स हो, तो आपने, सुनो,
आपने गुड्स या सर्विसेज तीन टाइप के सप्लाई किए होंगे, या मैंने एग्जांपल लिया है ऊपर वही ले लेता हूँ, एग्जाम्पल कहाँ गया हुआ? हाँ, आपने सुनो, अगर आप गुड्स के सप्लायर हो, गुड्स के सप्लायर हो तो आप 89-4A तो नहीं चलोगे क्योंकि वो एक्सक्लूड करने को बोला है। तो देखो, आप जब आपका एडजस्टेड, सुनो, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर गुड्स का निकालोगे और अज्यूम करना है सब गुड्स का है, तो आप क्या करोगे, 10 लाख प्लस विदाउट बॉन्ड वाला भी लोगे गुड्स के केस में, 40 लाख प्लस 60 लाख प्लस 50 लाख, कितना हुआ टोटल? टोटल कितना हुआ? 160। टोटल 160 हुआ, माइनस आपको 89-4A वाला डिडक्ट कर देना है, डिडक्ट मतलब 10 लाख डिडक्ट कर देना है। ये समझ में आया ना? नेट है ना, इसमें आप विदाउट बॉन्ड वाला भी लोगे, ये समझ में आया क्या? पर अगर आप सर्विस वाले हो, कम ऑन, अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस वाले हो तो आप ओके यहां पे विदाउट बॉन्ड वाला कंसिडर नहीं करोगे, मतलब आपका टर्न होगा 60 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 50, यानी कितना हुआ? 120 हुआ ना, 120 माइनस 10, यानी नेट कितना हुआ? 110। नेट क्यों हुआ? 110। इन शॉर्ट, आप अपना जब टोटल टर्नओवर निकालोगे तो गुड्स वाले का और सर्विस वाले का, उन्होंने कहा गुड्स वाले में विदाउट बॉन्ड भी ले लेना पर सर्विस वाले में विदाउट बॉन्ड नहीं लेना। What is the logic? Okay, see, if you increase the denominator, here, यहाँ पे numerator and denominator, okay, here in case of goods, your denominator is 150, that means your ratio of net ITC is less. नहीं समझे? नहीं समझे? थोड़ा मैं समझा देता हूँ। Okay, समझ लो, यहाँ पे 7 लाख रुपए का आपका IOIS का ITC है, नेट ITC, ओके, और आपका टर्नओवर आ रहा है एक्सपोर्ट टर्नओवर। चलो एक एक चीज फॉर्मूला में डालो, एक एक गुड्स, अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो गए, अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो गए तो एक एक चीज फॉर्मूला, ओके, एक्सपोर्ट, सॉरी, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इंटू नेट ITC, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ के बताना, नेट ITC कितना हुआ आपका? नेट ITC कितना हुआ? 7 लाख। अच्छा, टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, बताओ डेफिनेशन पढ़ के, टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या लेना? गुड्स, हाँ, टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या लेना? ओनली बॉन्ड वाला लेना। अच्छा, बॉन्ड वाला कितना था? 60, हाँ लेता 60, लेकिन डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टर्न ओवर, डिवाइडेड बाय क्या? एडजस्टेड टोटल टर्न ओवर। अच्छा, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर वाला गुड्स का क्लॉज ए में आता है, क्लॉज ए में क्या लेना? टर्नओवर इन स्टेट लेना। अरे है ना, क्लॉज ए, टर्नओवर इन क्या? स्टेट। टर्नओवर इन स्टेट में क्या सब कुछ ऐड हो जाएगा एक्सेप्ट क्या? 89-4A, 89-4A का डिडक्शन मिलेगा ना, मतलब उसका कितना हो गया बेटा? 40 प्लस 60 प्लस 50, यानी कितना हुआ? 150। यस और नो? तो लो कैलकुलेटर, कितना है आपका ITC? अगर मैं डिवाइड करूं 150 से, पहले मुझे बताओ 150 कैसे आया, समझ में आया? मैं टर्न ओवर इन स्टेट लेना है, एक्सेप्ट 89-4A, तो 150 कितना है आपका नेट ITC? 2.8 लाख, ठीक है। पर अगर यही सप्लायर ऑफ सर्विस है, तो यही अगर सप्लायर ऑफ सर्विस है तो टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड ZRSS डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट ITC। अच्छा, नेट ITC, तो अब नेट ITC आप जो लोगे वो तो आपका 7 लाख आएगा, ये समझ में आया? अच्छा, ZRSS समझ लो आपका, अज्यूम करना ZRSS आपका अच्छा, ZRSS में अंडर बॉन्ड वाला ही बोला उन्होंने, अंडर बॉन्ड वाला बोला, तो अंडर बॉन्ड वाला कितना है मेरा? 60 लाख। अंडर वो फॉर्मूला से आया समझ लो, टोटल पेमेंट रिसीव्ड प्लस कंप्लीशन ऑफ सर्विस माइनस एडवांस, अरे आया ना, कितना है मेरा? 60। पर डिवाइडेड बाय, यहां पे जब आप टोटल टर्नओवर सर्विस वाले का निकालोगे एडजस्टेड, तो आपको टर्नओवर इन स्टेट नहीं लेना है, आपको क्या लेना है? जीरो रेटेड एज पर क्लॉज डी, मतलब अंडर बॉन्ड
अरे है ना, प्लस नॉन जीरो रेटेड। नॉन जीरो रेटेड मतलब बाकी सब, मतलब आपको एक टर्न और नहीं लेना है। कौन सा टर्न और नहीं लेना है? विदाउट बॉन्ड वाला। अब विदाउट बॉन्ड वाला है मतलब कितना हो गया बेटा, 110। ये 110 कहां से आप बताए क्या, कैसे? मैं विदाउट बॉन्ड वाला अगर छोड़ दू तो विदाउट बॉन्ड वाला 40 लाख छोड़ दिया मैंने, तो तुम्हारा 60 प्लस 50, यस और नो? तो कितना हुआ, 110। अब ये बेटा 110 जो हुआ, ओके, तो तुम्हारा आईटी से कितना है? आईटी से बताओ कितना है, 2.3.8। तो बताओ गुड्स वाले को कितना आया था, सप्लायर ऑफ गुड्स वाले को कितना आया था, 2.8, और सर्विस वाले को कितना आया, 3.8। मतलब ये हुआ बेटा कि डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो आपका आईटीसी रिफंड रेशियो कम हो जाता है, पर डिनोमिनेटर कम हो जाता है तो आपका बढ़ जाता है। इन शॉर्ट कुछ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, ये अमेंडमेंट लास्ट फाइनेंस सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सर्विस प्रोवाइडर को बेनिफिट दे रहा है, ज्यादा रिफंड दे रहा है। क्यों ज्यादा रिफंड दे रहे हैं? क्योंकि उनका विदाउट बॉन्ड वाला उन्होंने कट कर दिया है, वो मतलब टोटल में, जैसे ही वो नहीं लिया आपने टोटल में, इनका रिफंड बढ़ गया और गुड्स वालों को ये बेनिफिट नहीं दे रहे। ये बेनिफिट सिर्फ किसको दे रहे हैं, सर्विस वालों। इससे ज्यादा अभी तक रिफंड, इसका रीजन मुझे नहीं समझ में आया, बस इतना ही समझ में आया कि सर्विस वालों को ज्यादा दिया है। एक बार फिर से नौ जीरो रेटेड और नॉन जीरो रेटेड मतलब क्या? जीरो रेटेड में तीन सप्लाई आते हैं, बताओ कौन से तीन सप्लाई आते हैं जीरो रेटेड में, विद बॉन्ड, विदाउट बॉन्ड, एससी से। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि सर्विस का जीरो रेटेड लोग है, किसका जीरो रेटेड लोग है, सर्विस का, तो सिर्फ क्लॉज डी वाला लेना, मतलब जो क्लॉज डी में जीरो रेटेड नहीं आता है। कौन नहीं आता है? विदाउट बॉन्ड वाला, इवन दो वो जीरो रेटेड होगा पर उसको नहीं लेना। यानी जीरो रेटेड में सिर्फ क्लॉज डी वाला लेना और बाकी सब नॉन जीरो रेटेड लेना। बाकी सब नॉन जीरो रेटेड मतलब जो हमारा टेबल है, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो तो दोनों में कुछ नहीं प्रॉब्लम में, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। ओके, लॉजिक के पीछे बस इससे ज़्यादा दूसरा लॉजिक है नहीं। आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, कौन सा पॉइंट याद रखना है, कि गुड्स में पूरा ले लेना है और सर्विस में एक को छोड़ देना है। एक किसको छोड़ देना है? विदाउट बॉन्ड। बस इससे ज़्यादा दिमाग मैं नहीं कहूँगा कि लगा, ठीक है? क्योंकि फिर तो तुम्हारा अगर दिमाग चला तो फिर ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न होगा, ठीक है? तो अब ये फॉर्मेट जो है आप लिख लो, जो मैंने फॉर्मेट यहाँ बना के दिया। नेक्स्ट कुछ ब्लैंक पेज मिलेगा आपको उसके बाद है ना? हाँ, वो है, क्या पेज नंबर है? हाँ, नेक्स्ट ब्लैंक पेज मिलेगा आपको, पूरा ब्लैंक पेज मिलेगा, वहाँ पे निकालो, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टर्नओवर ऐसा लिखना, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ऑल टैक्सेबल सप्लाई गुड्स के लेना है और सर्विस के सप्लाई को नॉन जीरो रेट बोला जाएगा वो भी लेना है, राइट? मतलब लेना है, ठीक है? एग्जम सप्लाई में ओनली एग्जम नील रेट नॉन टैक्सेबल, देखो मैं यहाँ ले के नीचे डिडक्ट करूँगा। अच्छा, कोई बता सकता है ये लॉजिक ले के क्यों डिडक्ट कर रहे हैं सर? क्योंकि हम पहले पूरे एग्जाम के लेंगे और डिडक्ट करते वक्त सिर्फ वही एग्जाम के डिडक्ट करेंगे जो जीरो रेट में नहीं आते। नहीं समझ में आया, ठीक है? अच्छा, जाने दो, ले के डिडक्ट करना, क्या करना, लेकर नीचे डिडक्ट करना। नहीं तो मैं कैसे समझाऊँ अब इसको, क्योंकि इसका कोई सिंपल रास्ता नहीं है समझाने का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स डाल के रखे हमने।
नॉन जीरो रेटेड, ये तीनों लेना है। एक स्पोर्ट में आपको तीन लिखना है, एक्सपोर्ट में आपको तीन लिखना है, अंडर बॉन्ड, विदाउट बॉन्ड, एसईजेड। इसमें गुड्स के लिए तीनों लेना है, पर सर्विस के लिए ये लेना है, ये नहीं लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस में वो जीरो रेटेड जो नॉट कवर्ड बाय क्लॉज डी, नॉट कवर्ड बाय क्लॉज डी, ये नहीं लेना है, पर एसईजेड वाला लेना है। और ये भी लेना है, यहां लिखना है, ये हुआ टर्न ओवर इन स्टेट, गुड्स के लिए टर्न ओवर इन स्टेट, और सर्विस के लिए ये क्लॉज ए का, और सर्विस के लिए क्लॉज बी का, जीरो रेटेड, जीरो रेटेड सप्लाई एज पर क्लॉज डी प्लस नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, ये टोटल आई। लेस वन, क्या लेस करना है बेटा, एग्जम सप्लाई एक्सेप्ट एक्सेप्ट सच सप्लाई विच इज एग्जम बट अंडर जीरो रेट, बट अंडर क्या बेटा, जीरो रेट। एग्जम सप्लाई में तीनों सप्लाई एग्जम डिडक्ट हो गए, वोली एग्जम, नील रेट एंड नॉन टैक्सेबल, तीनों डिडक्ट हो जाएंगे। और सेकंड, सेकंड क्या बेटा, सप्लाई अंडर 89(4)A(4)B, सेकंड सप्लाई अंडर 89(4)A and 89(4)B। डन, चलो आज यहीं रुकते हैं, इस पर का प्रॉब्लम और आगे का डिस्कशन कल कवर कर रहे हैं। अब तो एक ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन रह गया, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, बात की तो प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर इतनी काम की नहीं है, पर हाँ आपके लिए मैं कहूँगा कि एक स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन करके लाइए, एक टेबल जो है, हाँ टेबल का फॉर्मेट अगर आपको देखना है तो www.vsmartacademy.com/vishal sir पे एक स्टूडेंट ने बनाया हुआ है, वो आप रेफ़र कर सकते हो, तो उस तरह का एक टेबल बनाएगा, मैं आपको कल और हेल्प करूँगा वो टेबल बनाने के लिए। तो बेटा आज का सेशन जो है हम एंड करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कमेंट जो मैं यहाँ देना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे व्हाट्सएप आ रहे हैं कि सर जो कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं, जैसे 8 to 10 लेक्चर्स ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी आपने मई अटेम्प्ट के लिए रिकॉर्ड किए थे, तो क्या आपने वो लेक्चर्स हमें इस अटेम्प्ट के लिए दिए हैं क्या, जो सॉरी ऑलरेडी नवंबर अटेम्प्ट के लिए, नवंबर 2019 अटेम्प्ट के लिए रिकॉर्ड किए थे, तो आपने मई 2020 के लिए भी वो प्रोवाइड किए हैं क्या? तो हाँ बेटा, वो लेक्चर्स जिसमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और प्रोसीजर के एक दो लेक्चर्स है जिसमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है, तो मैंने इसका एक वीडियो भी डाला हुआ है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं, क्योंकि मैंने पुणे में भी सेमी फेस टू फेस बैच लिया है, तो वो लेक्चर्स आपको दिए हैं।
बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और जहाँ जहाँ भी अमेंडमेंट्स हुई है वो सभी मैंने अपडेटेड लेक्चर्स आपको दिए हैं। इसके लिए स्पेशली मैंने यूट्यूब पे मेरा वीडियो डाला है, हर चीज़ आपको प्रॉपर से एक्सप्लेन की है, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। थैंक यू।